हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कमल सिंह, सीएलसी मैथ्स फैकल्टी। तो एमटीएस के पेपर नंबर 7 का सॉल्यूशन देखें मैथ्स में, तो टॉपिक उसका क्या है, आपका फुल सिलेबस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें, द नंबर ऑफ कम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग द कर्व्स मॉडुलस ऑफ जेड माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 5 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस 5 आयोटा इज इक्वल टू 3π/4। एक्चुअल में ये जो आपका है मॉडुलस ऑफ जेड माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 5, ये किसको शो करता है? दिस शो द रीजन लाइंग इनसाइड द सर्कल हूज सेंटर इज 5,0 एंड रेडियस इज 5। एंड ये किसको रिप्रेजेंट करता है? दिस सेट ऑफ द ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर विच लाइंग इनसाइड ए सर्कल हूज सेंटर इज 5,0 एंड रेडियस इज 5। अब नाउ ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो दैट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉइंट 0,5 से ओरिजिनेट करता है और उसका आर्ग्यूमेंट कितना है? 3π/4 है। तो अपने डायग्राम से देखें, इसको डायग्राम से करोगे क्वेश्चन बहुत ईजी रहेगा। तो देखो, जैसे ये आपके पास में सर्कल है, ये वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। तो सर्कल का सेंटर कितना है? तो 5,0। तो 5,0 इधर आएगा आपके पास में, 5,0। ठीक है, तो सर्कल इस टाइप का हो गया। ठीक है, सो हियर दिस होल रीजन रिप्रेजेंट द मॉडुलस ऑफ जेड माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 5। अब नाउ दिस पॉइंट, ये आपका 0,5 है, तो 0,5 आपके पास में इसके बराबर में यहां पे आ जाएगा। सो दिस पॉइंट इज 0,5। क्लियर है? तो जेड इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दिस पॉइंट 0,5 से, तो हूज आर्ग्यूमेंट इज 3π/4। इसका मतलब क्या हुआ? वो जो उसका जो एंगल है विद द एक्स एक्सिस इज 3π/4 इस तरीके से। तो जेड इस डायरेक्शन में जाएगा। नाउ दिस एंगल वी हैव 3π/4। सो हाउ मेनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर वी सेटिस्फाई दिस, तो उनमें कोई भी कॉमन रीजन नहीं है हमारे पास में। सो नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग दिस टू इक्वेशन इज 0। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन वी हैव 0। तो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर फॉर्म्ड बाय द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ 3x-4y+1 इज इक्वल टू 0, 3x+4y-7 इज इक्वल टू 0 एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन स्क्वायर यूनिट्स। तो इन दोनों लाइंस के जो एंगल बाइसेक्टर्स है उनका अपने पहले इक्वेशन निकालेंगे एंड दे फॉर्म ए फिगर विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। वो देखते हैं कैसा फिगर बनाते हैं विद द कोऑर्डिनेट, उसका एरिया निकालेंगे। तो देखो, इसके एंगल बाइसेक्टर क्या आपके पास है? 3x-4y+1 इज इक्वल टू 0। सो 3x+4y-7 इज इक्वल टू 0। तो इनका एंगल बाइसेक्टर क्या आ रहा है आपके पास में? 3x-4y+1/5 ± हियर 3x+4y-7/5। सो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ से जब प्लस का साइन लोगे तो यू विल हैव यहाँ से 8y-8। सो y इज इक्वल टू 1। ये एक इक्वेशन तो ये आ गई। तो वन एंगल बाइसेक्टर क्या हो गया? एक एंगल बाइसेक्टर y इज इक्वल टू 1 हो गया। तो सेकंड एंगल बाइसेक्टर यहाँ से जब नेगेटिव साइन लेते हो तो -3x और प्लस का 7 हो जाएगा, तो 6x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 1। सो दीज टू एंगल बाइसेक्टर्स आर, दिस इज पैरेलल टू व्हाट? x एक्सिस, दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो देखें, अगर अपने जनरली देखें तो दिस इज y इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज x इज इक्वल टू 1। सो दे आर फॉर्मिंग ए स्क्वेयर, एक स्क्वेयर बना रहे हैं। तो उस स्क्वेयर की आपके पास में साइड्स क्या है? सो साइड्स ऑफ द स्क्वेयर इज 1। सो एरिया ऑफ दिस क्लोज फिगर विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस वी हैव 1। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 1 स्क्वेयर यूनिट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ द सीरीज, तो 25C13 25C14 प्लस एंड सो ऑन अप टू 25C25 इज इक्वल टू, इनका इसका सम बताना है अपने को। देखो, तो दिस इज वी राइट डाउन, दिस इज 25C13 प्लस 25C14
इस तरीके से रहेगा 25C25, क्लियर है। अब इसको देखो अपने रिवर्स करके लिखते हैं, दिस इज 25C5, दिस इज 25C0, तो 20C24 आएगा, उसको लिख देंगे 25C1, ठीक है। तो देखो ऐसे इसको रिवर्स करके लिखा है, इसमें 25C25 प्लस 25C24 25C23, इस तरीके से आएगा। सो हियर वी हैव, दिस इज 25C13, ओके। तो इसको देखो अपने, सो दिस विल बी 25C12, ये 25C0, 25C1, 25C2, इस तरीके से आएगा। इफ यू ऐड ऑल दिस, दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 2s वी हैव, दिस इज 25C0 प्लस 25C1 प्लस 25C2, लास्ट में आपके पास में ये वाला टर्म आएगा, तो 25C25, ओके। सो दिस इज वी हैव इक्वल टू व्हाट, ये किसके इक्वल आपके पास है, 2 raised to 24 25, सो 2s इज इक्वल टू 2 raised to 25, सो s इज इक्वल टू वी हैव 2 raised to 24, ओके। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन वी हैव दिस सेकंड ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फोर्थ क्वेश्चन देखें, इसमें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल रेज पर 2 raised to -1/x + 1/x, x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, एंड वैल्यू फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 इज 0। सो ऑप्शन क्या है, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, फंक्शन क्या कंटिन्यूस है x इज इक्वल टू 0 पे, एफ एक्स इज डिफरेंशियबल एट x इज इक्वल टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, मतलब राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये बताना, ठीक है। अब इसमें लिमिट एक्सटेंड्स टू, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बोथ आर नॉट इक्वल, तो इसमें देखें तो अपने पहले क्या, इसमें राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। सो आर एच एल क्या होगा आपके पास में, आर एच एल, सो दिस इज लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ठीक है, एफ 0 प्लस एच, ये करेंगे, इसमें देखो क्या आ रहा है आपके पास में, राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है, सो यहाँ पे एच प्लस 1 इस फॉर्म में, सो 2 raised to -1/h 1/h, ओके। सो इसमें जब लिमिट लगाओगे तो वी हैव हियर, दिस इज 1 into 2 raised to -∞, तो दिस इज 0, तो हमारे पास में राइट हैंड लिमिट क्या आ गई, 0 आ गई। तो ऐसे सिंबल लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखो आपके पास में क्या आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ 0 माइनस एच, इस फॉर्म में लिमिट एच टेंस टू 0, सो वी हैव हियर माइनस एच प्लस 1 एंड 2 raised to -, दिस माइनस 1/h + 1/h, ओके। सो दिस वी हैव 0, तो यहाँ से आपके पास में 2 raised to 0 दैट इज 1, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो हमारे पास में लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन, लिमिट तो दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड, बट दे आर नॉट इक्वल, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन वी हैव द फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी रोल द 3 आइडेंटिकल डाइस एंड वी फाइंड दैट द सम ऑफ द अपर फेस नंबर ऑन द 3 डाइस इज 10, सो देन द प्रोबेबिलिटी दैट द 1 डाइस शोज हियर द 6, तो ये एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो पहले तो अपने देखो वो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, वी रोल द 3 डाइस एंड वी फाइंड द ऑन द अपर फेस इज द क्या है 10, तो वो क्या क्या कितने उससे नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बनते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी, वो लेट दैट इवेंट बी हैव द ए, उसके लिए फेवरेबल केसेस आपके पास में क्या बनते हैं वो देख लेते हैं अपने। तो जैसे देखो आपके पास में 1, पहले पे 1 आ जाए तो फिर आपके पास में यहाँ पे 3 एंड बी हैव 6, तो इसके कितने केसेस बनेंगे आपके पास में, 53, तो 3 केसेस बन जाएंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे आपके पास है 1, 4, 5, सो हियर वी हैव अगेन 53, फिर आपके पास में सेम, तो 1 के साथ में आपके पास में इस तरीके से बनेंगे, तो 1, 5, हियर वी हैव 4,
तो ये और ये दोनों सेम आ गया, ठीक है, तो इसको अपने को सोचने की जरूरत नहीं है। तो अब अपने बात करते हैं टू से, टू से शुरू करें, तो टू का फिर किससे देखेंगे अपने पास में, टू का थ्री से, फाइव दिस इज फैक्टोरियल थ्री, इस तरीके से आपके पास में ये केसेस बनेंगे, फिर टू फोर सिक्स एंड फोर, ये आपके पास में तीन बनेंगे यहाँ पे, तीन इसके तीन केसेस बन जाएंगे, फिर टू फाइव, टू फाइव सेवन दिस इज थ्री, अगेन फैक्टर थ्री, ओके। तो आपके पास में ये कितने केसेस आ गए आपके पास में यहाँ पे, तो यहाँ पे 18, 18 एंड 6 20, सो हियर वी हैव दिस इज 6 4, सो इन ऑल द केसेस वी हैव हियर दिस सम इज क्या है आपके पास में, सम कितना आ रहा है 10 आ रहा है, ओके। तो इसमें हमने देखो ये 253 वाला केस है, जो ये 253 केस वाला ये अपना पहले रिपीट हो गया, तो इसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है आपके पास में, 26, 262, ओके। सो दीज आर वी हैव थ्री केसेस, यहां से तीन केस बनेंगे इसमें, ओके। नाउ वी स्टार्ट विद फोर थ्री, थ्री का आपके पास में शुरू करेंगे, 325, तो 325 हमारे पास में पहले आ गया होगा, ये रहा 325, ओके। नाउ 3333, सो दैट इज 633, हियर वी हैव 33 एंड 4, ये देखो ये केस पहले रिपीट तो नहीं हुआ, इसको दिस इज नॉट रिपीटेड, ठीक है। तो ये आपके पास में कितने हो गए यहाँ पे, दिस वी हैव हियर 3, सो कितने केसेस हुए आपके पास में, 6 एंड वी हैव 18 And these are the 27. अगर आपने 3-4 लेंगे, 3-4 we have this same case will be here repeated. 3-5 लेंगे, 3-5-2 that will be repeated here. 3-6 करेंगे तो 3-6-1 वो पहले केस में आ जाएगा, ये वाला केस। तो आपके पास में 27 केसेस बने इसमें, ओके। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम 27, दैट इज 27 अपॉन 216, ओके। तो इन अब इनमें देखो आपके पास में कितने ऐसे केसेस हैं वेयर दी वी आर गेटिंग द 6 ऑन 1 डाई, हमारे पास में एक डाई पे क्या है वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि देन द प्रोबेबिलिटी दैट द 1 डाई शोज 6, तो अपने पास में तीन केस तो ये हो गए, ठीक है, और मतलब 6 केसेस ये हो गए, 6 ये बन गए, तो आपके पास में तीन ये हो गए, तो 9, तो आपके पास से पी बी मतलब उसके पॉइंट वो उसके लिए आपके पास में क्या कंडीशंस हो, उसके हाउ मेनी फेवरेबल केसेस उसमें आपके पास में 9 बन गए, तो 9, तो व्हाट आर दी एन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी आपके पास में 9 है, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी पी बी अपॉन ए, ये क्या है आपके पास में द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द 6 ऑन 1 डाई व्हेन इट इज गिवन दैट द सम ऑफ द डिजिट्स ऑब्टेन, सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन ऑन द डाई इज 10, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो पहले कौन सा इवेंट हैज अकर्ड, द फर्स्ट कौन सी इवेंट पहले हो गई गेटिंग द सम टोटल 10, ठीक है, तो उस समय फिर बाद में कौन सा इवेंट हुआ है आपके पास में, द फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द 1 डाई शोज हियर द 6, सो वी हैव हमारे पास में क्या हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, ओके। तो यहां से आप इसके पास में क्या आ जाएगा, तो दिस वी हैव 9 अपॉन 27, ओके, तो 1 अपॉन 3, तो आंसर क्या हो गया इसका 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो द रेंज ऑफ अल्फा, रेंज ऑफ अल्फा फॉर विच द पॉइंट्स ऑफ लोकल एक्सट्रीमा ऑफ द फंक्शन, मतलब भी आपको अल्फा की रेंज फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए क्या है उसका जो स्टेशनरी पॉइंट है एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, मतलब एक्सट्रीमम पॉइंट्स है वेयर द फंक्शन अटेन द लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम लाइज इन दिस इंटरवल, इस इंटरवल में लाइक करना चाहिए। तो पहले देखो आप इसको इसका डेरिवेटिव करेंगे, सो एफ डैश एक्स वी हैव एफ डैश एक्स क्या आ गया 3x² माइनस 6 अल्फा एक्स प्लस 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 1, ये इसका डेरिवेटिव हुआ। अब नाउ इसके जो जितने भी अपने पास में क्या होंगे इसके स्टेशनरी पॉइंट होंगे क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे,
द पॉइंट्स वेयर द फंक्शन अटेन द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, वो किस में लाई करते हैं, इस इंटरवल में लाई करते हैं। तो देखो इसका इस तरीके से ग्राफ रहेगा, हियर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वी हैव द 3, तो -2 एंड 4, ये इसके दो क्या हो गए, क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए, वेयर द एफ डैश एक्स इज 0। ओके, तो इनका जो इसका जो वर्टेक्स है दैट आल्सो लाइज इन इंटरवल, वो वर्टेक्स है वो किस इंटरवल में लाई करता है आपके, तो -2 से 2 में, -2 से 4 में, तो आपके पास है -b/2a मस्ट बिलोंग्स टू, मतलब मस्ट लाई इन बिटवीन -2 से 4 में, तो b की वैल्यू डालो यहाँ पे -6 alpha है, सो -2 दिस इज -6 alpha, तो ये आपके पास में यहाँ पे a की वैल्यू कितनी 6 है, तो ये हो गया आपके पास में हियर अल्फा वेरीज फ्रॉम -2 से 4। अब इसकी वैल्यू जो आपके पास में ये एफ डैस सिक्स है, ये क्या होना चाहिए, एफ डैस -2 मस्ट, तो ये एफ डैस सिक्स का ग्राफ है ना, एफ डैस सिक्स का, तो ये आपके पास में ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए। यहाँ पे इसकी वैल्यू देखो क्या, इसकी रेंज क्या आती है, अल्फा की रेंज देख लेते हैं कितना आ रहा है, यहाँ पे दिस इज 4 एंड 12, माइनस का प्लस का 12 alpha + 3 alpha square -1, ओके मस्ट बी ग्रेटर देन 0, यहाँ से आपके पास में α² -1 + 4α + 4 ≥ 0, ओके, तो यहाँ से आपके पास में α² + 4α + 3 ≥ 0, α+1 and α+3 ≥ 0, ऐसा आ गया। तो इसमें आपके पास में माइनस, ये -1 ऐसा हो गया, सो अल्फा बिलोंग्स टू -3 to -1, तो अपने को दोनों का इंटरसेक्शन लेना है ना, तो तीनों का इंटरसेक्शन, अब आपके पास में एफ डैस 4 दैट मस्ट आल्सो बी ग्रेटर देन 0, तो इसमें देखो तो 1648 आएगा, 48 माइनस हियर वी हैव 24 alpha and + 3 alpha square - 3, दिस इज ग्रेटर देन 0, तो 3 से इसे डिवाइड कर दें तो आपके पास में क्या आ रहा है, सो α² - 8α +15 ≥ 0, तो अल्फा कहां से कहां तक रहेगा आपके पास में 5 से बड़ा और 3 से कम, ऐसा हो गया। अब तीनों का इंटरसेक्शन ले लें, अपने तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो देखो क्या मिलेगा आपको, तीनों का इंटरसेक्शन, तो यहां से इसका इंटरसेक्शन ले लेते हैं, सो -3 (-∞ to -3) and -1 (∞). ओके, तो इसका -2 से 4 ओके, ये कितना आपके पास में 3 एंड दिस इज 5 to ∞। सो व्हाट इज द इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या आ रहा है इसका, अल्फा बिलोंग्स टू -1 से 3, अल्फा कहां से कहां तक है, -1 से 3 में, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, हियर वी हैव द फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो इस क्वेश्चन में देखें, इफ द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट P implies Q and implies both ways. तो by conditional question है, R is F, ये F है, then truth values of the P, Q, R, so can be respectively. अब हमें ये पता है, देखो ये this is false है, किसके equal है, false के, okay. अब ये false है तो आपके पास में क्या क्या conditions यहाँ पे arise होती हैं, इसको देखो, अगर एक इन दोनों में से देखो, अगर यहां पे टी है इधर एफ है, सो देन वी हैव हियर एफ, ओके इधर एफ है, ठीक है इधर टी है, सो देन वी हैव दिस इज एफ, क्लियर है। अब ये एफ तभी होगा जब ये दोनों क्या होंगे आपके पास में एफ, ऐसा होगा, ओके अगर ये एफ कैसा होगा आपके पास में यहां पे, जब ये टी होगा इधर, इधर ये एफ, ये मतलब टी इंप्लाइज हियर एफ,
टी इंप्लाइज एफ, दैट विल गिव द एफ. यहाँ पे एफ इंप्लाइज एफ, तो इधर आपके पास में अगर एफ इंप्लाइज एफ है तो वो ये एफ नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना. इधर आपके पास में एफ तो तभी मिलेगा, यहाँ पे एफ अगर तभी आएगा, ये एफ तभी होगा जब आपके पास में इधर टी होगा, ठीक है, इधर टी बनेगा. और अगर इधर एफ हो गया तो इधर भी एफ होगा, तो दैट विल बी टी. सो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बनता है, यहाँ पे टी एफ टी, क्लियर है. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन वी हैव द टी एफ टी, तो सेकंड ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखें, ए एंड बी आर नॉन जीरो मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर 3, सो दैट द 3A प्लस 2B ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, सो देन यू हैव टू फाइंड आउट द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू बतानी है. तो देखो इसको आप इस तरीके से लिखें पहले, ओके. अब मैं इसका डिटरमिनेंट वैल्यू लेता हूं, फिर इसका ट्रांसपोज ले लो. तो ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास में क्या आ रहा है, टेकिंग इट्स ट्रांसपोज, तो ये इस तरीके से आएगा इसका ट्रांसपोज. अब ये आपके पास में क्या हो गया, इसका ट्रांसपोज हमने लिया, ठीक है, दिस विल बी हेयर माइनस ओके. ये आपके पास में किसके इक्वल आ गया, दिस इज इक्वल टू व्हाट, इधर 2 into transpose of matrix A plus transpose of B matrix. So this we have equal to what we have, minus 2 A plus B. ठीक है, अब इसका determinant value लें. If you take the determinant value, determinant value that will be equal to transpose of matrix A, transpose of matrix B. And this we have minus 2 determinant value of this. Okay? तो ये आपके पास में यू नो द ट्रांसपोज ऑफ ए डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज दे आर ऑल इक्वल, ये इक्वल होता है आपके पास में. तो इसमें देखो आपके पास में दिस विल गिव द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स ए प्लस बी, ठीक है. तो यहां से आपके पास में क्या आएगा, 2Q, क्योंकि मैट्रिक्स ए किस ऑर्डर का आपके पास में, मैट्रिक्स ए एंड बी ऑफ ऑर्डर 3, सो 2Q विल बी आउटसाइड, ठीक है. इधर आपके पास में क्या आएगा, so this we have minus 2Q and determinant value of matrix A plus B. So they are same, ये same रहेगा आपके पास में, this will be the 64 and determinant value of matrix A plus B. So this is equal to 0. ये आपके पास में 0 के equal आया. तो answer to this question we have the 0. तो 0 आ गया. Okay. तो next question देखें. यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो, इन द ट्रायंगल एबीसी इफ ए बी इज इक्वल टू एक्स एंड बी सी इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड एंगल सी इज इक्वल टू पाई बाई 3, सो देन लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स. तो ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में आपके पास में वी हैव द ए बी इज इक्वल टू एक्स, बी सी इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड एंगल सी इज, वी हैव एंगल सी आपके पास में पाई बाई 3 है, दिस वी हैव पाई बाई 3 एंड नाउ ए बी वी हैव x एंड bc वी हैव x प्लस 1. तो इस साइड को मैं क्या लेट कर लेता हूं, यहां पे b, दिस b, सो अप्लाइंग द कोसाइन फार्मूला, कोसाइन फार्मूला जब लगाएंगे तो cos पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 वी हैव हियर b स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 bx प्लस 1, इस तरीके से आएगा. इसको जब सिंपलीफाई करेंगे तो यहां पे 1/2 हेयर बी है बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 bx प्लस 1, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा. अब इसमें आपके पास में क्या आ गया, b x प्लस 1
एंड बी स्क्वेयर 2x प्लस 1, बी में क्वाड्रेटिक बनेगा. ओके बी यू नो द रियल वैल्यू, बी इज द रियल, सो देन इट्स डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है, तो अब देखो बी स्क्वेयर, सो हियर वी हैव एक्स प्लस 1 बी प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0. सो बी रियल है तो डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इसका डी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो यहाँ पे आपके पास में x प्लस 1 होल स्क्वेयर माइनस 4 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो हियर वी हैव x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 8x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ओके, तो ये अब आपके पास में क्या बन गया, यहाँ पे x स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इस फॉर्म में आ रहा है. सो x मस्ट बी ग्रेटर देन, सो x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 6 प्लस, तो यहाँ पे 36 प्लस 12, सो दैट इज 48. 48 आएगा तो आपके पास में 4 रूट 3 अपॉन 2. सो दिस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, नेगेटिव आप यहाँ से लेंगे नहीं, x विल बी लेस देन व्हाट, लेस देन इक्वल टू 6 माइनस 4 रूट 3. तो वो आपके पास में क्या हो जाएगा, इसमें नेगेटिव वैल्यू बन जाएगी, वो उसको हम अवॉइड करेंगे. ओके, तो इधर देखें फिर आगे, x इज ग्रेटर देन 3 प्लस 2 रूट 3, सो दिस वी हैव 1 पॉइंट, सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 प्लस, हियर वी हैव 3.4, सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6.4. सो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ x, x विल बी हियर, लीस्ट वैल्यू ऑफ x इज वी हैव 7. ओके, लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू वी हैव 7. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो एन आइसोसेलस ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला, एक आइसोसेलस ट्रायंगल है इंस्क्राइब्ड इन पैराबोला विद इट्स बेस एज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड पॉजिटिव एंड ऑफ द लैटिस रेक्टम, पॉजिटिव एंड ऑफ द लैटिस रेक्टम ऑफ द पैराबोला, इफ 80 स्क्वायर 280 इज द वर्टेक्स ऑफ दिस ट्रायंगल. ठीक है, तो ये वर्टेक्स हो गया ट्रायंगल का, आइसोसेलेस डिस्क्राइब्ड है, इंस्क्राइब्ड है मतलब इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, उसका एक वर्टेक्स कहाँ पे है, इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला एंड अदर वर्टेक्स इज द हुज बेस, बेस इज हैविंग द वन एंड एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला एंड अदर एंड इज एट द पॉजिटिव एंड ऑफ द लैटिस रेक्टम, जो दूसरा एंड है उसका कहाँ पर है, लैटिस रेक्टम के पॉजिटिव एंड पर है. अब उसका क्या वर्टेक्स क्या कह रहा है, 80 स्क्वायर 280 स्क्वायर कह रहा है, सो देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन यू गेट, तो कौन सी कंडीशन आपके पास में आती है, तो देखें क्वेश्चन कैसा है, तो क्वेश्चन ये आपका पैराबोला हो गया. ओके, तो यहाँ पर आपके पास में दिस इज द लैटिस रेक्टम हुज पॉजिटिव एंड वी हैव ए टू ए, सो द आइसोसेलस ट्रायंगल हैविंग द बेस हुज वन एंड इज एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, दिस इज 0 0. ठीक है, नाउ you have to construct the isosceles triangle in this way and vertex of the isosceles triangle we have here 80 square 280, so this is a, this is b, this is c, so for the isosceles triangle you know the ab is equal to ac, ab is equal to ac, ye condition lagani, to is isme formula bhi laga dete hain to check karenge to you will get the required condition aapke paas mein aa jayegi. तो देखो इसमें यहाँ से आपके पास में ए स्क्वेयर टी रेशो 4 ए स्क्वेयर टी स्क्वेयर इस फॉर्म में आ गया. ठीक है, अब इधर 80 स्क्वेयर माइनस ए होल स्क्वेयर, ठीक है, 280 माइनस 2a होल स्क्वेयर इस फॉर्म में आ गया. अब इसको देखो अपने ए स्क्वेयर टी की पावर 4 प्लस 4 ए स्क्वेयर टी स्क्वेयर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ए स्क्वेयर टी रेशो 4 प्लस ए स्क्वेयर माइनस 2 ए स्क्वेयर टी स्क्वेयर, ओके, प्लस 4 ए स्क्वेयर टी स्क्वेयर प्लस 4 ए स्क्वेयर एंड माइनस 8 ए स्क्वेयर टी इस फॉर्म में आ गया. इसको देखो सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस गेट्स कैंसल्ड,
and 4 a square t square, this also gets cancelled. So we have here aapke paas mein yahan par to 2t square, t square wala to ek term to ye aa gaya aapke paas mein ye. To idhar dekho aapke paas mein 2 a square t square and plus 8 a square t, फिर माइनस का 3 a square equal to 0. So here we have the a square is common from all the terms, a square common आ रहा है. तो क्या बन गया आपके पास में relation, क्या आ रहा है 8 square 2 t square minus plus 8 t and minus 3 equal to 0. Okay, so which option is correct? Here we have, तो इधर आपके पास में plus का 5 a square है ना, तो ये minus plus का 5 a square, तो minus का 5 आ रहा है, 5 आ रहा है. Okay. So which option is correct? We have the second option. The next question dekhen. The next question stat ka hai, statistics ka hai. To usme question dekho kya hai? Let x1, x2, xn are the n observations such that the summation of the n variable is 10. And sum of the squares of the n variable is 260 and standard deviation कितना दे रखा है आपको 5 दे रखा है. Then n is equal to, तो n की value बतानी है. Simple question है. तो आपके पास में देखो standard deviation क्या होता है. तो standard deviation you know this is we have sigma x square upon n minus sigma x upon n whole square. Okay, तो यहाँ पे आपके पास में बट इधर स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, तो ये 25 हो जाएगा. अब इधर आपके पास में 260 अपॉन एन, दिस वी हैव सिग्मा एक्स कितना आपके पास में, सिग्मा एक्स वी हैव 100 हो गया अपॉन एन स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो आपके पास में क्या इक्वेशन बनती है, देखो यहाँ से वी हैव 25 एन स्क्वायर माइनस 260 एन एंड प्लस 100. ओके, तो इसको 5 से अगर आप डिवाइड करते हो तो वी गेट हियर 5 से डिवाइड किया तो 5 एन स्क्वायर माइनस 52 एन एंड दिस वी हैव 20. ओके, इसके फैक्टर क्या हो गए, 50 एंड 2. सो 5 एन स्क्वायर माइनस 50 एन माइनस 2 एन प्लस 20 इक्वल टू 0. तो यहाँ से आपके पास है 5 एन एन माइनस 10 and minus 2 n minus 10 equal to 0. So n is equal to, we have 10, n is equal to aapke paas mein 10 aa raha hai, theek hai. To n 2 upon 5 to ho nahi sakta, this is natural number. So answer to this question we have the 10. Next question, अब इस क्वेश्चन में देखें, देखो डेफिनेट मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है. सेक स्क्वायर एक्स को सेक एक्स होल स्क्वायर 4 डीएक्स इज इक्वल टू एफ एक्स. फिर आपको तो सेक स्क्वायर एक्स को सेक एक्स होल स्क्वायर 4, तो डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है. इसमें फिर आपको फंक्शन एफ फाइव बाई सिक्स इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन रूट 3 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द एफ फाइव बाई 4. तो देखो इसमें पहले इसका इंटीग्रेशन करते हैं. सो दिस वी हैव सेक स्क्वायर एक्स एंड कोसेक एक्स होल स्क्वायर 4, तो दिस वी कैन राइट ऑन, इसको अपने किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स एंड दिस वी हैव साइन एक्स होल स्क्वायर 4 डीएक्स. इसको फिर अपने देखो 10 में चेंज कर लिया, 10 में चेंज करेंगे तो 10 में चेंज करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, यहाँ पे कोस एक्स होल स्क्वायर 6 दिस इज 10 एक्स होल स्क्वायर 4. तो इसको फिर फर्दर वी कैन राइट डाउन दिस इज सेक एक्स होल स्क्वायर 4 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 10 एक्स होल स्क्वायर 4 डीएक्स. अब इसको अपने लिख देंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर. ओके, 10 एक्स होल स्क्वायर 4 डीएक्स. तो 10 एक्स को क्या पुट किया, यहां पे टी पुट किया, तो सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स दिस वी हैव डीटी.
किसके इक्वल आ रहा है, dt के इक्वल आ रहा है। ओके तो अब इसके तो इसको dt पुट किया, ठीक है, तो sec square x dx is equal to dt, तो देखो किस फॉर्म में बन गया इंटीग्रेशन। सो वी हैव दिस इज 1 प्लस t स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन t रेशियो 4 dt। तो इसको सिंपलीफाई किया तो क्या आ गया आपके पास में, 1 प्लस t रेशियो 4 प्लस 2 t स्क्वायर अपॉन t रेशियो 4, दिस वी हैव dt। तो इधर 1 अपॉन t रेशियो 4 dt एंड dt प्लस 2 1 अपॉन t स्क्वायर dt। तो इसका अपने पास में क्या बन गया, माइनस 3 अपॉन माइनस 1 अपॉन 3 t क्यूब एंड दिस वी हैव t एंड फर्दर वी हैव दिस इज माइनस 2 अपॉन t प्लस c, इस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में देखो दिया क्या हुआ है, क्वेश्चन में किस फॉर्म में दे रखा है आपको, एफ पाई बाई सिक्स इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 3। तो अपने को सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में आपको एफ एक्स मिल जाएगा, तो एफ पाई बाई 4 अपने को निकालना है ना। तो देखो उसमें कैसे करेंगे आगे, एफ पाई बाई सिक्स भी है यहाँ पे, पाई बाई सिक्स डालेंगे तो इसमें देखो इसको किस में चेंज कर लेते हैं सारे को, फंक्शन को टी के मतलब एक्स एक्स के टर्म में, सो दिस वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स किसके इक्वल आ गया आपके पास में, एफ एक्स वी हैव हियर माइनस 1 अपॉन 3 टेन क्यूब एक्स प्लस 10 एक्स एंड माइनस 2 अपॉन 10 एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, एफ पाई बाय सिक्स, एफ पाई बाय सिक्स इसमें यू आर गिवन दी माइनस 8 अपॉन रूट 3, जब इसमें रखोगे आप पाई बाय सिक्स दैट विल बी दी 1 अपॉन 3, हियर वी हैव 1 अपॉन 3 रूट 3, ओके ये कैंसिल हो जाएगा, इधर आपके पास में 1 अपॉन रूट 3 आएगा, सो दिस वी हैव 1 अपॉन रूट 3 2 रूट 3 प्लस सी, इसका कितना दे रखा आपको माइनस 8 अपॉन रूट 3, ये वैल्यू दिया हुआ है। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो माइनस का कितना ऊपर कितना चला गया, रूट 3 ऊपर चला गया ना, सो रूट 3, सो दिस वी हैव माइनस रूट 3 एंड तो ये माइनस का 3 रूट 3 हो गया, तो प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस सी, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ रहा है, माइनस 8 अपॉन रूट 3 एंड माइनस 8 अपॉन रूट 3 प्लस सी, तो सी की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, जीरो आ गई, तो सी वी हैव इक्वल टू जीरो, तो सी जीरो हो गया, तो फंक्शन क्या बना आपके पास में फाइनली, व्हाट इज द फंक्शन, वी है माइनस 1 अपॉन 3 टेन क्यूब एक्स एंड प्लस 10 एक्स एंड माइनस 2 अपॉन 10 एक्स, ये बन गया। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट व्हाट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4, पाई बाय 4 पे वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी, पाई बाय 4 पे इसकी वैल्यू कितनी है, दिस इज माइनस 1 बाय 3, दिस इज 1 माइनस 2, ओके सो दिस इज माइनस 4 अपॉन 3, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन वी हैव, तो आपके पास में क्वेश्चन का आंसर क्या बना, माइनस 4 अपॉन 3। तो देखो थर्ड ऑप्शन, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन भी है थर्ड ऑप्शन, ओके। थर्टींथ क्वेश्चन देखें, सो
तो 13 क्वेश्चन में क्या है, दिस इज द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है. तो यहाँ पे क्या है, सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, टेन इनवर्स 2r+1 अपॉन 1+r r+1 होल स्क्वायर. तो इसका सम पूछा आपको. तो देखो एक्चुअल में अगर इसको ध्यान से देखते हैं अपने, तो क्या आ रहा है यहाँ पे, r इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी टेन इनवर्स, ठीक है, तो 2r+1 अपॉन 1+r r+1 होल स्क्वायर, ठीक है. तो इसको देखो किस तरीके से लिखा, यहां पर अगर देखें तो tan इनवर्स, तो सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो 2r+1 दिस वी कैन राइट डाउन 1+r² r+1 होल स्क्वायर, इस फॉर्म में आ गया, ठीक है. तो अब इसमें देखो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, इन दोनों का डिफरेंस 2r+1 है. तो इसको देखो किस तरीके से लिखा, r इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी tan इनवर्स, तो ऊपर लिखा r+1 होल स्क्वायर माइनस r² अपॉन में 1+r² r+1 होल स्क्वायर, इस फॉर्म में आ गए हमारे पास में. तो दिस वी हैव इक्वल टू व्हाट, r वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, तो tan इनवर्स r+1 होल स्क्वायर माइनस tan इनवर्स r², इस फॉर्म में आएगा. अब नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ द r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. जब 0 रखेंगे तो यू विल गेट हियर tan इनवर्स 1, फिर यहां पे 0 मिलेगा. तो फाइनली देखो आपके पास में किस तरीके से ये रहेगा, ये देखें, तो समेशन किस फॉर्म में आ रहा है, तो दिस विल बी tan इनवर्स 1² tan इनवर्स 0, फिर प्लस tan इनवर्स 2² फिर tan इनवर्स 1² ऐसा है. तो ये वाले टर्म्स क्या है, सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे आपके पास में. लास्ट में आपके पास में क्या आएगा, मैं अगर n टर्म्स का सम फाइंड आउट करता हूं, तो n टर्म्स का सम फाइंड आउट करूंगा, तो लास्ट में आपके पास में tan इनवर्स n+1 होल स्क्वायर माइनस tan इनवर्स n² ये सारे के सारे टर्म क्या आपके पास में कैंसिल हो जाएंगे. अब लास्ट में जब इसमें आप n इज इक्वल टू इन्फिनिटी इन्फिनिटी डालेंगे, तो वी विल हैव हियर s विल बी इक्वल टू tan इनवर्स इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मिलेगा आपको, ये वाला टर्म बचेगा, क्लियर है. तो ये क्या, tan इनवर्स n+1 होल स्क्वायर, तो बाकी सारे टर्म दे विल कैंसिल आउट ईच अदर विद ईच अदर. तो आपके पास में दिस इज π/2, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन भी है π/2. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एनी टू यूनिट वेक्टर्स, रेंज ऑफ, यू हैव टू टेल द इट्स रेंज इज गिवन टू यू द k1 to k2, सो देन k1 plus k2 की वैल्यू बतानी है आपको ना. तो देखो इसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर्स है. सो अपने सपोज कर लेते हैं लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन देम, तो अगर उनके बीच में एंगल क्या थीटा है, तो देन वी कैन फर्स्ट वी फाइंड आउट इट्स मॉडुलस. तो मॉडुलस का स्क्वेयर करेंगे तो क्या आएगा, 1+1 वी हैव हियर 2 cos थीटा, ऐसा रहेगा, ठीक है. सो दे आर यूनिट वेक्टर, सो 2 कॉमन आएगा आपके पास में, दिस विल बी हियर 4 cos² θ/2. तो सिमिलरली यू इफ यू हैव द ए मॉडुलस स्क्वेयर ऑफ द मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, सो यू विल गेट हियर द 4 sin θ/2, इस फॉर्म में आ गया square θ/2. अब इनका मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दैट विल बी द 2 cos θ/2, वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता. तो आपके पास में ये फाइनली किस फॉर्म में बना, देखो तो दिस विल बी वी हैव, इसकी वैल्यू डालेंगे सो दिस वी हैव, तो यहां से आपके पास से मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दैट विल बी 2 cos θ/2 एंड मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दैट इज 2 sin θ/2, ऐसा आ रहा है, क्लियर है. तो इसमें वैल्यू जब डालेंगे तो आपके पास में क्या आ रहा है, हियर वी हैव 3 cos θ/2 एंड दिस वी हैव 4 sin θ/2. अब एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स वेरीज फ्रॉम 0 to π, बट हियर एंगल वी हैव θ/2, सो θ/2 वेरीज फ्रॉम व्हाट, θ/2 कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 से π/2. ओके, तो 0 से π/2 में जब वेरी करेगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू आपके पास में 3 रहेगी और मैक्सिमम वैल्यू यू विल हैव हियर दिस अंडरूट a² + b² अगर अपने इसको x लेट कर लेते हैं, सपोज करो मैं दिस इज इक्वल टू x,
So we have, so suppose this quantity is y. So we have 3 cos x plus 4 sin x. अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास में क्या आ रहा है. सो दिस वी हैव माइनस 3 साइन एक्स प्लस 4 कोस एक्स. ठीक है. सो टेन एक्स इज इक्वल टू वी हैव 4 अपॉन 3 आ रहा है. तो ये आपके पास में टेन एक्स इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 ये पॉजिटिव आ रहा है. ठीक है ना. तो पॉजिटिव रहा है तो इसका मतलब दिस थीटा बाई 2 इज लाइंग इन बिटवीन हियर 0 to π/2. तो आपके पास में यहाँ पर तो साइन एक्स कोस एक्स की वैल्यू डालेंगे तो आपके पास में देखेंगे इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर लो यू विल गेट हियर द नेगेटिव वैल्यू. तो इस पे इसकी वैल्यू क्या मैक्सिमम रहेगी. जब इसकी वैल्यू इसके पे जब मैक्सिमम रहेगी तो यहाँ पे डालेंगे तो देखो आपको यू विल हैव द मैक्सिमम वैल्यू एट दिस 4/3. सो 4/3 का मतलब क्या हुआ आपके पास में दिस इज 4 दिस इज 3 दिस इज 5. तो सिंपली यू हैव टू पुट हियर द 4/16/5 एंड दिस इज तो आपके पास में y मैक्सिमम कितना हुआ 5 हुआ. ठीक है. तो दैट विल बी द 5 और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी आपके पास में दैट विल यू विल गेट हियर एट 0. सो एट 0 यू नो द cos दिस विल बी 3 अदरवाइज इट इट्स वैल्यू विल बी इंक्रीजिंग. तो ये 3 से ज्यादा होगी आपके पास में. ओके. तो आपके पास में मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है आपके पास में हेयर वी हैव 10x इज इक्वल टू 4/3. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा. ओके. तो पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है आपके पास में पाई बाई 2 पे दिस वी हैव 4. तो आपको जब इंटरवल पता हो यू नो इफ यू हैव द क्लोज इंटरवल एंड यू हैव द दिस इज स्टेशनरी पॉइंट पड़ता है तो आपके पास में क्लोज इंटरवल है तो क्लोज इंटरवल के एक्सट्रीम पॉइंट्स पे और दिस इज द स्टेशनरी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लो फिर कंपेयर करो तो यू विल हैव द मैक्सिमम वैल्यू 5 एंड मिनिमम वैल्यू इज 3. सो व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस क्वांटिटी दिस फंक्शन इसकी रेंज क्या हुई फिर आपके पास में 3 से 5. ओके. सो वी हैव k1 प्लस k2 दैट इज 8. तो आपके पास में 8 आंसर इसका हो गया. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन वी हैव द थर्ड ऑप्शन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो 15th क्वेश्चन है देखो. सो देर आर 3 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस एंड 6 डिफरेंट बॉल्स एनी बॉक्स कैन रिसीव एनी नंबर ऑफ बॉल्स. तो किसी भी बॉक्स में कितनी भी बॉल रखी जा सकती है. द नंबर ऑफ वेज इन विच दीज बॉल्स कैन बी पुट इन टू बॉक्सेस. तो कितने ऐसे तरीके हैं कि भी इन बॉल्स को इन बॉक्सेस में रखा जाए भी कोई भी बॉक्स के आपका खाली ना रहे. ठीक है. नो बॉक्स इज एम्प्टी. तो देखो इससे पहले अपने देखो बॉल्स क्या डिफरेंट है बॉक्सेस भी डिफरेंट है. तो अपने क्या है इसमें ग्रुप डिवीजन में या ग्रुप फॉर्मेशंस करेंगे मतलब कोई भी ग्रुप क्या खाली नहीं रहना चाहिए. तो यू हैव टू डिवाइड दिस 6 डिफरेंट बॉल्स इनटू 3 डिफरेंट बॉक्स. तो तीनों डिफरेंट बॉक्सेस में डिवाइड करना. तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है आपके पास में. तो देखो ग्रुप फॉर्मेशन से करेंगे 1 1 4 एक ऐसा हो सकता है यहाँ पे 1 2 3 हो सकता है या 2 2 2 इस तरीके से होगा. तो पहले ग्रुप फॉर्मेशन हुआ फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 1 स्क्वायर हियर वी हैव फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 देन यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट फिर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है. ओके. तो ये आपके पास में कितना 90 हो गया दिस इज 90. ओके. 62 15 एंड फर्दर वी हैव फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 इनटू फैक्टोरियल 3. ओके. ये आपके पास में यहाँ पे कितना हो 12 तो 72 तो 60 into 6 दिस इज 360. ये आपके पास में 360 हो गया. तो फर्दर फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 क्यूब फैक्टोरियल 3 ऐसा इनटू फैक्टोरियल 3 तो ये कैंसिल हो गया आपके पास में 8 आ रहा है दिस वी हैव तो 720/8 दिस इज 90. सो व्हाट इज देयर सम. So 180 plus 360 this is 540. So answer to this question we have 540. Okay. Next question.
नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन sec x plus tan x is equal to 1 upon 3, इसके आपको क्या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं ऑफ दिस इक्वेशन, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो देखो आपके पास में sec x plus tan x की वैल्यू कितनी, 1 upon 3 है, तो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sec x minus tan x। तो देखो sec x अगर आप इसको सॉल्व करोगे sin cos में, तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अभी ये सिंपल सा तरीका इसका यही है, तो 1 upon 3 एंड sec x minus tan x वी हैव इक्वल टू व्हाट, sec x minus tan x दैट वी हैव इक्वल टू, सो 3। ओके, इस तरीके से आएगा। तो अब अपने पास में दोनों को जब ऐड करेंगे तो वी हैव 2 sec x वी हैव इक्वल टू 3 plus 1 upon 3, सो sec x वी हैव इक्वल टू 9 10 10 upon 6, ऐसा आ रहा है। एंड फर्दर अगर इनका डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, 2 tan x, सो वी हैव 1 upon 3 minus 3, सो दिस वी हैव minus 8 tan x, तो क्या आ रहा है आपके पास में, minus 4 upon 3। तो tan x नेगेटिव है, sec x पॉजिटिव है, इसका मतलब x lies in which quadrant, फोर्थ quadrant में lie कर रहा है। तो x के आपके पास में फोर्थ क्वाड्रेंट में है, यहां पर है, ठीक है। तो यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम 0 to 4π, तो 0 से 4π में आपके पास में यहां पे कितने स्पाइरल बनेंगे, तो दो स्पाइरल बनेंगे, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर, दो सॉल्यूशन आएंगे। ओके, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन वी हैव द टू सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy upon dx, हियर वी x sin 2y is equal to x cube cos square y। ओके, तो ये देखो आपके पास में एक्चुअल में अगर इसको देखें थोड़ा सा ध्यान से, तो ये किसका कौन सा फॉर्म है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं है, क्योंकि x की पावर यहाँ पे क्या आपके पास में, यहाँ पे लीनियर टर्म नहीं है, y का भी लीनियर टर्म नहीं है, तो ये फॉर्म आपका बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का बनता है। तो इसमें देखो इसको थोड़ा सा कॉस स्क्वायर वाई को अपने इधर लेके जाएंगे, तो देखो किस फॉर्म में लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर वाई, सो दिस वी हैव डी वाई अपॉन डी एक्स, एंड इसको 2 एक्स साइन वाई कॉस वाई एक्स क्यूब अपॉन कॉस स्क्वायर वाई, इस फॉर्म में लिख लिया, क्लियर है। तो देखो इसको कैसे अपने सॉल्व करते हैं ना, तो ये किस फॉर्म में आ गया, sec square y dy एंड प्लस वी हैव 2x tan y, यहां से एक cos y कटेगा तो tan y एंड x cube इस फॉर्म में आ। तो देखो आपके पास में यहां पे tan y को मैं क्या पुट कर देता हूं, tan y को v पुट कर देता हूं, tan y को v, सो वी हैव sec square y dy upon dx dv upon dx, ठीक है, इधर आपके पास में dv upon dx plus 2xv x cube, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो व्हाट विल द if, हियर वी हैव if विल बी हियर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा आपके पास में, e की पावर 2, इसका इंटीग्रेशन क्या बन गया, e की पावर x square, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया आपके पास में, सॉरी यहां पे e की पावर x स्क्वायर, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या बना इसका आपके पास में, e रेस्ट पावर x स्क्वायर इनटू v इक्वल टू वी हैव e रेस्ट पावर x स्क्वायर इनटू x क्यूब, सो dx, ठीक है, प्लस c। अब इसमें देखो e की पावर x स्क्वायर v, v वी हैव इक्वल टू व्हाट, tan y, इसमें देखो आप क्या पुट करोगे, x स्क्वायर को t पुट कर लो, सो दिस वी हैव 2x dx dt, तो इसको देखो किस फॉर्म में लिख लिया हमने, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में बना के लिख लिया इसको, हियर वी हैव e की पावर x स्क्वायर एंड x स्क्वायर dx, फिर आगे आपके पास में x और आ गया प्लस c, तो x dx की वैल्यू कितनी है आपके पास में, यहाँ पे dt upon 2, सो दिस इज 1 upon 2 t e raised to t dt प्लस c। इसको देखो अपने इसका इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट्स, इंटीग्रेट करोगे तो यू विल हैव हियर 1 upon 2
तो t माइनस वन इंटू ई रेज पावर t प्लस सी. तो यहाँ पे e रेज पावर एक्स स्क्वेयर, तो v टेन वाई इस फॉर्म में आ गया. अब e रेज पावर एक्स स्क्वेयर को अपने नीचे लेकर जाएंगे तो क्या बनेगा आपके पास में, दे t की वैल्यू डालो यहाँ पे 1 अपॉन टू, हेयर वी हैव एक्स स्क्वेयर माइनस वन e रेज पावर एक्स स्क्वेयर प्लस सी, सो वी हैव e रेज पावर एक्स स्क्वेयर टेन वाई. ओके, तो फाइनल आंसर आपके पास में बन गया ये टेन वाई, वी हैव 1 अपॉन टू एक्स स्क्वेयर माइनस वन प्लस सी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वेयर, ऐसा आ रहा है, इस फॉर्म में आ गया. ओके, तो अब इसका आंसर देखिए, अपने आंसर देखते हैं क्या है, देखें सो वी आर गेटिंग हियर द टेन वाई. तो फाइनल आंसर क्या बना था, टेन वाई इज इक्वल टू वन अपॉइंट टू एक्स स्क्वेयर माइनस वन प्लस सी. देखो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन बन रहा है ना, तो थर्ड ऑप्शन में देखो इसको, तो थर्ड ऑप्शन भी हैव टेन वाई इज इक्वल टू वन अपॉइंट टू एक्स स्क्वेयर माइनस वन प्लस सी ई रेज. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन भी हैव द थर्ड ऑप्शन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब इसमें क्या है, फॉर द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर द वैल्यू ऑफ आर फॉर विच द एरिया इंक्लूड बाय द पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम, तो ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 6.8 टू द सर्कल एंड द कोड ऑफ कॉन्टेक्ट इज मैक्सिमम. तो अपने को आर की एक ऐसी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, जिसके लिए क्या है पॉइंट 6.8 से इस सर्कल पे दो पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रा किए जाते हैं, एंड दीज पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स क्या है, आपस में एक ट्राइंगल बनाते हैं विद द कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, उनकी कोड ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ में. तो वो ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम हो तो आर की वैल्यू बतानी है आपको, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर. थोड़ा सा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, तो अगर अपने देखें इस क्वेश्चन को ध्यान से, ये आपके पास में दिस पॉइंट इज 6.8. नाउ दिस पॉइंट वी हैव टेक ए बी एंड पॉइंट पी ले लिया इसको, ठीक है. तो पहले अपने इस पॉइंट की कोड ऑफ कॉन्टैक्ट निकाल लेते हैं, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट विल बी दिस वन. सो दिस कोड ऑफ कॉन्टैक्ट एंड पेयर ऑफ टेंजेंट्स फॉर्मिंग ए ट्राइंगल. सो सेंटर ऑफ द सर्कल वी हैव ओरिजन एंड व्हाट इज इट्स रेडियस, रेडियस कितना इसका आर है, ठीक है. तो अब अपने पास में देखो, सो सी ओ सी कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल दैट इज 6x प्लस 8y माइनस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो, ये आ रहा है आपके पास में. तो अब अपने को एरिया फाइंड आउट करने के लिए देखो, फर्स्ट वी फाइंड आउट द ए बी एरिया, ट्राइंगल का एरिया के लिए अपने पास में इफ यू ज्वाइन, देखो इसको सर्कल के सेंटर को इससे ज्वाइन कर देते हैं, अपने को इस ट्राइंगल की हाइट चाहिए और बेस ऑफ द ट्राइंगल चाहिए, ए बी चाहिए. तो देखो ए बी आपके पास में, यू नो दिस इज 2 अंडर आर स्क्वेयर माइनस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू दिस कोड ऑफ कॉन्टैक्ट. तो इस पे परपेंडिकुलर जब ड्रा करेंगे तो दैट विल बी हियर बी आर स्क्वेयर अपॉन अंडरूट में क्या आ रहा है, अंडरूट ये 10 हो गया, दिस इज होल स्क्वेयर. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस वी हैव हियर, तो यहां से आपके पास में आर स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, एक आर स्क्वेयर रहेगा इधर, तो इधर भी है, दिस वी हैव अंडर आर स्क्वेयर, हियर वी हैव 2 आर अपॉन 10, ये आपके पास में ए बी आ गया. सो दिस इज द लेंथ ऑफ व्हाट कोड ऑफ कॉन्टैक्ट. नाउ व्हाट इज द पीएम, पीएम निकालने के लिए आपके पास में व्हाट इज द पीएम आपके पास में किस फॉर्म में होगा, दिस डिस्टेंस दिस इज 10 माइनस माइनस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ओरिजिन फ्रॉम द दिस कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब ये डिस्टेंस ओ एम आपके पास में पहले से ये आर स्क्वेयर वी हैव अपॉन 10. ओके, सो दिस वी हैव अंडर माइनस आर स्क्वेयर अपॉन 10. सो दिस इज द हाइट, सो व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल वी हैव ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 हाइट, सो दिस वी हैव 1 अपॉन 2 एंड व्हाट इज द बेस, बेस ये हो गया आपके पास में 2 आर अपॉन 10
इनटू में क्या हुआ 100 माइनस आर स्क्वेयर एंड दिस वी हैव पीएम बी हैव इक्वल टू 100 माइनस आर स्क्वेयर अपॉन 10। ओके सो अब अपने को यहां से थोड़ा सा डिफरेंशिएशन की हेल्प लेनी पड़ेगी मैक्सिमम मिनिमम का ना, तो ये आपके पास में 2 से 2 कैंसिल हो गया यहां से आर अपॉन 100, ठीक है। सो दिस वी हैव 100 माइनस आर स्क्वेयर होल पर 3/2, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, तो विद रिस्पेक्ट टू आर जब इसको डिफरेंशिएट किया आपने, देखो क्या आ रहा है। सो हियर वी हैव डी आर, सो आर का किया पहले तो 1/100 तो बाहर रहेगा, सो दिस वी हैव 100 माइनस आर स्क्वेयर होल पर 3/2, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा आपके पास में क्या आ जाएगा, तो माइनस का 2r एंड 3/2 बाहर, ऐसा आएगा, इसका भी तो होगा ना, फिर आपके पास में 100 माइनस आर स्क्वेयर होल पर 1/2, ऐसा हो गया। तो व्हाट इज द कॉमन, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, ये माइनस का हो जाएगा, क्लियर है। तो यहां से आपके पास में 3/2, तो ये माइनस का रहेगा, इधर से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस फॉर्म में रहा, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन आपके पास में क्या आएगा, प्लस का, सो 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास है माइनस का 3r², तो इसको पलट के लिख देंगे, वो देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है, इसको देखें। तो ये यहां से कॉमन आ गया आपके पास में, वी हैव कॉमन हियर 1/100, सो 100 माइनस आर स्क्वेयर होल पर 1/2, ठीक है। इधर आपके पास में क्या रह गया, 100 माइनस आर स्क्वेयर माइनस 3r², इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब इसमें देखो आपके पास में 4r² माइनस 100, तो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है आपके पास में, देखो 1/100, सो दिस वी हैव 100 माइनस आर स्क्वेयर, ओके। तो यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन लिया, तो माइनस भी साथ में बाहर आ रहा है, यानी माइनस बाहर ले लिया, तो यहाँ से आपके पास में r² माइनस 25, इसके फैक्टर कर लो, सो माइनस 1/100 एंड 100 माइनस आर स्क्वेयर होल पर 1/2, सो वी हैव आर माइनस 5 एंड आर प्लस 5, ओके। अब इसमें देखो इसका, इसकी वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए, यहाँ से तो क्रिटिकल पॉइंट आपके पास में क्या लोगे आप, इसमें आर इजिकल टू 10 ले लोगे, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो अपने को सिंबल देखो, अब इसे एफ डैश एक्स का साइन ऑब्जर्व करते हैं रियल नंबर लाइन पे, सो व्हाट आर द स्टेशनरी पॉइंट, माइनस 5 एंड 5, तो 5 पे इधर आपके पास में क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इधर पॉजिटिव आ रहा है, इधर नेगेटिव आ रहा है, जब ये क्या है, दिस शोज यू द साइन ऑफ द एफ डैश एक्स इज चेंजिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, तो यहां से पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, द फंक्शन इज, मतलब दिस डेल्टा इज हैविंग द मैक्सिमम वैल्यू एट व्हाट आर, ठीक है, मतलब आर इज इक्वल टू 5, आर इज इक्वल टू 5 पे। अब अपने पास में देखो यहां पर अगर मैं इसका आर इज इक्वल टू 10 पे लूंगा तो इसका एरिया क्या हो जाएगा आपके पास में, 0 हो जाएगा, तो वो तो लेना नहीं अपने को, तो क्या है अपने को वो आर की वैल्यू लेनी है जिसपे क्या है इसका एरिया क्या रहेगा मैक्सिमम। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन वी आर गेटिंग हियर, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन वी हैव आर इज इक्वल टू 5, ओके। तो आंसर क्या था इस क्वेश्चन का देखें, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन भी है 5। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन भी है 5, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, पाई एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस ई एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 1।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास में इस फॉर्म की हो गई, x माइनस टू एक्स माइनस थ्री प्लस ई एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एंड माइनस वन इज इक्वल टू जीरो. ओके, सो वी आर ऑब्जर्विंग दैट द एट x इज इक्वल टू थ्री, देखो एट x इज इक्वल टू थ्री वी आर गेटिंग इट्स वैल्यू इज माइनस वन. माइनस वन आ रही है ना इसमें, देखो ऐसे ये ऐसे ले लिया मैंने, तो देखो एट x इज इक्वल टू थ्री वी आर गेटिंग माइनस वन. तो इसका मतलब क्या हुआ, द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर वी आर हैविंग पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ क्या होगा, इन द विल बी पैराबोला एंड हैविंग द माउथ इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा ऐसा. तो ये आपके पास में यहाँ पे क्या है, थ्री पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस वन आ रही है. ठीक है, अगर फोर पे अपने इसकी वैल्यू देखें तो फोर पे दिस विल बी पॉजिटिव, क्लियर है, दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन व्हाट वन, सो हियर वी आर गेटिंग हियर वैल्यू पॉजिटिव, क्लियर है. एंड सिमिलरली इफ यू गेट हियर द वैल्यू एट माइनस टू, देखोगे माइनस टू पे आपके पास में दिस इज पॉजिटिव पॉजिटिव, हेयर भी है पॉजिटिव, तो आपके पास में यहाँ पर माइनस टू पे माइनस फाइव पे देख लो, चाहे माइनस फाइव पे, तो यहाँ पे नेगेटिव 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 पॉजिटिव आएगा तो इधर आएगा आपके पास में. तो व्हाट डज इट मीन, सो दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो आपके पास में रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आ गए. आंसर टू दिस क्वेश्चन वी हैव द थर्ड ऑप्शन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो इस क्वेश्चन में आपके पास में क्या है, लेट एफ एक्स बी ए नॉन नेगेटिव कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन आर सो दैट दी एफ एक्स प्लस एफ एक्स प्लस वन अपॉइंट टू इज इक्वल टू थ्री, सो देन यू हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, वैल्यू ऑफ एफ एक्स इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है. ठीक है, ये नहीं है यहाँ पे, तो देखो कैसे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो पहले देखो आप इसमें क्या करेंगे, x की जगह देखो एफ एक्स आपको दिया हुआ है, एफ एक्स प्लस वन अपॉइंट टू वी एफ इक्वल टू थ्री, यहाँ पे एफ एक्स प्लस वन अपॉइंट टू प्लस, तो x की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ यहाँ पे आपके पास में, तो x की जगह x प्लस x को रिप्लेस कर दिया किससे, x प्लस वन अपॉइंट टू से, तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ रहा है, दिस वी हैव x प्लस वन इक्वल टू थ्री, दोनों को इक्वेट करेंगे तो वी आर हैविंग एफ एक्स इज इक्वल टू वी हैव एफ एक्स प्लस वन. इसका मतलब क्या हुआ, पीरियड ऑफ एफ एक्स वी हैव वन, तो एफ एक्स का पीरियड ऑफ आपके पास में कितना आ गया, वन आ गया. ओके, तो अब इसमें देखो किसकी वैल्यू पूछी है आपको, जीरो से टेन एफ एक्स, तो इसका पीरियड आपके पास में वन है, तो यू नो द प्रॉपर्टी ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रेशन फॉर द पीरियोडिक फंक्शन, तो टेन बाहर आ जाएगा, टेन यहां से जीरो से वन एफ एक्स, क्योंकि इसका पीरियड कितना आपके पास में वन है, सो जीरो से वन इंटू एन, सो एन आगे आएगा. ओके, अब ये आपके पास में इसको देखो अपने ब्रेक करते हैं, यहां से जीरो से वन अपॉन टू एफ एक्स, ऐसा इस तरीके से लिखा, फिर ये वन अपॉन टू से वी हैव हेयर वन, सो एफ एक्स डी एक्स. ओके, तो देखो पहले तो पीरियड फंक्शन का पीरियड निकाल लिया, पीरियड इज वन, सो नाउ अब इसको अपने यू हैव द पीरियड ऑफ द फंक्शन इज वन, सो यहाँ से आपके पास में टेन टाइम्स ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल हैविंग लिमिट फ्रॉम जीरो टू वन एफ एक्स. अब देखो आगे इसे क्या करना है, इसमें जो सेकेंड इंटीग्रल है ना, ये जो सेकेंड इंटीग्रल है इसमें आप सब्स्टिट्यूशन करें, इसमें देखो मैं क्या पुट करता हूँ, सेकेंड इंटीग्रल, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस वन अपॉन टू पुट कर देते हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या बन गया, डी एक्स इज इक्वल टू वी हैव डी वाई इस फॉर्म में, तो लिमिट क्या चेंज हो जाएगी, देखो वन अपॉन टू रखेंगे तो वाई विल बी जीरो, वन रखेंगे तो वाई विल बी वन अपॉन टू, सो वट विल बी हेयर वी हैव, तो ये किस फॉर्म में आ गया आपके पास में, वन से वन अपॉन टू, सो हेयर वी एफ एक्स, तो ये आपके पास में किस फॉर्म में आएगा, जीरो से वन एफ वाई प्लस वन अपॉन टू, एफ वाई प्लस वन अपॉन टू डी वाई. ओके, अब यू नो दिस वेरिएबल कैन बी चेंज इन डेफिनेट इंटीग्रल, सो वाई इन प्लेस ऑफ वाई, वाई की जगह आप एक्स रख लो, तो ये क्या बनेगा आपके पास में
10, 0 से 1.2 एफ एक्स, तो एफ एक्स प्लस 1.2 इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। सो दिस वी हैव डी एक्स। अब इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास में, दैट इज 3। तो फाइनल क्या बन गया आपके पास में, यहाँ 30 लिमिट वेरीज फ्रॉम 10 से 1.2, ठीक है। सो दिस वी हैव डी एक्स, तो क्या बन गया आपके पास में 30/2, दिस इज 15। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन भी आया था 15। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट आपके न्यूमेरिकल ग्रिड के क्वेश्चन हैं, तो उन क्वेश्चंस को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 10 क्या है, इंटीजर टाइप के हैं बेटा, उसमें देखो द इंटीजर एन फॉर विच द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट, ये लिमिट दे रखी है 1 cos x e^(x-x)-x³/2 / (x^n) इज ए फाइनाइट एंड नॉन जीरो नंबर। एक फाइनाइट है और नॉन जीरो नंबर है, तो इसमें देखो आप इसको इसका एक्सपेंशन से करेंगे। तो देखो लिमिट x टेंस टू जीरो, इसका एक्सपेंशन लगाएंगे 1 - 1 - ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस फैक्टर 4 ऐसा आएगा, ठीक है। तो माइनस ये प्लस का हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पे x^6 अपॉन इतने टर्म्स बहुत है। तो सिमिलरली इधर इसका e^x का लगा हुआ, e^x का एक्सपेंशन लगाएंगे तो क्या आएगा आपके पास में, 1 + x + x² / 2 + x³/3 ऐसा आएगा, ठीक है। फिर माइनस का तो कितना हुआ, यहाँ पे -1 + x² / 2 - तो वो माइनस का हो जाएगा -x^4/4 बस इतना बहुत है। तो -x³/2 ठीक है, अपॉन में x^n, ये फाइनाइट है, इसमें जो टर्म कैंसिल हो रहे हैं तो वो टर्म को कैंसिल कर देंगे अपने पास में, ये टर्म इसके साथ में कैंसिल हो गया, यहाँ से आपके पास में ये 1 से 1 कैंसिल हुआ, ठीक है। तो इधर आपके पास में ये प्लस का आ जाएगा यहाँ से, तो अब इधर देखो आपके पास में यहाँ से x³/2, ये देखो इसको x³/2 आएगा, ये इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा। अब अगला टर्म आपके पास में क्या आएगा, x^4/4 ये आएगा, इसमें देखो इस तरीके से रहेगा x^4/4, उससे आगे वाले टर्म आपके पास में क्या आएंगे, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल हैव द नेक्स्ट टर्म विल बी द हायर पावर्स ऑफ द एक्स, द टर्म्स कंटेनिंग द हायर पावर ऑफ एक्स मोर देन व्हाट 4। तो अगले वाले टर्म आएंगे वो सारे के सारे टर्म क्या आएंगे आपके पास में, x^4 जो आएगी 4 से बड़ी आएगी। तो नीचे आपके पास में x^n है, ठीक है। तो आपके पास में n फॉर इन ऑर्डर टू दिस लिमिट हैव द फाइनाइट, तो ये देखो n के आपका किसके इक्वल होना चाहिए, 4 के इक्वल होना चाहिए। तो दिस x की अगर n की जगह 4 रखते हैं तो दिस x^4 विल डिवाइड दिस टर्म एंड बाकी के टर्म में क्या आएगा आपके पास में, x की जो पावर आएगी दैट विल बी डन मोर देन व्हाट x^4, तो x^4 से बड़ी आएंगी, तो उनमें जब x^4 से इसे डिवाइड करोगे तो ईच टर्म विल कंटेन द x टर्म, उसमें लिमिट लगाओगे तो रिमेनिंग टर्म विल बी 0, यहाँ से 1/4 बनेगा। ओके, तो n की वैल्यू क्या होगी, दिस इंप्लाइज n हियर 4, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन भी है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो fx = sin inverse एंड gx = cos of sin x एंड दिस बॉक्स है द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ cos ऑफ sin x वेयर दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रेंज ऑफ fx, इसमें आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, किसमें f(g)x में कितने एलिमेंट्स हैं आपके पास में ये बताना है। तो देखो पहले तो आपके पास में इसकी अपने रेंज निकालते हैं, इसकी रेंज क्या आएगी, सो रेंज ऑफ f(g)x डिपेंड्स अपॉन द रेंज ऑफ g(x) की रेंज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अपने पास में देखो sin x कहां से कहां तक वेरी करता है, sin x वेरीज फ्रॉम -1 to 1,
ओके. तो हियर कॉस एक्स विल वेरी फ्रॉम, तो इसका कॉस लेंगे तो कॉस ऑफ साइन एक्स विल वेरी फ्रॉम व्हाट, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस वन एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू वन, ये आएगा. क्योंकि यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू जीरो आएगी तो कॉस ऑफ जीरो दैट विल बी वन. ओके. अब अपने पास में जब इसका बॉक्स लेंगे, सो बॉक्स ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स, तो दिस विल बी इसका कॉस ऑफ बॉक्स ऑफ दिस कॉस वन दैट विल बी जीरो. तो वन से कम जो भी वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू आपके पास में, कॉस की वैल्यू आपके पास में कहां से कहां तक वेरी कर रही है, दिस वेरीज फ्रॉम कॉस वन टू वन. तो वन से जितनी वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू जीरो आएगी, तो इसकी वैल्यू आपके पास में जीरो एंड वन आ गई. ओके. सो कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस वैल्यू, सो कॉस ऑफ साइन एक्स जीरो वन, तो व्हाट विल द रेंज ऑफ दिस एफ ऑफ जी एक्स, इसकी वैल्यू हमें पता है, दिस इज वी हैव साइन इनवर्स ऑफ जी एक्स. तो ये आपके पास में साइन इनवर्स ऑफ जीरो एंड साइन इनवर्स ऑफ वन. सो वी आर हियर जीरो एंड पाई बाई टू. सो इन द रेंज ऑफ एफ ऑफ जी एक्स वी हैव द टू एलिमेंट्स. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन वी हैव द टू एलिमेंट्स. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. सो थर्ड क्वेश्चन है, इफ द नॉर्मल एट पॉइंट 4, 1, ठीक है, ऑफ द कर्व एक्स वाई इज इक्वल टू 4 इंटरसेक्ट द कर्व अगेन एट पॉइंट अल्फा बीटा. तो इसको डिफरेंशिएशन से कर लें, थोड़ा सा इजी रहेगा, अदरवाइज इसके फार्मूले याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है. तो नॉर्मल का अपने इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं. सो वी फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट पॉइंट व्हाट 4, 1. तो 4, तो उसका इक्वेशन लिख लेंगे, फिर x इज इक्वल टू y या x इज इक्वल टू 4/y उसमें रख देंगे, तो y के और x के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे. एक कोऑर्डिनेट आपके पास में यही पॉइंट आएगा 4, 1, अदर पॉइंट विल गिव दी अदर, जो दूसरा कोऑर्डिनेट आएगा वो एक दूसरा पॉइंट हो जाएगा जहां पे नॉर्मल क्या है इस कर्व को अगेन कट करता है. तो देखो इसको डिफरेंशिएट करें, तो x dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू 0. सो dy अपॉन dx वी हैव इक्वल टू वी हैव माइनस y अपॉन x. ओके. तो यहां पे 4, 1 डाल दो. सो 4, 1 सभी है 4, 1, तो माइनस 1/4 ये आ गया. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल सो दैट वी है वाई माइनस 1 एंड माइनस 1/4 एक्स माइनस 4 ये आएगा. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल दिस वी है इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4, ठीक है. इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, 4 आएगा. अब इसको सिंप्लीफाई करें तो y माइनस 1 एंड 4x माइनस 16 ऐसा हो गया. अब यहाँ पर आप क्या करोगे, y की वैल्यू या तो x की वैल्यू, देखो x की वैल्यू 4/y डाल दो, तो यू विल गेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देखो तो यहाँ पे 4/y इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वाई स्क्वेयर माइनस वाई एंड वी हैव 16 माइनस 16y. तो ये आपके पास में वाई स्क्वेयर प्लस का 15y एंड माइनस 16 इक्वल टू 0. सो व्हाट आर दी वैल्यूज ऑफ वाई, वाई वी हैव इक्वल टू, तो माइनस 16 यहाँ पे, तो क्या आएगा माइनस 16 एंड 1. एक वैल्यू तो देखो आपके पास में, इफ यू टेक दी वाई इज इक्वल टू 1, वाई की वैल्यू जब इसमें 1 डालेंगे तो वी विल गेट कॉरस्पॉन्डिंग टू वाई इज इक्वल टू 1. सो वी हैव x इज इक्वल टू 4 एंड इफ यू टेक y इज इक्वल टू माइनस 16, तो माइनस 16, तो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपके पास में, x इज इक्वल टू माइनस 1/4. सो व्हाट आर दी कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए आपके पास में, इस फॉर्म में आ गए. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट अल्फा बीटा विल बी द माइनस 1/4 माइनस 16. ओके. सो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट मॉडुलस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, मॉडुलस ऑफ अल्फा प्लस बीटा दिस विल बी द 16.25. ओके. तो 16.25, तो मॉडुलस ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/4, तो दैट विल गिव दी हियर वी हैव 16. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन वी हैव 16. नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें फोर्थ क्वेश्चन में देखें बेटा, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है आपके पास है, वन प्लस टेन, वन प्लस रूट थ्री टेन वन डिग्री, वन प्लस रूट थ्री टेन टू डिग्री, टेन वन डिग्री, टेन फिफ्टी नाइन डिग्री, टेन टू डिग्री, टेन फिफ्टी एट डिग्री, फिर वन प्लस टेन स्क्वेयर वन डिग्री, वन प्लस टेन स्क्वेयर टू डिग्री, तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। अब इसमें देखो आप पहले इसको साइन कोस में चेंज करेंगे, साइन कोस में इसको रूट थ्री को मैं क्या लिखता हूँ, टेन सिक्सटी लिख लेता हूँ, टेन सिक्सटी, वन प्लस टेन सिक्सटी टेन वन, ठीक है ऐसा, इधर वन प्लस टेन सिक्सटी एंड टेन टू डिग्री, ऐसा हो गया, फिर टेन वन डिग्री, टेन फिफ्टी नाइन डिग्री, ऐसा हुआ, फिर इधर टेन टू डिग्री, टेन फिफ्टी एट डिग्री, ठीक है, अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वेयर वन डिग्री, ठीक है, तो वन प्लस टेन स्क्वेयर टू डिग्री, ऐसा हो गया, ये इस फॉर्म में आएगा। अब इसको देखो साइन कोस में चेंज कर लेते हैं सारे को, साइन कोस में जब चेंज करोगे तो यहां पे आपके पास में दिस विल बी साइन सिक्सटी साइन वन, कोस सिक्सटी कोस वन, तो वो बनेगा आपके पास में साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो यहाँ पे आपके पास में सॉरी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो साइन सिक्सटी साइन वन एंड कॉस सिक्सटी कॉस वन, तो दैट विल बी हेयर कॉस फिफ्टी नाइन डिग्री, कॉस फिफ्टी नाइन डिग्री आएगा, और यहाँ से आपके पास में कॉस फिफ्टी एट डिग्री आएगा, ठीक है, इसको साइन कॉस में चेंज करोगे तो यहाँ पे आपके पास में क्या बनेगा, साइन सिक्सटी, सो वी हैव साइन सिक्सटी, ठीक है, उधर से फिर आपके पास में क्या आएगा, साइन सिक्सटी, तो इधर से आपके पास में क्या आएगा, नीचे देखो आपके पास में क्या बना, साइन 60 एंड साइन 1, सॉरी कॉस 60 कॉस 1, ऐसा आएगा कॉस 60 कॉस 1, ऐसा रहा कॉस 60 कॉस 1, इसमें और सिमिलरली यहां पे आपके पास में क्या आएगा, कॉस 60 कॉस 2, ऐसा रहा कॉस, फिर इधर से आपके पास में क्या रहा, इधर से तो इधर से कॉस वन, ठीक है कॉस वन कॉस फिफ्टी नाइन, और इधर आपके पास में कॉस टू कॉस फिफ्टी एट, ठीक है, इसको अपने किस में बदल लेते हैं, सेक्स स्क्वेयर वन डिग्री, सेक्स स्क्वेयर टू डिग्री, तो सेक्स स्क्वेयर वन डिग्री और सेक्स स्क्वेयर टू डिग्री, ठीक है, अब अपने पास में देखो कॉस स्क्वेयर टू डिग्री एंड सेक्स स्क्वेयर टू डिग्री, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वेयर वन डिग्री, कॉस स्क्वेयर वन डिग्री, कॉस स्क्वेयर वन डिग्री एंड सेक्स स्क्वेयर वन डिग्री, ये आपस में कैंसिल हो गया, अब अपने पास में देखो कॉस 58, कॉस 58 ये कैंसिल हो गया एंड कॉस 59, कॉस 59 भी है दिस, ये कॉस स्क्वेयर वन सेक्स स्क्वेयर वन एंड फिर आपके पास में क्या आ रहा है, कॉस स्क्वेयर टू, कोस स्क्वेयर टू, दिस इज सेक्स स्क्वेयर टू, ये भी कैंसिल, तो अपने पास में क्या आ रहा है, टेन सिक्सटी होल स्क्वेयर, ये बन गया, सो दिस इज रूट थ्री स्क्वेयर, तो वी हैव हियर आंसर टू दिस क्वेश्चन, वी हैव थ्री, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपके पास में इस सीरीज का क्वेश्चन है, समेशन ऑफ द सीरीज फ्रॉम आर इज इक्वल टू वन टू नाइनटीन, तो नाइनटीन टर्म्स का सम है, तो देखें इसमें सिग्मा आर इज इक्वल टू वन टू नाइनटीन, सो वी है वी कैन राइट डाउन दिस इज एज ए थ्री आर स्क्वेयर प्लस थ्री आर प्लस वन, तो नीचे आपके पास में देखो किस फॉर्म में बनता है, यहाँ से आर क्यूब कॉमन निकालो, आर क्यूब कॉमन निकाला तो क्या आ गया आर स्क्वेयर, तो यहाँ से आर स्क्वेयर प्लस टू आर प्लस वन, इस फॉर्म में आएगा, सो दिस वी है आर क्यूब कॉमन निकाला यहाँ से, ठीक है, तो अब आपके पास में क्या आ गया ये 19, सो दिस वी हैव थ्री आर स्क्वेयर प्लस थ्री आर प्लस वन, सो दिस वी हैव आर प्लस वन होल क्यूब एंड दिस इज आर क्यूब, अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे ना तो डिफरेंस ऑफ दीज टू विल गिव दी दिस वन, तो इसको आप किस तरीके से लिखें, यहाँ पे r इज इक्वल टू वन से लेकर 19, वन अपॉन आर क्यूब माइनस वन अपॉन आर प्लस वन होल क्यूब,
ठीक है, इसका जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आर प्लस वन होल क्यूब माइनस आर क्यूब आएगा, तो आपके पास में ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब इसमें देखो किस फॉर्म में आ गया, ये आपके पास में वन अपॉन आर क्यूब माइनस वन अपॉन आर प्लस वन होल क्यूब, तो यही स्टैंडर्ड रिजल्ट आएगा। तो इसको देखो कितने टर्म्स तक लिखना है आपको, वन माइनस वन अपॉन टू क्यूब, सो वन अपॉन टू क्यूब, वन अपॉन थ्री क्यूब, ऐसा आएगा, टू डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वन रखा, फिर टू रखा, ठीक है, सो थ्री रखेंगे तो वन अपॉन थ्री क्यूब माइनस वन अपॉन फोर क्यूब, लास्ट में जो टर्म आएगा वो आपके पास में आएगा वन अपॉन ट्वेंटी क्यूब। ये बाकी के टर्म्स, बीच वाले जो टर्म है वो सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे, यू विल फाइंड ऑल द इन बिटवीन टर्म्स विल बी गेट्स कैंसिल, विल गेट कैंसल्ड। तो आपके पास में क्या आया, वन माइनस वन अपॉन, ये कितना बना, एट थाउजेंड, ऐसा हो गया, क्लियर है। अब अपने पास में दिस विल बी, वी हैव इक्वल टू व्हाट, सेवन नाइन 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 अपॉन, सो दिस इज इक्वल टू के, के के इक्वल कह रहा है, सो वी मल्टीप्लाई दिस बाई एटी, सो वी हैव हियर सेवेंटी नाइन नाइन नाइन, ऐसा हो गया, पॉइंट नाइन नाइन, ऐसा हो गया ना, 79.99। तो माइनस क्या करना है अपने को इसमें, 80 के माइनस 0.99, सो वी हैव दिस इज 79.99 माइनस 0.99, सो वी हैव दिस इज आंसर टू दिस क्वेश्चन 79। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन वी हैव 79। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द कोफिशियंट ऑफ एक्स रेस्ट पर 15 इन इस एक्सप्रेशन में, यहां पे नेगेटिव साइन है, सो हियर वी हैव नेगेटिव साइन। ठीक है, तो इसका कोफिशियंट आपके पास में देखो, कोफिशियंट ऑफ एक्स रेस्ट पर 15, वी हैव ए रेस्ट पर लैम्डा माइनस बी रेस्ट पर लैम्डा, सो देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस। देखो इसको आप सिंपली पहले किस फॉर्म में लिख देते हैं, वन माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर, तो ये वन अपॉन वन माइनस टू एक्स एंड वन माइनस थ्री एक्स, इस फॉर्म में आ गया, सो दिस वी कैन राइट ऑन वन माइनस टू एक्स माइनस वन, वन माइनस थ्री एक्स होल रेस्ट पावर माइनस वन। ओके, तो ये देखो आपके पास में किस फॉर्म में बन गया, इसको देखो अब अगर अपने लिखते हैं तो वन प्लस टू एक्स प्लस टू स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर टू क्यूब एक्स क्यूब, इसका एक्सपेंशन ये बनेगा टू रेस्ट पावर एन एक्स रेस्ट पावर एन, ऐसा होगा। ठीक है, तो ये अपने को कौन सा टर्म के पूछा है, 15 का पूछा है, तो यहाँ पे एक्स रेस्ट पावर 15 ले लेते हैं ना, 15 ऐसा आएगा। ठीक है, इसको देखो एक्स रेस्ट पावर 15 टू रेस्ट पावर 15, तो सिमिलरली उसका देखें, उसमें भी ऐसे ही रहेगा, तो क्या आएगा आपके पास में, वन प्लस थ्री एक्स थ्री स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर थ्री क्यूब एक्स क्यूब, लास्ट में क्या आएगा, टू रेस्ट थ्री रेस्ट पावर 15 एंड एक्स रेस्ट पावर 15। ओके, अब अपने को देखो कोफिशियंट, यू हैव टू फाइंड आउट द कोफिशियंट ऑफ एक्स रेस्ट पावर 15, तो पहले देखो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट हियर एक्स रेस्ट पावर कितना 15, सो 3 रेस्ट पावर 15, द कोफिशियंट ऑफ एक्स रेस्ट पावर 15। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट नेक्स्ट वन विल बी हियर, वी हैव द 2 इनटू 3 रेस्ट पावर 14, टू स्क्वेयर इंटू थ्री रेस्ट पावर 13, ऐसा आएगा। सो हेयर वी आर गेटिंग, हमारे को यहाँ पे क्या मिल रहा है, 3 की पावर तो कम होती जा रही है, 2 की पावर बढ़ती जा रही है, और दोनों की पावर्स का सम क्या रहेगा, 15 रहेगा, तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा, देखो लास्ट में 2 रेस्ट पावर 15 मिलेगा। ये जीपी है, इसमें कितने टर्म्स है, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर, 16 टर्म्स है, यहाँ पे 16 टर्म्स है, इसका कॉमन रेशियो जो आपके पास में कितना आ रहा है, 2/3 आ रहा है, कितना आ रहा है, 2/3, तो 2/3 है, तो देखो इसमें देखो आप किस तरीके से करोगे, तो 1 माइनस 2/3 होल रेस्ट पावर 16 एंड 1 माइनस 2/3, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, फर्स्ट टर्म कितना आपके पास में, 2 रेस्ट पावर 15, 3 रेस्ट पावर 15, ऐसा, तो इसको जब आपने सिंप्लीफाई किया तो यू विल गेट हियर 3 रेस्ट पावर 16 माइनस 2 रेस्ट पावर 16, ये बनेगा, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से आपके पास में 3 रेस्ट पावर 16 एलसीएम लेंगे, तो वो 3 रेस्ट पावर 16 इधर से वो कैंसिल हो जाएगा,
तो आपके पास जो फाइनली बेटा क्या आंसर बन गया, तो ए रेज पावर यहाँ पे माइनस है वो पहले से बोला मैंने, ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस लेमडा, सो दैट इज 21, आंसर क्या हो गया इसका 21, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट में अब इसमें क्या कह रहा है, ये देखो 2D का क्वेश्चन है, एस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एस टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax माइनस 2by प्लस 2 इज इक्वल टू 0, टचेज ईच अदर, दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं ना, देन 4 टाइम द रेडियस ऑफ द एस टू, तो इस सर्कल के रेडियस का 4 टाइम्स कितना होगा, ओके तो देखो इसका रेडियस कितना है, वट इज इट्स रेडियस, वी हैव आर वन इज इक्वल टू 2 एंड आर टू, इसका रेडियस अपने पास में कितना आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ये आ रहा है, ओके सो बोथ दी सर्कल टच ईच अदर। अब इसका सेंटर क्या, व्हाट इज इट सेंटर, सेंटर भी है हियर 0 0, अच्छा इसका सेंटर आपके पास में क्या है, ए और बी, सो दोनों सर्कल जब टच करते हैं तो यू कैन राइट ऑन आर वन प्लस माइनस आर टू। अब अपने को ये तो दिया नहीं है कि यहाँ पे एक्सटर्नली टच करते हैं कि इंटरनली टच करते हैं, सो वी विल राइट ऑन इन दिस वे, सी वन सी टू क्या आ रहा है आपके पास में, हेयर वी हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में, इधर आपके पास में क्या आ रहा है, यहाँ से आर वन बी हैव टू, दिस इज प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वेयर कर देते हैं, तो देखो स्क्वेयरिंग करने पे क्या मिला, स्क्वेयरिंग करने पे यहाँ से 4 प्लस 4 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ओके प्लस माइनस आएगा और बाकी क्या बचेगा आपके पास में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, तो कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ से ये, ठीक है, ये यहाँ से क्या बचा आपके पास में 2, सो वी कैन राइट डाउन दिस इज 4 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, दिस वी हैव 2, सो दिस इज व्हाट इज दिस रेडियस ऑफ द सेकंड सर्कल, रेडियस ऑफ द एस टू सर्कल, सो 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ द सेकंड सर्कल एस टू वी हैव इक्वल टू 2, आपके पास में आंसर टू दिस क्वेश्चन वी हैव 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लिमिट का क्वेश्चन है, ठीक है, इसे देखें, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, सो हियर वी हैव 1 प्लस, तो कुछ डेफिनेट इंटीग्रल भी है इसमें, तो लिमिट और डेफिनेट इंटीग्रेशन का है, तो देखो यहाँ पे 1 प्लस डेफिनेट इंटीग्रल हैविंग द लिमिट फ्रॉम 0 टू रूट ए रेज पावर एक्स माइनस 1 साइन ऑफ 2 टेन इनवर्स टी इन टू 1 प्लस टी स्क्वेयर एंड होल रेज पावर लॉग ए बेस सी डी टी, ठीक है, एंड होल रेज पावर वी हैव दिस होल रेज पावर 1 अपॉन एक्स, अगर आप इसमें लिमिट लगाते हो, इफ वी अप्लाई लिमिट हियर, फिर इसमें दे रखा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेयर ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ए ग्रेटर देन 1, इस वैल्यू ऑफ दिस लिमिट वी हैव 5 के इक्वल है, ठीक है, एंड एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स क्या ग्रेटर देन 0 है, तो इसमें ए ग्रेटर देन 1 दे रखा है, क्लियर है, अच्छा अब देखो इसमें एक्स ग्रेटर देन 0 दे रखा है, अब आपके पास में जब लिमिट इसमें लगाते हो आप, सो यहां पे ये 0 हो जाएगा, तो दिस इज 0, 0 रेज टू पावर 0, मतलब लिमिट हैविंग फ्रॉम 0 टू 0 दिस इज 0, ये 0 हो गया आपके पास में, तो ये कौन सा फॉर्म बनता है आपके पास में, देखो 1 प्लस एफ एक्स होल रेज पावर 1 अपॉन एक्स लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ये फॉर्म, ये 0 बन रहा है तो ये इन्फिनिटी बन रहा है, तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिखोगे, ई की पावर एफ एक्स लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ऐसे रहेगा, इसमें ले जाओ लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ये वाला फॉर्म रहता है, ठीक है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स ये रहेगा, ठीक है, तो ये वाला फॉर्म अपने लगाएंगे, तो देखो अब इसमें कैसे इसको, तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी, 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में है, तो देखो इसको कैसे लिखा, e रेज पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, सो वी हैव हियर 0 से लिमिट एंड साइन ऑफ 2 टेन इनवर्स टी, ऐसा हो गया,
1 plus t square log a raised to power base c, aisa de rakha na, and this will be here dt upon me x, is form mein aa gaya. ठीक है, अब ये आपके पास में देखो किस फॉर्म का है, ये लिमिट लगाएंगे तो ये जीरो जीरो अपॉन जीरो फॉर्म, दिस इज जीरो अपॉन जीरो फॉर्म, एंड इट इज गिवन टू यू आल्सो दिस इज इक्वल टू फाइव. ये कौन सा फॉर्म बन गया, जीरो अपॉन जीरो फॉर्म, इक्वल टू फाइव दे रखा आपको ना. तो अब इसमें देखो आप क्या लेबनीज थ्योरम लगाएंगे, न्यूटन लेबनीज थ्योरम का, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे. तो आपके पास में किस फॉर्म में आया, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो हियर, इसमें जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे t की जगह क्या आएगा, तो साइन टू टेन इनवर्स अंडू टे रेस पर x माइनस वन, ये आएगा. फिर इधर जब t की जगह यहाँ पे अंडू टे रेस पर x माइनस वन रखोगे तो क्या बनेगा आपके पास में, वन प्लस ए रेस पर x माइनस वन होल रेस पर लॉग ए बेस सी, ठीक है, अपॉन में ये वन हो गया. ठीक है, यहां से वन कैंसिल हो गया. ठीक है, अभी इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसका डिफरेंशिएशन आपके पास में क्या है, वन अपॉन टू अंडरूट में ए रेज पर एक्स माइनस वन इन टू ए रेज पर एक्स लॉग ए बेस सी, इस फॉर्म में आ गया. ठीक है, ये रहेगा. अब इसमें देखो यहां पे आप क्या करेंगे, इसमें जब लिमिट लगाते हैं, यहां पे लिमिट लगाओगे, इफ यू अप्लाई द लिमिट हियर, सो दिस विल बी क्या है, ये जीरो जीरो बन रहा है ना, तो यहाँ पे आपको क्या है, ये सेम इसमें एंगल चाहिए था, इसमें सेम एंगल चाहिए था, तो आपको टू टेन इनवर्स ए रेज पर एक्स से यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, सो दैट दिस लिमिट इज क्या है, ये आपके पास से वन बने, और इधर आपके पास में क्या बन रहा है, इसमें ए की पावर जीरो, इसमें ए की पावर जीरो बन रहा है, तो दैट विल बी वन, यहाँ पे ए की पावर जीरो से यहाँ पे लॉग ए बेस सी. अब यहाँ पे सेम एंगल आपको चाहिए था ना, ये सेम एंगल, क्योंकि इस लिमिट को आपको क्या बनाना है, वन बनाना है. ठीक है, तो सेम एंगल बनाने के लिए मेरे को यहां से क्या चाहिए, टू यहां से ले लेंगे, तो ये क्या आएगा, टेन इनवर्स अंडू टे रेज पर एक्स माइनस वन, इससे इधर मल्टीप्लाई करेंगे, टेन इनवर्स अंडू टे रेज पर एक्स माइनस वन, तो ये देखो आपके पास में ये सेम एंगल बन गया, यहां पर e की पावर में चल रहा है सारा का सारा, तो साइन टू टेन इनवर्स, अब इसमें लिमिट लगाएंगे तो दिस विल बी जीरो, तो जीरो, तो ये एंगल भी सेम है, तो इसकी लिमिट क्या हो गई आपके पास में, दिस इज वन. ठीक है, इधर तो सिमिलरली आपके पास में इधर ये दो इधर लेना था ना, ये दो इधर ले लेते, इसमें दो यहां ले लेते हैं ना, इसको हटा दो यहां से, क्योंकि सेम एंगल बन गया. ठीक है, अब इधर ये सेम एंगल है, इधर इसकी लिमिट भी क्या हो, टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, स्टैंडर्ड लिमिट आ गई. इधर आपके पास में ए की पावर जीरो क्या हो गया, वन. ठीक है, इधर ये दिस इज इक्वल टू होल इक्वल टू व्हाट, फाइव के, इसको क्या लिखा, ई की पावर भी है लॉग ए बेस ई इज इक्वल टू फाइव, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ए वी हैव हियर इक्वल टू फाइव, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन भी है फाइव. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास में, दिस इज द डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या है, जे एन दिस डेफिनेटली हैविंग द लिमिट फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू वन माइनस साइन एक्स होल रेज पर एन साइन टू एक्स, फाइंड इसकी वैल्यू बतानी है आपको ना, तो देखो कैसे, यहां पर जे एन इसको वन माइनस साइन एक्स होल रेज पर एन, इसको लिखा टू साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है, इनटू dx, ऐसा हो गया. तो साइन x की वैल्यू यहां पे क्या है, अपने साइन x को पुट कर लेते हैं, क्या साइन x को t, साइन x को t. ओके, अब जब साइन x को सर लिमिट क्या रहेगी, व्हेन x इज इक्वल टू जीरो t इज इक्वल टू जीरो, व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई टू t इज इक्वल टू वन, ऐसा हो गया. तो jn इक्वल टू वी हैव हियर जीरो से वन, इधर क्या बना, वन माइनस टी, वन माइनस टी, टू को बाहर ले लें, होल रेज पर एन,
and this we have t. Okay, dt cos x dx dt. ठीक है, तो ये आपके पास में cos x dx किसके इक्वल आ गया, dt के इक्वल आ गया. अब इसमें देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रेशन वो लगा देंगे यहाँ पे क्या है. सो यू कैन यू नो सो 0 से a एफ एक्स ये क्या आएगा, 0 से a एफ ऑफ a माइनस x, सॉरी हिकिंग रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे ना, फोर्थ प्रॉपर्टी है ना. तो वो देखो यहाँ पे अप्लाई करोगे तो क्या आ रहा है आपके पास में, हियर वी हैव तो 2 0 से 1 ये 1 माइनस टी, इधर क्या आएगा t की पावर n आएगा. ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखो किस फॉर्म में आ रहा है, 0 से 1 सो t की पावर n माइनस t की पावर n प्लस 1. ठीक है dt, अब इसका इंटीग्रेशन आप देखो क्या बनेगा, t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो इधर माइनस टी की पावर एन प्लस टू अपॉन एन प्लस टू. ठीक है, तो लिमिट 0 से 1, तो फाइनली ये किस फॉर्म में आएगा आपके पास में, 1 अपॉन एन प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एन प्लस टू, इस फॉर्म में रह गए. ठीक है, अब नाउ यू हैव टू फाइंड आउट दी, यू हैव टू अप्लाई दिस सिग्मा, जे एन पे ये सिग्मा लगाना, ये जे एन आ गया आपके पास में, देखो जे एन को फिर सो जे एन सिग्मा जी एन एन वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ऐसा आ गया. सो दिस वी हैव 2 1 अपॉन सिग्मा लगाना यहाँ पे एन इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी. ठीक है, तो कितना हुआ 1 अपॉन एन प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एन प्लस 2. ठीक है, इस फॉर्म में आएगा. तो इसमें जब 0 रखोगे तो पहले क्या मिलेगा आपको, 0 सो 1 1 अपॉन 2, फिर 1 रखा तो कितना हो 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3, ऐसा हो गया. तो लास्ट में ये ऐसे चलता जाएगा तो क्या आएगा आपके पास में, ये कैंसिल हो जाएगा. सो ऑल दी टर्म्स विल गेट कैंसिल, तो सारे टर्म्स कैंसिल एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म. तो क्या आ गया आंसर इसका, दिस इज 2. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन भी है द 2. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, लेट पॉइंट्स ए एंड सी लाइंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन 4y इज इक्वल टू 3x एंड x इज इक्वल टू 0 रेस्पेक्टिवली. ए पॉइंट 62 इज लाइंग, पॉइंट 62l इज लाइंग ऑन द स्ट्रेट लाइन ए सी एंड रोम्बस ओ ए बी सी इज कंप्लीटेड. रोम्बस किसको कंप्लीट किया गया, ओ ए बी सी को कंप्लीट किया गया. एंड ओ इज द ओरिजिन एंड बी लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. सो देन फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस, तो आपको रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना है. तो क्वेश्चन क्या है, ए एंड सी, सो सी लाइज ऑन व्हाट, वाई एक्सिस, सो सी यहां पे और ए पॉइंट इज हियर ऑन दिस लाइन. ठीक है, ऐसा है. तो अब अपने पास में दीज टू लाइन्स फॉर्मिंग द रोम्बस, रोम्बस ऐसे बनेगा आपके पास में, ऐसे इस टाइप का. ठीक है, अब वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ओ ए बी सी इज कंप्लीटेड इन सच ए वे दैट द बी लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऐसे ही बनेगा डायग्राम. ठीक है, अब ये एंगल बाई सेक्टर होगा. सो पहले तो अपने एंगल बाई सेक्टर किसका इक्वेशन निकाल लेते हैं, ओ बी का. तो बी लाइज ऑन दिस ईयर, सो एंगल बाई सेक्टर ऑफ ओ ए एंड ओ सी, तो वो आपके पास में क्या आएगा, 3x माइनस 4y, ठीक है, अपॉन 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस x. क्लियर है, तो यहां से आपके पास में 3x माइनस 4y, तो यहां से आपको क्या लेना है, वी हैव टू टेक 5x. सो 3x माइनस, तो यहां से प्लस का लेंगे कि माइनस का लेंगे वो देखना अपने को, क्योंकि वो आपके पास में दो बनेंगे, एक कैसा बनेगा तो अपने को वो लेना है जिसका स्लोप क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा ना. तो देखो माइनस का 5x करा, माइनस का 5x, सो दिस इज 8x एंड 4y, तो ये आपके पास में 8x माइनस 4y इक्वल टू 0. इसका स्लोप कितना आपके पास में, पॉजिटिव है, तो ये वाला एंगल बाई सेक्टर लेना, दूसरे वाला नहीं लेना,
क्योंकि उसको लोगे तो प्लस का 5x लेंगे तो फिर आपके पास में स्लोप क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। फिर बी, फिर वो तो आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो पहले ही कह रहा है लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब नाउ दिस इज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। अब एसी का इक्वेशन क्या है, एसी इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, ओबी। तो इक्वेशन ऑफ एसी विच इज परपेंडिकुलर टू इट, इसके परपेंडिकुलर आएगी तो एक्स प्लस टू वाई माइनस के इज इक्वल टू जीरो। एसी किस पॉइंट से पास हो रहा है, देखो एसी किस पॉइंट से पास हो रहा है, 6,2 से पास हो रहा है, 6,2 से, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 से 10 आ गया, तो x माइनस टू वाई माइनस 10 इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपके पास में एसी का इक्वेशन आ गया, ठीक है। नाउ फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एसी विद द वाई एक्सेस, ठीक है। तो ये आपके पास में x प्लस टू वाई, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0, 5। अब इसका देखो, इसके साथ में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एसी विद व्हाट, 4y इज इक्वल टू 3x। तो यहां पे आप क्या है, किसकी वैल्यू डाल दो, y की वैल्यू डाल दो, y की वैल्यू क्या आपके पास में 3x/4। यहां पे सो वी पुट हियर x प्लस, सो 3x/4 दैट इज इक्वल टू 10। ये 2 से कैंसिल हो रहा है तो इधर कितना आ रहा है, 5x इज इक्वल टू 20। एक्स इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, x इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 4 डाला तो y की वैल्यू देखो कितनी आ रही है यहाँ पे आपके पास में, y इज इक्वल टू 3। सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट, 4,3। ओके, इस तरीके से आ गया। सो नाउ एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, सो एरिया ऑफ रोम्बस विल बी, एरिया ऑफ रोम्बस क्या आएगा आपके पास में, ट्वाइस द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल एओसी। सो एरिया ऑफ रोम्बस OABC क्या हुआ, ट्वाइस ऑफ ट्राइंगल AOC। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल AOC, सो वी नो 1/2, 5×4, 3×0 दैट इज 20। यहां से आपके पास में 20 मिला, ठीक है। सो इसका एरिया आपके पास में कितना, 10 आ रहा है, 10, 2×10 दैट इज 20। सो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल भी है 1/2 x1 y2 - x2 y1, क्योंकि एक वर्टेक्स इसका ओरिजिन पे है ना, तो उससे वो फॉर्मूले से 20। सो एरिया ऑफ रोम्बस वी हैव 20, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन वी हैव 20। ओके, तो ये आपका क्या है, मेजर टेस्ट का सॉल्यूशन था, जेई मेन लेवल का फुल सिलेबस का। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, माई सर रिंकेश कुमार गुप्ता। तो इसमें अपन डिस्कस करते हैं मेजर टेस्ट सीरीज का पेपर 7। ये अपना मेजर टेस्ट का लास्ट पेपर है जेई एडवांस का, और इसमें कंप्लीट फुल सिलेबस के क्वेश्चन है। इस पेपर में टोटल 3 सेक्शन है, सेक्शन ए में 4 सिंगल चॉइस के क्वेश्चन है, ओनली 1 सिंगल आंसर। सेक्शन बी में स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के, मोर देन 1 के, और रिमेनिंग 4 क्वेश्चन 2 पैसेज हैं, और ईच पैसेज में 2 क्वेश्चन है, और पैसेज के आंसर भी मोर देन 1 है, ठीक है। ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, और लास्ट में सेक्शन सी में आपके 6 इंटीजर टाइप्स के क्वेश्चन है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखें, क्वेश्चन फर्स्ट में बोला गया है कि लेट ऑफ ए थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट डेल्टा 1 ऑफ ए ऑफ आई जे। एक थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट गिवन है ए ऑफ आई जे, आई जे 1, 2, 3, एंड डिटरमिनेंट ऑफ डेल्टा 2 इज reconstructed by multiplying all the elements of delta 1 by 2 की power i minus j। क्या मीनिंग है, delta 2 एक determinant को construct करना है with the help of delta 1, और करना है क्या कि delta 1 के each element को 2 की power i minus j से multiply करके आप delta 2 को form करोगे। तो पूछा गया है and डेल्टा 2 इक्वल टू बोला गया लैम्डा टाइम्स ऑफ डेल्टा 1, बट डेल्टा 2 डेल्टा 1 में रिलेशन गिवन है, तो देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज। तो देखो थीम क्या है, 2 की पावर i माइनस j के अकॉर्डिंग। तो देखो इसको करते हैं अपन सॉल्व। तो चलो अपन लेट कर लेते हैं कि जैसे डेल्टा 1 मैट इधर ही देख लेते हैं, डेल्टा 1 जो आपकी डिटरमिनेंट है वो आपने लेट की a11 a12
A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33. अब अपन क्या करते हैं, डेल्टा 2 का फॉर्मेशन. तो देन डेल्टा 2 में क्या करना है, जैसे डेल्टा 1, डेल्टा 2 में इसका फर्स्ट एलिमेंट है A11. तो A11 में क्या करोगे, डेल्टा 1 के ईच एलिमेंट को रिप्लेस करना है, डेल्टा 2 के ईच एलिमेंट को रिप्लेस करना है डेल्टा 1 के ईच एलिमेंट को 2 की पावर आई माइनस जे से मल्टीप्लाई. तो देखो इसमें आई और जे दोनों 1 है, तो 2 की पावर 0 1, तो ये तो सीधा साधा आ गया A11. अगले में A12, बट A12 में आई को 1 जे को 2, तो 1/2 हो जाएगा ये, तो इसके मल्टीप्लाई में 1/2 होगा. ऐसे अगले के मल्टीप्लाई में लिखोगे आप A11, 1/2, A12, और ये जाएगा 1/2 का स्क्वायर A13. ये आप इजी वे में फिल कर सकते हो. सेकंड में क्या होगा, A21, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ A21. 2 - 2 0, तो अगले में ओनली A22 होगा, और अगले में A23, तो दोबारा जाएगा बोलो 1/2. नेक्स्ट क्या होगा, A31, A31 का मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो गया. अगला A32, तो 2 आ जाएगा, और A33, तो 3 - 3 0, तो 2 की पावर 0 1, तो ये आ गया. अब इसमें एक काम करो, जैसे लेट इधर 1/2 का स्क्वायर है, 1/2 है, तो इसमें सिंपल सा ऑप्शन ये है कि ये जो R1 रो है इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 4 से. क्या करो, R1 रो को 4 से मल्टीप्लाई करो, तो इधर 4, इधर क्या जाएगा बोलो 4, ये 2 आ जाएगा, और ये आपका 1 बन जाएगा. ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो बैलेंसिंग के लिए 4 से डिवाइड भी करोगे. सिमिलरली नेक्स्ट क्या करना है, इसमें भी 1/2 आ रहा अपॉन में, तो क्या करो, इस R2 रो को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये 1, ये 2 बन जाएगा आपका, ये कोएफिशिएंट क्या बन जाएगा बोलो 2, और ये क्या बन जाएगा बोलो 4, और 2 से डिवाइड भी करोगे. ठीक है, आफ्टर दैट देखो, ये 4 जब 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 आ गया, ये 1, और ये ऑल्सो 2 और 2 4 आ गया. तो देखो इस C1 कॉलम में 4 कॉमन आ गया, तो 4 कॉमन आ गया, 4 से 4 चला गया, और C2 कॉलम में 2 कॉमन आ गया, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो अल्टीमेटली जो डेल्टा 2 है वो क्या होगा, डेल्टा 1 के इक्विवेलेंट. तो देन लैम्डा की वैल्यू आपको 1 फिल करनी है, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा. उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है अपन को, द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस पार्ट, माइनस इनफिनिटी से 1 में एक्स और एक्स स्क्वायर का मिनिमम लेना है, और 1 से ग्रेटर में आपको मिनिमम ऑफ 2x - 1, x² इज नॉट डिराइवेबल. मतलब ये जो फंक्शन एफ एक्स है ये कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पे क्या होगा, नॉन डिफरेंशियबल. तो सिंपल सा फंडा है, इसको डायग्राम की हेल्प से करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम की बात करनी है कि कौन सा फंक्शन अपन को अराइज करना है. तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसके डायग्राम को ड्रॉ करते हैं. तो देखो इन दोनों में एक्स स्क्वायर तो सेम ही है, तो पहले तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर के डायग्राम को ड्रॉ कर देते हैं. ये तो आ गया वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डायग्राम. आफ्टर दैट ये लेट 1 है, ये y इक्वल टू एक्स की लाइन क्या होगी, ये लो y इक्वल टू एक्स की लाइन क्या होगी, पासिंग थ्रू दी ओरिजिन. ये y इक्वल टू एक्स है आपका, ये इतना होने के बाद, तो देखो 1 से लेस में तो आपको बेसिकली करना क्या है, फंक्शन लेना है मिनिमम, लेना दोनों में मिनिमम है, तो मिनिमम का मतलब नीचे वाला पोर्शन. तो ये लो इसके अकॉर्डिंग तो फंक्शन आ गया दिस पार्ट, जो मैंने ब्लैक स्पार्ट बनाया. आफ्टर दैट क्या करना अपन को, एक्स 1 और 1 से ग्रेटर है, तो एक तो लेना एक्स स्क्वायर है जो ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया गया, एक लेना वाई इक्वल टू 2x - 1. तो एक बार रफली देख ले सकते हैं, जो वाई इक्वल टू 2x - 1 है, इस लाइन को अब क्या करो, पहले एक्स स्क्वायर के साथ सोल्व कर दो, तो इससे सोल्व करने पे एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 1. मतलब अल्टीमेटली जो लाइन है
ये देखो वन रखने पे ये वन आ रहा है, तो इसी लाइन पॉइंट से पास होगी, बट आप खुद समझ सकते हो एक्स को वन लेने पे ये भी वन, तो इसी पॉइंट से लाइन पास होगी। लेकिन होगा क्या, जब एक्स को वन से ग्रेटर लोगे तो वाई इक्वल टू टू एक्स माइनस वन की वैल्यू कम होगी और एक्स स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा होगी। तो फाइनली होगा क्या, ये जो लाइन है ये लाइन ऐसे जाएगी इससे, ये वाई इक्वल टू कौन है टू एक्स माइनस वन, ये एक लाइन है जान दे। अब अपन को अगेन क्या लेना है, एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू टू एक्स माइनस वन का मिनिमम, मतलब नीचे वाला पोर्शन, तो इसका नीचे वाला पोर्शन ये करवा जाएगा आपका दिस लाइन। अब इसको देख के देखो बच्चे क्या करते हैं कि जितने नंबर ऑफ क्या होंगे शार्प कॉर्नर या डिसकंटिन्यूस पॉइंट, उन्हीं को बोलते हैं नॉन डिफरेंशियबल पॉइंट। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग स्टूडेंट को लग रहा होगा एक तो दिस आंसर है और एक दिस आंसर, बट ऐसा नहीं है, ये तो सही है। देखो ये लाइन है और उसके बाद ये कर्व है, ठीक है, और आप चाहो तो इस फंक्शन को ड्राइव डिफाइन कर सकते हो, लेट एफ एक्स इक्वल टू, समझे, इफ एक्स अगर जीरो से लेस है तो लाइन लेनी है एक्स की, अगर जीरो से वन है तो फंक्शन लेना है टू एक्स, और अगर एक्स की वैल्यू वन से ग्रेटर है, सॉरी एक्स स्क्वायर, और अगर एक्स की वैल्यू वन से ग्रेटर है तो फंक्शन लेना है आपको टू एक्स माइनस वन, ठीक है। अब देखो ये जीरो पे कंटिन्यूस है, वन पे भी कंटिन्यूस है, तो इसका क्या करोगे डिफरेंशिएशन, जैसे ही आप इसका एफ डिसेस करोगे तो देखो मैथमेटिकली करो कभी गलती हो ही नहीं सकती, इसका वन, इसका टू एक्स और इसका टू। तो देखो पहले जीरो पे चेक करोगे तो इसमें जीरो रखा तो वन आ गया, इसमें जीरो लेने पे जीरो आ जाएगा, तो जीरो पे तो क्या हो गया नॉन डिराइवल नॉन डिफरेंशियबल, बट जब वन इसमें पुट करोगे तो ये भी टू और ये भी टू, तो ये टू पे, ये एक्स इक्वल टू वन पे शार्प कॉर्नर नहीं है, इस पे फंक्शन क्या होगा डिफरेंशियबल होगा। तो इसका ओनली वन आंसर फिल करना है कि ओनली सिंगल पॉइंट पे क्या होगा बोलो नॉन डिफरेंशियबल, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। थैंक उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, कंसीडर थ्री वेक्टर्स ए कॉमा बी एंड सी सच दैट, थ्री वेक्टर गिवन है एबीसी, मोड ए रूट थ्री गिवन है, ए डॉट सी टू गिवन है, और ए क्रॉस सी आपको बी वेक्टर की इक्विवेलेंट है, देन दी वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी प्लस थ्री सी प्लस टू सी का डिटरमिनेंट या मोड, इस वेक्टर के मोड की वैल्यू बतानी है। तो सिंपल सा फंडा क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैंने क्या किया एक बार वाई लेट किया, इसको लेट कर लेते हैं वाई इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ या मोड ऑफ, मतलब मॉडुलस है इसका, प्लस थ्री सी वेक्टर प्लस टू ए वेक्टर। आप एक काम करो इसकी कर दो स्क्वायरिंग, तो ये आपको पता होना चाहिए, जब भी आप ये फॉर्मूला पढ़ा होगा सबने, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मोड के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर प्लस मोड सी स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी प्लस टू बी डॉट सी प्लस टू सी डॉट ए, इस पार्ट को अपन को इसमें यूज करना है। तो देखो कर देते हैं, तो इससे क्या जाएगा, एक तो आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर प्लस नाइन मोड सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस फोर ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस टू ए बी करने पे क्या होगा सिक्स ए क्रॉस बी डॉट सी बॉक्स ऑफ ए बी सी, तो क्या जाएगा प्लस सिक्स बॉक्स ऑफ ए बी सी, और इससे करने पे क्या जाएगा सिक्स ट्वेल्व ए डॉट सी, यस सर, और फर्स्ट और थर्ड को जो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये ए वेक्टर है और ए क्रॉस बी है, तो ए क्रॉस बी डॉट ए बॉक्स ऑफ ए बी ए, तो बॉक्स के अंदर दो वेक्टर सेम है तो वैल्यू क्या बन जाएगी जीरो, तो लास्ट टर्म तो जीरो बनेगी। अब देखो करना क्या है, इसमें वैल्यू चाहिए, तो देखो ए डॉट सी तो टू गिवन है, तो ये कितना जाएगा 24, ये तो आ गया 24, उसके बाद मोड ए थ्री है तो रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, तो ये आ गया 12, ये कितना जाएगा बोलो 12, तो फाइनली 24 और 12 36 आ गया। तो एक बार अगेन लिख देते हैं इसको, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी आपको 36 प्लस 6, एक तो ये लिखना अपन को, एक दिस पार्ट और एक दिस पार्ट, अब इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। तो देखो
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मोड के स्क्वायर की वैल्यू चाहिए एक बॉक्स ऑफ एबीसी। देखो बॉक्स ऑफ एबीसी की वैल्यू का तो सिंपल सा फंडा है, इसको आप क्या करो बी के साथ डॉट कर दो। जैसे ही आप बी के साथ डॉट करो क्या आएगा, ए वेक्टर ए क्रॉस सी, सीधा लिख देते हैं, बी के साथ डॉट करने पे क्या आ गया, ए वेक्टर सी वेक्टर बी वेक्टर का बॉक्स इक्वल टू मोड बी वेक्टर का स्क्वायर। तो इस वेक्टर को लेके आओगे तो माइनस 12 आ गया, तो बॉक्स ऑफ एबीसी जाएगा माइनस के बी वेक्टर का स्क्वायर। तो बॉक्स ऑफ एबीसी आ गया माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर। तो एक काम करो प्लस की जगह जाएगा माइनस 6 मोड बी वेक्टर का स्क्वायर। चलो इसका क्या रकम हो गया, अब इसकी बात चलो इसको लिख देते हैं, बाद में देखते हैं इसका क्या होगा, मोड सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस अब अपन को ए क्रॉस बी के मोड के स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। देखो उसका सिंपल सा फंक्शन है, आपको ए क्रॉस बी चाहिए, तो एक काम करो इस वेक्टर को एक बार ए के साथ क्रॉस कर देते हैं। तो देखो ए वेक्टर क्रॉस, पहले मैंने राइट पार्ट से मल्टीप्लाई किया, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ गया, ए वेक्टर क्रॉस ब्रैकेट में ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला मेथड लगा दो आप, तो क्या आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू फर्स्ट इंटू थर्ड, तो ए डॉट सी इंटू ए वेक्टर माइनस ए डॉट ए इंटू सी वेक्टर। ए डॉट सी की वैल्यू आपको 2 गिवन है, तो फाइनली क्या जाएगा बोलो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज 2 ए वेक्टर माइनस ए डॉट ए का मतलब मोड ए स्क्वायर और मोड ए स्क्वायर आपका 3 है, तो दिस इज 3 सी वेक्टर। अब देखो आगे थीम क्या है, आप ध्यान दें ए डॉट सी आपको 2 गिवन है, अब उनको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर चाहिए, इसका मोड लेके स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर आ जाएगा इससे 2 का स्क्वायर 4 मोड ए स्क्वायर प्लस 9 मोड सी स्क्वायर माइनस 12 ए डॉट सी। क्या गया 12 ए डॉट सी। तो देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर आ गया 4, तो मोड ए स्क्वायर तो 3 हो गया, तो आ गया 12 प्लस 9 मोड सी वेक्टर का स्क्वायर और ए डॉट सी आपका अगेन टू तो माइनस के 24 आ गया। तो आप इस वैल्यू को इसमें रिप्लेस कर सकते हो। तो ध्यान दें जब आप इसमें ए क्रॉस बी के मोड के स्क्वायर की वैल्यू प्रकट कितना आ गया 9 सी वेक्टर के मोड का स्क्वायर माइनस के 12 लिख देते हैं, 9 सी वेक्टर मोड का स्क्वायर माइनस 12। तो लास्ट टाइम वो लिखते हैं, तो एक बार इसकी बात की, अब इसको एक बार राउंड कर देते हैं। तो फाइनली इसको राउंड करने के बाद देखो अपने पास वाई स्क्वायर कितना आ गया 36 माइनस 12 24 आ गया, 18 मोड सी स्क्वायर माइनस 6 मोड बी स्क्वायर 18 मोड सी स्क्वायर माइनस 6 मोड बी स्क्वायर। अब देखो ना तो मोड बी वेक्टर का स्क्वायर गिवन है ना मोड सी वेक्टर का स्क्वायर, तो इसके लिए क्या रिलेशन यूज करना, अब उसकी बात करते हैं। तो इसको रिमूव कर देते हैं, तो उसके लिए इस थीम को यूज करो आप। एक बार मैंने इसमें क्या किया ए वेक्टर डॉट सी का मतलब मोड ए मोड सी कॉस थीटा 2 आ गया, और इससे क्या आएगा इसका मोड ले लो तो मोड ए मोड सी साइन थीटा आ गया मोड बी। अब एक काम करो इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं, ये तो रूट 3 है ना, तो रूट 3 का स्क्वायर 3 मोड सी वेक्टर का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसे डायरेक्टली होगा क्या बेटा, अभी सुन लो, आपको दिस पार्ट की वैल्यू डायरेक्ट अचीव होने वाली है ये यूजेस में। तो फाइनली आ गया 3 मोड सी वेक्टर का स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस, हाँ भाई साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी इससे मोड बी वेक्टर का स्क्वायर अपॉन मोड ए मोड सी, मोड ए का स्क्वायर 3 हो गया और ये आ गया मोड सी स्क्वायर इक्वल टू 4। तो देखो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो आ गया 3 मोड सी वेक्टर का स्क्वायर माइनस 3 मोड सी कैंसिल आउट तो मोड बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया। तो केयरफुली सुनो जब आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा 18 मोड सी वेक्टर का स्क्वायर माइनस 6 मोड बी स्क्वायर इक्वल टू 24 48, तो वाई स्क्वायर 48 आ गया, तो वाई क्या जाएगा रूट 48 का मतलब 4√3। तो देन इसका आपको थर्ड ऑप्शन बेटा फिल करना है, ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है।
उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, इफ एफ आर टू आर इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन सच देट, एफ आर टू आर में कॉन्टिन्यूस फंक्शन गिवन है और वो कंडीशन क्या है, एफ ओ फाइव माइनस एक्स प्लस एफ ओ फाइव प्लस एक्स इक्वल टू सिक्स, फोर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, देन दी वैल्यू ऑफ माइनस वन से इलेवन एफ एक्स डी। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू बतानी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको समझे। देखो आपको दिस पार्ट का समेशन सिक्स गिवन है, तो इसको यूज कैसे करना उसमें देखो, ये जो इंटीग्रेशन गिवन है इसको लिखते हैं माइनस वन से इलेवन एफ एक्स डी एक्स। देखो उसको क्रिएट करने के लिए क्या करना है, माइनस वन से इलेवन में इसको इसके मिडिल पार्ट पे क्या कर दो, ये लिखने के बाद समझ में आएगा आपको। तो उसको मैंने काम किया माइनस वन से फाइव एफ एक्स डी एक्स और फाइव से इलेवन एफ एक्स डी एक्स में क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, इसको फाइव पे आप क्या करो ब्रेक कर दो। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आंसर देखो, अब क्या ये लिखने के बाद, ये देखो बाद में आ रहा फाइव प्लस एक्स, तो एक काम करो इसमें एक्स को रिप्लेस कर दो आप फाइव प्लस डी, केयरफुली सुनना, इससे बेनिफिट क्या होगा, एक्स को जब फाइव प्लस डी लोगे तो एक्स को फाइव रखने पे जीरो और एक्स को इलेवन रखने पे सिक्स, तो ये आ गया जीरो से सिक्स इसकी लिमिट बन जाएगी। और इसमें क्या करो, इसमें एक्स को रिप्लेस कर दो आप फर्स्ट मतलब फाइव माइनस एक्स, ये सोचने का वे है, फाइव माइनस डी बोल देते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, जब एक्स को माइनस वन लोगे तो सिक्स बन जाएगा और एक्स को फाइव लोगे तो जीरो, अल्टीमेटली दोनों की लिमिट सेम इंटीग्रेशन की, तो अपन दोनों पे लिमिट एक साथ लगा सकते हैं, तो उससे बेनिफिट देखना। तो एक लाइन लिख देते हैं, तो इससे क्वेश्चन आ गया फाइनली, इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट माइनस वन लेने पे ये सिक्स बन जाएगा, अपर लिमिट फाइव करने पे जीरो, और एक्स की वैल्यू पुट करने पे आ जाएगा एफ ऑफ फाइव माइनस टी और डीएक्स की जगह जाएगा माइनस की डीटी, यस सर। और प्लस इसमें क्या होगा, फाइव पे जीरो और ये सिक्स और ये बन गया फाइव प्लस टी डीटी, यस सर। इतना होने के बाद ध्यान दे, जब इस अपर और लोअर लिमिट को इंटरचेंज करोगे तो नेगेटिव कीजिएगा क्या बन जाएगा, बोलो पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली ये सिंबल बन जाएगा इंटीग्रेशन जीरो से सिक्स, जब दोनों पे सेम, दोनों पे इंटीग्रेशन सेम है तो एक साथ लगा सकते हैं। तो क्या आ गया क्वेश्चन, जीरो से सिक्स एफ ओ फाइव माइनस टी प्लस एफ ओ फाइव प्लस टी, तो इसकी वैल्यू कितनी है, सिक्स डी टी, तो सिक्स डी टी का इंटीग्रेशन सिक्सटी, तो थर्टी सिक्स आंसर, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। तो बस यही थीम थी कि इसको पहले फाइव पे प्रॉपर्टी थ्री से ब्रेक करो और उसके बाद इसमें इस वे में आपको क्या लगाना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। उसके बाद देखो मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट ई वन एंड ई टू वी टू इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू वन, देन दी लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इलिप्स ई वन एंड ई टू, आपको इन दोनों इलिप्स के इंटरसेक्शन पॉइंट का क्या बताना, लोकस, यदि सेट ऑफ कर्व कंप्राइजिंग मतलब उसका लोकस क्या सेट हो सकता है, और इसमें लिखा है वेयर ए इज ए पैरामीटर, अल्टीमेटली आपको ए को एलिमिनेट करना, पैरामीटर का मतलब वेरिएबल पार्ट है, और अगर कोई भी पार्ट वेरिएबल है उसी केस में अपन लोकस की बात कर सकते हैं, अगर सब कुछ कॉन्स्टेंट है तो फिर डायग्राम फिक्स्ड होगा, तो फिर किसी भी पॉइंट के लोकस की बात डिस्कशन कर ही नहीं सकते, ठीक है। चलो तो देखो एक काम करो, आपको अल्टीमेटली जिस पॉइंट का लोकस बताना है तो उसको अपन जनरली क्या अलर्ट करते हैं, एच कोमा के, तो आप एक काम कर सकते हो, आप इसमें एक्स को एच और वाई को के मान लो, फिर ये अपन को पता है कि बाद में भी तो एच को एक्स और के को वाई पुट करते हैं, तो सीधा माइंड में पता है कि अपन को एक्स वाई का लोकस बताना है। तो सिमिलरली क्या करो, इन दोनों इक्वेशनों की हेल्प से अपन को ए स्क्वायर को एलिमिनेट करना है, तो एक काम करो अपन इस सेकेंड इक्वेशन से क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को उधर लेके चले जाओ, तो आ गया वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू आ गया वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो देन वन अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, क्योंकि जिस पॉइंट का लोकस बताना है उसको एच को मे मानोगे, तो एक्स को एच वाई को के पुट करोगे, तो बात तो सेम ही हुई ना, तो उसको एक्स वाई के लोकस की बात कर सकते हैं। तो ये लो, तो इसमें क्या करो, वन अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो भाई, एक्स स्क्वायर तो एज इट इज, और वन अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू आप पुट करोगे कितनी, वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, बस इसको सोल्व कर दो तो ऑटोमेटिक अपने पास लोकस आ जाएगा। तो चलो इसको वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो और इसको एक्स स्क्वायर से, तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स फोर प्लस वाई फोर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इन दोनों में काम कर सकते हैं अपन, या फर्स्ट और फोर्थ को एक साथ लिख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसके फैक्टर करने, और
और सेकंड और थर्ड में जब माइनस कॉमन लोगे तो क्या आ गया, x की पावर 4 माइनस y की पावर 4, इसके फैक्टर लिख सकते हैं अपन अगेन, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इनटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 0, तो एक तो ये कॉमन लेने पे 0 आ गया, तो इससे तो क्या आ गया x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 0, और ये कॉमन लेने पे क्या आ गया 1 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये लो। तो ये तो क्या एक सर्कल की इक्वेशन जिसका सेंटर 0 0 रेडियस, और ये क्या आ गया y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर, ये क्या है, ये टू लाइन की कंबाइंड इक्वेशन है, PSL पेयर ऑफ, तो टू स्ट्रेट लाइन, यस सर, वन स्ट्रेट लाइन गलत आंसर है, वन पैराबोला रॉन्ग आंसर है, वन सर्किल, यस सर, तो इसका आंसर फर्स्ट और थर्ड आपको फिल करना है। ठीक है, चलो उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाँ ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, पढ़ो उसको। फ्रॉम ए पॉइंट पी रिप्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन ऑन दी कर्व मोड जेड इक्वल टू टू, अल्टीमेटली क्या मीनिंग है, एक पॉइंट पी जो उसको नेम दिया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन लाइज ऑन दी कर्व मोड जेड इक्वल टू, तो अपन लिख सकते हैं कि अगर ये पॉइंट इस पे लाई करता है तो उससे क्या जाएगा जेड वन का मोड टू, इसकी जरूरत पड़ सकती है, टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम पी, इस पॉइंट पी से आपने दो टेंजेंट ड्रॉ की टू दी कर्व मोड जेड इक्वल टू वन, मीट एट ए जेड टू एंड बी जेड थ्री, इस पॉइंट से पॉइंट पी से दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे और वो सेकंड सर्कल को क्या करती है, दो पॉइंट ए बी जेड टू जेड थ्री पे क्या करती है, टच करती है, तो देन सेंटर ऑफ डेल्टा ए बी पी विल बी ऑन दी कर्व मोड जेड इक्वल टू वन, क्या ट्राइंगल ए बी ए बी पी का जो सेंटर है क्या वो मोड जेड इक्वल टू वन पे लाई करता है, ये सुनो ये चेक करना है। सेकंड ऑप्शन है आर्गुमेंट ऑफ जेड टू पॉइंट जेड थ्री, क्या प्लस माइनस टू पाई बाई थ्री होगा, क्या दिस पार्ट की वैल्यू नाइन होगी, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ डेल्टा पी ए बी विल बी कोइंसाइड, तो ये वन बाई वन आपको सारे ऑप्शन चेक करने हैं, तो चलो देखते हैं कैसे करोगे। देखो सुनो, एक तो कर्व है मोड जेड इक्वल टू टू, मोड जेड इक्वल टू टू का मीनिंग क्या है, एक सर्कल का सेंटर जीरो जीरो है रेडियस टू है, चलो एक बार इसको डायग्राम ड्रॉ करते हैं, इस पर एक पॉइंट गिवन आर्बिट्री पी जेड वन, एक सर्किल अनोदर उसका सेंटर भी जीरो जीरो रेडियस आपकी वन है, इस पॉइंट पी से आपने दो टेंजेंट रोकी दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, कहीं भी मान सकते हैं, रफली डायग्राम है ये लो, इनको ज्वाइन करोगे तो ये एंगल कितना होगा 90 क्योंकि टेंजेंट है, तो इसको समझो ये ए जेड टू है ये बी और ये इसका सेंटर है, देखो इसको करने की थीम क्या है, ये क्या है, ये सर्किल की रेडियस है वन और ये भी सर्किल की रेडियस वन है, ठीक है, उसके बाद ध्यान दे ये जो पी ए ओ बी ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसके अपोजिट एंगल का सम 180, ठीक है ये ध्यान देना इस बात को, तो अल्टीमेटली जो सर्किल ए बी पी से पास होगा वो पॉइंट ओ से ही पास होता है, वैसे इसकी जरूरत है नहीं इसमें, तो वैसे ही बोल दिया मैंने, आफ्टर दैट क्या किया मैंने इस पॉइंट ओ को पी से ज्वाइन किया, ये क्या है ये सेकंड सर्कल की रेडियस है, तो ये लेंथ कितनी है 2, तो देखो ये एंगल 90 है ये 1 है तो ये कितना आ गया रूट 3, सिमिलरली ये 1 ये तो ये भी कितना आ गया बोलो रूट 3, ये 2 है ही अपने पास, तो इतना आने के बाद अब देखो एक काम कर सकते हैं, जैसे लेट सबसे पहले अपन इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, तो इस ट्राइंगल में ध्यान दो थीटा की पोजीशन परपेंडिकुलर, सो 90 के बजाय हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस, तो मैं लिख सकता हूँ उसमें टेन थीटा इक्वल टू दिस अपॉन रूट थ्री, वन बाई रूट थ्री आ गया, तो टेन थीटा रूट वन बाई रूट थ्री का मतलब थीटा 30 डिग्री आ गया, तो ये 30 ये 30 तो ये आ गया 60, तो दिस एंगल इज ये जो क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसके चारों वर्टेक्स 100% क्या पास होगा सर्किल क्योंकि ये दोनों एंगल 90 है, ठीक है, तो जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो ये एंगल कितना आ गया 120, ये पॉइंट अपना Z2 है ये Z1 है, तो इसमें रोटेशन थ्योरम क्या बोलती है
एंगल ऑफ दिस आर्गुमेंट ऑफ जेड वन अपॉन आर्गुमेंट ऑफ जेड टू कितना जाएगा प्लस माइनस, वो रोटेशन क्लॉकवाइज भी हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका सेकंड ऑप्शन तो ऐसे टिक कर सकते हो। आफ्टर दैट दोबारा ध्यान दे, थर्ड ऑप्शन भी इसका बहुत सिंपल है। देखो ये जब पता है कि मोड जेड वन टू है तो इसके स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आएगा, मोड जेड स्क्वायर का मतलब जेड वन इंटू जेड वन बार, ये कितना आ गया बोलो, फोर आ गया। तो ध्यान दे इस जेड वन बार को अपन में लेके जाओगे तो क्या आ गया, फोर अपॉन जेड वन बार इज फोर अपॉन जेड वन बार की वैल्यू क्या होगी जेड वन। सिमिलरली जेड टू जेड थ्री मोड जेड इक्वल टू वन पे लाई करते हैं तो जेड टू बार इज वन, तो ये क्या बन जाएगा जेड टू प्लस जेड थ्री। इसमें रिवर्स कर दो, इसमें क्या बनेगा फोर अपॉन जेड वन बार जेड टू बार, तो ये बन जाएगा जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री का होल बार, दोनों सब पे बार अलग है तो एक साथ लगा सकते हैं, और ये जेड बार तो क्या बन जाएगा जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री के मोड का स्क्वायर, मतलब इसकी वैल्यू चाहिए अपन को। इतना आने के बाद अब देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या अगला, हाँ उसके बाद ध्यान दो ये वन है ये वन है और ये एंगल 120 है, तो अपन ये लेंथ और फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका देखो बेनिफिट क्या होने वाला है, ये लेंथ मैंने एक्स मानी तो आप कोसाइन फॉर्मूला यूज करो, कोस 120 डिग्री का फॉर्मूला एडजेसेंसी साइड का स्क्वायर माइनस अपोजिट साइड का स्क्वायर अपन ट्वाइस ऑफ एडजेसेंसी साइड, ये आ गया। इसको सोल्व करोगे तो बेटा इससे एक्स की वैल्यू मिलती है रूट थ्री, ध्यान देना और सुनो, ये रूट थ्री और देखो ये रूट थ्री है, इस टेंजेंट की लेंथ भी रूट थ्री, इसकी भी रूट थ्री, तो ये जो ट्राइंगल है पी ए बी कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कैसा ट्राइंगल बोलो इक्विलेटरल, तो अगर ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो इसका ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर सारे के सारे पॉइंट क्या होंगे कोइंसाइड होंगे, तो इसका फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट होगा। ठीक है, इतना आने के बाद अब आपको ये चेक करना है कि इसका जो सेंटर्ड है क्या होगा बोलो, सेंटर्ड लाइज ऑन, इसका सेंटर्ड किस पॉइंट पे लाई करेगा, तो इसकी थीम देखो कैसे करोगे, या तो आप इसको मैथमेटिकली कर सकते हो कोई बड़ा इशू नहीं है क्योंकि सारे पॉइंट, बट आप एक बार ट्राई करोगे ज्योमेट्रिकली सीधा कैसे बता सकते हैं, तो एक बार इसको दोबारा समझते हैं। ऐसे ध्यान देना, ये एक बड़ा वाला सर्किल है, ये के अंदर एक स्मॉल सर्किल है, समझाने के लिए इस पॉइंट पी को इधर मान लो, नो प्रॉब्लम, एक टेंजेंट इधर बनाओगे, एक टेंजेंट इधर, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये रूट थ्री था, ये लेंथ रूट थ्री है, फिर इसको इससे जॉइन कर देते हैं ऐसे, तो ये एक ट्रायंगल बन गया। इतना करने के बाद अब थोड़ा समझ सकते हैं, देखो सबसे पहले तो बात करते हैं ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या है, साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इधर लाई करेगा, ठीक है, और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया, इस पॉइंट से जब ड्रॉ करोगे तो ऐसे परपेंडिकुलर इधर लाई करेगा, ठीक है, तो अपन सारी साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। और उसके बाद ध्यान दो जब ऑल फोर पॉइंट्स आर कोइंसाइड, तो एक बात ये समझ सकते हो ये जो लाइन है ए बी सेगमेंट ये सबको सेम पॉइंट होंगे क्योंकि ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है, ट्राइंगल कैसा बोलो इक्विलेटरल, और अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल तो देखो क्या थीम करोगे इसमें, ये एंगल 90 था, हाँ उसके बाद ये देखो इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया क्योंकि ये एंगल 30-30 है, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अल्टीमेटली होगा क्या, इसका जो सेंट्रोड है, सेंट्रोड क्या होगा जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री बाई थ्री, ये बेटा आपका सर्किल मोड जेड इक्वल टू वन पे क्या करता है बोलो लाई, तो अगर ये सेंट्रोड इस पर लाई करेगा तो इसको क्या करेगा सेटिस्फाई, तो क्या जाएगा जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री का मोड अपन थ्री इक्वल टू वन, तो ये कितना जाएगा बोलो थ्री, तो ये थ्री आ गया तो थ्री का स्क्वायर इज नाइन, तो इसके ऑल फोर ऑप्शन आर करेक्ट, तो इसके सारे के सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे बोलो करेक्ट, तो इस थीम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें मेन पार्ट तो फर्स्ट ही था इसका, अगर ये आपने बहुत फटाफट देख लिया, देखो पहला बेनिफिट तो ये था कि ये जो ट्राइंगल है कैसा था बन गया इक्विलेटरल, अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो ऑल फोर पॉइंट्स आर कोइंसाइड, तो देन फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो वैसे सही हो गया, फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही करेक्ट आ गया। और अगर ये पता चल गया कि ये जो ट्राइंगल पी ए बी से पास होगा वो इससे भी पास होगा, तो इससे बेनिफिट क्या हुआ, सी आई डी लग गया कि हाँ ये कौन सा एक क्वाड्रिलेटर बनेगा, तो अपोजिट एंगल का सम 180 है, तो ये 60 तो ये 120, तो ये 120 आ गया, तो देखो जेड टू पॉइंट जेड वन का मतलब क्या है, इस सेगमेंट और इस सेगमेंट पे लगाओ रोटेशनल थ्योरम, तो क्या लगोगे जेड टू माइनस जीरो पॉइंट जेड टू माइनस सॉरी
जेड वन माइनस जेड टू अपॉन जेड टू माइनस जीरो, मतलब आर्गुमेंट ऑफ जेड वन अपॉन जेड टू किया जाएगा प्लस माइनस टू पावर थ्री जेड टू अपॉन जेड थ्री। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को पढ़ना, ठीक है। चलो उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, सॉरी हाँ, फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स डी एक्स अपॉन कॉस थीटा प्लस एक्स से पाई बाय टू डी थीटा अपॉन साइन थीटा, एक्स जीरो से पाई बाय टू गिवन है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस पार्ट, मतलब एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या ये दोनों ऑप्शन में से कुछ हो सकती है क्या? जो फंक्शन एफ डेस एक्स है क्या वो जीरो से पाई बाय टू में नॉन मोनोटोनिक है या एफ डेस एक्स जीरो से पाई बाय टू में इंक्रीजिंग है? ध्यान दें एफ डेस एक्स को इंक्रीजिंग चेक करना है तो डबल डेस क्या होना चाहिए इसका पॉजिटिव, और डबल डेस नेगेटिव है तो एफ डेस एक्स ही डिक्रीजिंग है। ध्यान दें बच्चे स्टूडेंट जल्दीबाजी में क्या करते हैं एफ एक्स को चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो बढ़ते हैं इसमें अपन। तो देखो इस क्वेश्चन को करने का एक ऑप्शन तो क्या है, सबसे पहले ये बहुत सिंपल है सेकेंड पार्ट, क्या किया इसका एक बार कर दो, न्यूटन्स लेवनिज फॉर्मूले से डिफरेंशिएशन। तो इसका एफ डेस एक्स अचीव होगा, पहले एक्स पुट कर दो थीटा को तो वन अपॉन कॉस थीटा आ गए माइनस, क्यों? क्योंकि पाई बाय टू पे जीरो और एक्स पुट करने पे लोअर उल्टा हो जाएगा, ये साइन एक्स आ गया, सॉरी ये इसका आ गया एफ डेस एक्स। एफ डेस एक्स आने के बाद देखो इसका ले लो एलसी, तो एफ डेस एक्स एलसी लेने पर क्या बन जाएगा ये साइन माइनस कोस अपन साइन कोस। आपको पता होगा जीरो से पाई बाई फोर में कोस बढ़ा तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, जीरो से पाई बाई फोर में अल्टीमेटली क्या होगा, जब जीरो से पाई बाई फोर की बात करोगे आप तो जीरो से पाई बाई फोर में अपन एफ एक्स के डायग्राम की बात करते हैं, ये जीरो ये पाई बाई फोर और ये पाई बाई टू, एफ डेस एक्स को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखते हैं डबल डेस की बात, इसकी बात करते हैं। जीरो से पाई फोर में साइन कोस में कोस बढ़ा तो ये डिफरेंस नेगेटिव आ गया और ये तो पॉजिटिव है क्योंकि जीरो से पाई बाई टू की बात करनी है तो एफ डेस एक्स नेगेटिव है तो डायग्राम डिक्रीजिंग होगा और बाद में इंक्रीजिंग, मतलब अल्टीमेटली जो डायग्राम है वो इस तरीके से बनने वाला अपना। तो पाई बाई फोर पे तो वैल्यू क्या होगी इसकी मिनिमम, तो एक तो देखना अपन को एफ ऑफ पाई फोर मिनिमम वैल्यू पूछे तो एफ ऑफ पाई फोर की वैल्यू बतानी है अपन को, ये मिनिमम बात है। तो देखते हैं कैसे, क्योंकि एफ एक्स लाना पड़ेगा इंटीग्रेशन से, फिर उसका एफ पाई बाई फोर की वैल्यू पे इसकी मिनी वैल्यू अचीव होगी, तो या तो फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है सेकंड। अब अपन को क्या देखना है, डबल डेस को चेक करो कि वो मोनोटोनिक होगा कि नहीं होगा। तो एक काम करो, ये तो बन गया sec x और ये बन गया cos x, कर दो उनका इंटीग्रेशन तो डबल डेस क्या हो जाएगा इसका, sec x का इंटीग्रेशन sec x tan x माइनस cos x का माइनस cos x का माइनस cos x cot x, तो प्लस cos x cot x। तो ध्यान दो जीरो से पाई बाई टू में सब कुछ पॉजिटिव तो डबल डेस एक्स कैसा आ गया पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली एफ डेस एक्स आपका क्या होगा इंक्रीजिंग, तो इसका एक ऑप्शन तो सीधा फोर्थ आ जाएगा। अब अपन को पहले एफ एक्स फंक्शन क्या करना है फाइंड आउट, एफ एक्स फंक्शन फाइंड आउट करने से क्या बेनिफिट होगा, आप एफ ए फोर की वैल्यू को इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसका बहुत सिंपल सा ऑप्शन है, आप इसको सीधा इंटीग्रेट ही कर दो ना, देखो सीधा इसका इंटीग्रेशन आएगा एफ एक्स इक्वल टू, ध्यान दे सभी कोस ऊपर चला गया सेक sec x का इंटीग्रेशन पढ़ते हैं log sec x यस sec थीटा प्लस tan थीटा, लिमिट लगाओगे जीरो से x और फिर प्लस ब्रैकेट न्यूमेटर में क्या जाएगा cos x x, cos x x का इंटीग्रेशन log cos x x माइनस cot x, cos x x माइनस cot थीटा और लिमिट लगानी है x से पाई बाई टू। तो लिमिट पुट करने पे देखो x पुट करने पे तो sec x tan x और 0 पे tan 0 0 sec 0 1 log 1 0 तो ओनली आ जाएगा log sec x plus tan x, इधर क्या होगा पाई बाई टू पे cot पाई बाई टू 0 हटाओ cos x पाई बाई टू 1 और log 1 0 और x रखने पे माइनस log cos x x माइनस cot x तो क्या बन गया log a माइनस log b, तो अल्टीमेटली आ जाएगा log, मोड लगाना हमेशा क्योंकि इंटीग्रेशन में बेसिकली मोड लगाते हैं हमेशा जब आप क्या करते हो डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेटली तो विदाउट मोड भी काम चल जाता है, ठीक है। तो क्या जाएगा ये sec x plus tan x upon cos x x minus cot x, अब कुछ मत करना, जब आप पाई बाई फोर रखोगे
तो sec pi 4 root 2 plus 1 कितना जाएगा बोलो, ये जाएगा ln root 2 plus 1 upon root 2 minus 1, ये इसका फाइनल आंसर है। इसको एक काम करना, मोड लगाने लगाना अपन को, root 2 plus 1 से कर देना मल्टीप्लाई डिवाइड, तो root 2 plus 1 से करने पे नीचे तो क्या बन जाएगा, root 2 minus 1 root 2 plus 1 बना गया, और root 2 plus 1 का whole square, root 2 plus 1 का square 3 plus 2 root 2, yes sir, तो देन इसका फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन क्या होगा बोलो करेक्ट। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है इसका, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें देखो कैसे करना है, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लेट एफ एक्स वी ट्वाइस डिफरेंशियबल फंक्शन सच दैट एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव इन जीरो से टू, जो डबल डैश एक्स है जीरो से टू में पॉजिटिव है, तो बताओ एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ टू टू एफ ऑफ सी फॉर एटलीस्ट वन सी जीरो से टू, एफ ऑफ जीरो एफ ऑफ टू लेस देन टू एफ ऑफ वन अप टू सोन, इस टाइप से ऑप्शन जो है। देखो ध्यान दें, ये क्वेश्चन टिपिकल है, स्टूडेंट को देख के पता नहीं चलता कि क्वेश्चन में बेसिकली करना क्या, ध्यान देना कैलकुलस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ऐसे क्वेश्चनों की जितनी प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा आप एग्जाम में उतना अच्छा कर पाओगे। और ये ध्यान देना, हर साल आई आई टी में मोस्टली क्वेश्चन इसका आता रहता है, रोज थ्योरम और एलएमटी थ्योरम से मोस्टली जेई मेंस में जेई एडवांस में क्वेश्चन आता है, ध्यान देना। अब अपनी वर्कशीट देखना, उसमें हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन है, और ये थोड़ा बच्चों को आइडिया नहीं लगता कि किस क्वेश्चन में ये एलएमटी और रोज थ्योरम की बात कर सकता है, और मोस्टली एटलीस्ट की बात करें या फंक्शन में कुछ कंपेरिजन की बात चल रही तो वहाँ एलएमटी रोज थ्योरम की बात कर सकते हैं, एटलीस्ट रूट की बात करें तो ये क्वेश्चन दिया इसलिए गया कि आपको थोड़ा लगे कि आइडिया कैसे करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बेसिकली बहुत कम मिलते हैं बुक्सों में, ठीक है। तो देखो थीम क्या है इस क्वेश्चन को समझो, अगर डबल डैश एक्स आपका पॉजिटिव है तो इसका मीनिंग क्या होगा, जो एफ डैश एक्स है वो क्या होगा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। एफ डैश एक्स कैसा फंक्शन है बोलो, इंक्रीजिंग, मतलब एक्स की वैल्यू बढ़ाने पर एफ डैश एक्स की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो अब एक काम करते हैं अपन, एफ एक्स फंक्शन पर अप्लाई करते हैं एलएमबीटी थ्योरम विद द हेल्प ऑफ एलएमबीटी थ्योरम। मैंने एक पॉइंट लेट किया सी वन बिलोंग्स टू जीरो से वन, प्रैक्टिस का पार्ट है। अब आप बोलोगे जीरो से वन इसलिए किया गया क्योंकि जैसे फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑप्शन में जीरो वन और टू की बात की, तो एक बार तो एलएमबीटी अप्लाई करेंगे जीरो से वन में और एक बार बात करेंगे वन से टू में, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन की बात चल रही है। तो एलएमबीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, एफ डैश सी वन, ये पढ़ा था ना कि एलएमबीटी थ्योरम क्या बोलती है, एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, मतलब एफ डैश सी, और सी उस इंटरवल में लाई करना चाहिए, तो क्या जाएगा एफ डैश सी वन इज एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन वन आ गया, ये लो। सिमिलरली एक सी टू पॉइंट अगेन लाई करते हैं वन से टू में, एक बार वन से टू में अगेन एलएमबीटी थ्योरम अप्लाई करो, तो देन वी कैन राइट नाउ एफ डैश सी टू इक्वल टू एफ टू माइनस एफ ऑफ वन अपॉन अगेन बना गया। ये लिखने के बाद एक बार बताओ, सी वन तो जीरो टू वन में लाई करता है और सी टू वन से टू में, और एफ डैश एक्स आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, लिख सकते हैं सी वन लेस देन सी टू, सी वन सी टू में सी टू बड़ा है, तो ध्यान दें जब सी वन सी टू से ग्रेटर है तो एफ डैश सी वन और एफ डैश सी टू में एफ डैश सी टू क्या होगा, ग्रेटर, क्योंकि एफ डैश सी टू एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। और इसके बाद इन दोनों वैल्यूज को पुट कर दो तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, तो क्या आ गया, एफ वन माइनस एफ जीरो लेस देन एफ टू माइनस एफ वन, ठीक है ना। एफ वन को तो लेफ्ट में ले आओ तो टू एफ ऑफ वन, उधर जाएगा तो एफ ऑफ जीरो, तो क्या आ गया एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ टू ग्रेटर देन होगा टू एफ ऑफ वन से, यस सर, एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ टू ग्रेटर देन होगा टू एफ ऑफ वन से, तो हाँ इसका एक तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड ऑप्शन इसका गलत है, ये लाइन ऑलवेज टू हो नहीं सकती, ये गलत है, इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, सी कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है ना। अब आफ्टर दैट क्या करना जान दो, अब एक काम करना, ये अगला पार्ट आप कर सकते हो, देखो इसमें किस किस का रोल है, जीरो टू और टू बाई थ्री का, एक बार तो क्या करना जीरो से टू बाई थ्री में सेम प्रोसीजर, तो इधर एफ ऑफ टू बाई थ्री इधर जीरो और अपॉन में टू बाई थ्री होगा, और एक बार टू बाई थ्री से टू में लगा देना एलएमबीटी थ्योरम, और वही सेम प्रोसीजर कि टू बाई थ्री और टू में टू बड़ा होगा, सॉरी सी वन सी टू, सी वन तो जीरो से टू बाई थ्री है, सी टू टू बाई थ्री से टू है, तो सेम, तो एक आपका फोर्थ ऑप्शन मैच कर जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको रिमेंबर दिस, इस टाइप के क्वेश्चनों की थोड़ी प्रैक्टिस करें आप, ठीक है, चले। तो ये मल्टीपल चॉइस के अपने फोर क्वेश्चन हो चुके हैं। अब इसके बाद बात करेंगे पैराग्राफ की, इसके बाद टू पैराग्राफ है टू बाई टू के, ईच पैराग्राफ में टू क्वेश्चन हैं
और हर क्वेश्चन के मोर देन वन आंसर जान दें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या पैसेज है, पढ़ो। लेट एफ आर टू आर वी ए फंक्शन एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स माइनस हंड्रेड। ये वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। जी एक्स इज ए पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन थ्री। जी एक्स एक पॉलीनोमियल है जिसकी डिग्री थ्री और थ्री से लेस है। सच दैट इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स से डी एक्स डज नॉट कंटेन एनी लॉगरिथमिक फंक्शन। जब जी एक्स अपॉन एफ एक्स का क्या करोगे आप इंटीग्रेशन, तो उसमें कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन प्रेजेंट नहीं है। एंड जी ऑफ माइनस टू कितना गिवन है, बोलो माइनस टेन। देन अब देखो अपन को बेसिकली क्वेश्चन क्या बताने के बाद उनको रीड कर लेते हैं। एक क्वेश्चन तो है विच ऑफ दी फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। एफ एक्स इक्वल टू जीरो है जो टू रियल एंड टू इमेजरी रूट्स। फर्स्ट पार्ट में एफ एक्स के रूट्स को चेक करने के रियल और डिस्टिंक्ट होंगे क्या, इमेजरी होंगे क्या। सेकंड ऑप्शन है एफ एक्स इज मेनी वन इंटू फंक्शन। चलो देखते हैं, मेनी वन इंटू की बात की गई है मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन की बात करनी। रियल रूट्स क्या, इसके ऑल फोर रूट्स आर रियल, हैव अपोजिट साइन। ये देखना है कि रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हाँ एफ एक्स इक्वल टू जीरो के जो रियल रूट्स हैं क्या वो अपोजिट साइन के हैं। और फोर्थ ऑप्शन है एफ एक्स इक्वल टू जीरो है ऑल फोर डिस्टिंक्ट रियल रूट, क्या इसके ऑल फोर रूट्स क्या होंगे रियल और डिस्टिंक्ट। ये ऑप्शन है। एक बार इसका सेकेंड पार्ट और देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मिनिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स इज माइनस 42 व्हेन एक्स इक्वल टू 2। एक बार ये चेक करना है कि क्या जी एक्स की मिनिमम वैल्यू माइनस 42 होगी कब, जब एक्स आपका 2 है। सेकंड ऑप्शन सेम ही है, बस आपको वैल्यू चेक करनी मिनिमम वैल्यू जी एक्स की मिनिमम वैल्यू। थर्ड ऑप्शन में बोलेगा 0 से 4 जी एक्स अपॉन एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन है क्या वो पाई बाई 2 होगा, क्या पाई आंसर है। मतलब सेकंड पार्ट में जी एक्स की मिनिमम वैल्यू चेक करोगे कितनी होगी और किस पॉइंट पे होगी। और थर्ड और फोर्थ में 0 से 4 में जी एक्स एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो चलो उसको देखते हैं एक बार। देखो फर्स्ट जो पार्ट है इसका फिफ्थ क्वेश्चन, उसको करने के लिए क्या करो, इस एफ एक्स फंक्शन को सिंपलीफाई करना है। तो देखो वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन इजी वे में सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसमें थीम क्या ध्यान दे। देखो ये ट्राई करो, देखो जब फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 3, और सेकंड को फोर से करने पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x - 2। मतलब जो वेरिएबल पार्ट है वो दोनों में सेम आने वाला है। तो इसमें ये थीम है, इस एफ एक्स इक्वेशन को आप लिख सकते हो बेटा, ध्यान दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x - 12 माइनस के 100। अब एक काम करते हैं, इसको टीलेट कर लेते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू आ गया t + 3 इंटू t - 12 माइनस के 100, और इसी को चेक करना है। तो क्या बनेगा, टी स्क्वायर माइनस 12t + 3t, तो माइनस के 90 माइनस के 100। ठीक है, अब अपन को पहले इसको जीरो करते हैं कि इसके फैक्टर क्या होंगे। तो टी स्क्वायर माइनस 90 माइनस 100 इक्वल टू जीरो को क्या करना, अपन को सॉल्व करना है। एक बार दोबारा समझ सकते हो, फर्स्ट को थर्ड से एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 3, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6 + 2 माइनस 4x और माइनस के 12 माइनस के 100। और उसके बाद क्या होगा, ध्यान दे अगेन, टी ऑफ टी स्क्वायर माइनस 12t + 3 माइनस 90 सॉरी माइनस 36, तो ये 136 हो जाएगा। क्या जाएगा, माइनस के 136 माइनस के 136। अब इसके फैक्टर देखो क्या हो सकते हैं, एक काम करते हैं 136 के फैक्टर करके देख लो। अभी इसके कर देंगे फैक्टर, चार अलग करो, 4 3 12 16 4 4 16 34 में से एक काम करो, दो अलग कर दो, 8 × 17 हो गया 16। ये फैक्टर होंगे इसके t - 17
और एक आ जाएगा टी माइनस एट। अभी सेट करते हैं इसको, ध्यान दे आप, टी स्क्वायर ये लो, ये होगा टी स्क्वायर प्लस एट टी माइनस सेवनटीन। ठीक है, तो एक तो टी आ गया 17 और एक टी आ गया माइनस एट। ठीक है, तो देन क्या होगा, टी का मीनिंग पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस सेवनटीन जीरो, और एक आ गया एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो। ये आपने एफ एक्स को दो क्वार्टिक में कन्वर्ट कर दिया प्रॉपर फैक्टराइजेशन मेथड में। तो देखो इसका तो डी पॉजिटिव है क्योंकि माइनस आ रहा सी, तो इसके रूट तो क्या होंगे, रियल। और ध्यान दे इसके रूट्स रियल हैं दोनों, और अपोजिट साइन के क्योंकि अल्फा बीटा का प्रोडक्ट माइनस इतना आ रहा है, और इसका डी नेगेटिव है। तो अल्टीमेटली इसके देखो आंसर्स क्या होंगे। और एक बार बताओ, जब इस वाई क्वार्टिक के दो रूट रियल हैं तो इन दोनों वैल्यू पे, दोनों रूट्स पे वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो जो एफ एक्स है वो दो पॉइंट पे जीरो आ गया 100%, तो अल्टीमेटली ये फंक्शन में नहीं बनोगा। और अपन डायग्राम से भी समझ सकते हैं, क्योंकि जब ये इसके दो रूट्स रियल हैं तो डायग्राम दो बार तो क्या लेगा, टर्न लेगा ना, सॉरी एक बार टर्न लेगा, तो दो रूट्स, तो फंक्शन में नहीं बना गया। और ये इनटू तो नहीं सकता, ऑन टू नहीं सकता, क्योंकि वाई क्वार्टिक जब भी पॉलीनोमियल की पावर इवन है तो फंक्शन हमेशा इनटू होता है, क्योंकि उसकी रेंज कभी आ नहीं आ सकती। तो देखो इसके ऑप्शंस क्या होंगे, एफ एक्स के टू रूट रियल हैं, टू इमेजिनरी, एक ऑप्शन तो फर्स्ट आ गया। एफ एक्स मेनी वन फंक्शन है और एक इनटू फंक्शन, सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट होगा। एफ एक्स के जो रियल रूट्स हैं वो अपोजिट साइन के, तो इसका थर्ड ऑप्शन, तो इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन आपको फिल करना। ठीक है, चले अब अगले पार्ट में काम करो। अगले पार्ट में बोला गया कि जो जी एक्स है उसकी रेंज बतानी है, एक तो कि जी एक्स की मिनी वैल्यू क्या होगी, और एक अपन को इंटीग्रेशन जीरो से पाई में या पाई बाई टू में, जीरो से फोर में सॉरी, एफ एक्स अपन जी एक्स को सॉल्व करना। तो एक ध्यान देना सभी, इसके फैक्टर अपन सीधे ही ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस सत्रह, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस एट। चलो इसका यूज करते हैं, अब अपन को क्या करना है, ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स अपॉन एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो इनडिपेंडेंट ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो चलो लिख देते हैं, जी एक्स अपॉन एफ एक्स की फैक्टर लिख दो सीधे, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस सेवनटीन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस एट। अब कॉन्सेप्ट समझे क्या करें, ये एफ एक्स से ध्यान देना इसको, ये एफ एक्स एक तरीके से जी एक्स की डिग्री थ्री और थ्री से लेस है। तो अपने एक बात पढ़ी है, न्यूमेटर की डिग्री लेस है, डिनोमेटर की डिग्री ग्रेटर है, तो इंटीग्रेशन करने का ऑप्शन है फ्रैक्शनल पार्ट, पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं। जी एक्स फंक्शन को लाने के लिए क्या करना है, तो सीधी बात सुनो, इसकी डिग्री कम है इसकी ज्यादा है, तो ये पर लिख सकते हैं ना कि जो जी एक्स अपॉन एफ एक्स है इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करोगे, जान दो, जी एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल टू, देखो ये भी क्वार्टिक है, ये भी क्वार्टिक है, ना तो मैं इसके फैक्टर कर सकता ना इसके फैक्टर। अगर आप इसकी लीनियर फैक्टर कर सकते हो फिर तो अपन क्या लिखेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस अल्फा प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बीटा अप टू सोन, ये दोनों ही क्वार्टिक फैक्टर हैं, तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या लिखोगे, ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस सेवनटीन प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस एट। अब ये देखें कि इसको इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा, थोड़ा समझने की ट्राई करें। इतना आने के बाद अब ये बोला गया कि जो इसका इंटीग्रेशन करोगे आप, पहली बात तो आती है कि सर ए बी सी डी की वैल्यू को कैसे यूज करें, तो एक बात को समझो, जब आप इसका परफेक्ट उसका बनाओगे तो क्या आएगा, ये आएगा x माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस के 21, और इसके परफेक्ट स्क्वायर की बात करो तो क्या आएगा, x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 4। तो ऐसे समझो उसको, देखो जब इसका इंटीग्रेशन करोगे आप, थोड़ा केयरफुली ध्यान दे, ये ax प्लस b और ये क्वार्टिक है, तो अपन करते क्या, बेसिकली
चलो इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो गया ये, बट जब आप करते क्या हो, जब ये ए एक्स प्लस बी अपन क्वाड्रेटिक है तो आप क्या करोगे, इस क्वाड्रेटिक को, इस ए एक्स प्लस बी को इस डिनोमिनेटर के डिफरेंशिएशन प्लस कॉन्स्टेंट टर्म में क्या करोगे, कन्वर्ट कर देते हो। तो जब आप इसको कन्वर्ट करोगे, जैसे मैं समझाने की बात करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन आने वाला है 2x-4, इसका डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है, बोलो 2x-4। तो आप ए एक्स प्लस बी को क्या करोगे, इसके डिफरेंशिएशन उसमें कन्वर्ट करने की प्रैक्टिस करोगे। तो आप समझ सकते हैं, जब ए एक्स अपन दिस पार्ट की बात कैसे भी किया आपने, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, और अगर आपने ए एक्स प्लस बी की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया इसको, तो होगा क्या, इस केस में ये जो पार्ट है आपका ए एक्स अपॉन दिस पार्ट, ये डी टी में चला गया, तो 1/t log t, तो इसका इंटीग्रेशन log t बन जाएगा। दोबारा ध्यान दें, इसको आपने ए एक्स प्लस बी लिखा, ए एक्स प्लस बी लिखने के बाद ये ऑलवेज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो जब ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इस केस में बेसिकली होगा क्या, इस केस में देखो ए और सी तो इसमें जीरो होना मस्ट है, क्योंकि दिस अपॉन दिस किया आपने, ये लीनियर क्वाड्रेटिक है, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मिलने वाला है अपन को, कैसे भी मैनेज करेंगे उसको, तो होगा क्या, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, न्यूमेरेटर में लीनियर हो और डिनोमेटर में क्वाड्रेटिक, तो इसका इंटीग्रेशन करने पे 1/t का log t आंसर आता है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि log द फंक्शन प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें a और c का जीरो होना मस्ट है। आप दोबारा समझ सकते हो, जैसे मैं समझा देता हूं ना, इस न्यूमेटर में ए एक्स प्लस बी को ऐसे लिखा मैंने, ये समझाने का तरीका है, मतलब ये जो ए एक्स प्लस बी है, ए जैसे 2 आ गया बाई चांस, और बी माना 3 आ गया, तो 3 को जबरदस्ती ऐसे कुछ कर देंगे अपन मैनेज करने के लिए, तो दिस अपॉन दिस करने पे क्या होगा, ये डिफरेंस अपना जीरो बन जाएगा, तो गलत हो जाएगा ना। तो फाइनली होगा क्या, इसमें इस ए और सी को तो पहले जीरो मान लेते हैं, क्योंकि ए और सी को जीरो लेने पे, और इसमें पहली फाइनल है, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसको इससे डिवाइड करो, उसका भी डिफरेंशिएशन में लॉग आने वाला, और इसके डिफरेंशिएशन में भी क्या आने वाला, लॉग, तो इसमें ए और बी तो 100% क्या होंगे, जीरो, ए और बी क्या होंगे, बोलो जीरो। केवल अपन बात करेंगे इसकी, इसमें भी क्या करना है, ध्यान दो, इसमें भी दो चीज देखनी पड़ेंगी अपन को, इसमें सबसे पहले ध्यान दें, दोबारा सुनो, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो जब ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मेट है, तो एक्स अपॉन ये लिखो या बी अपॉन दिस पार्ट लिखो, दोनों केसेज में लॉग आने वाला है, तो इसमें ए और बी तो दोनों 100% क्या होंगे, जीरो। इसकी बात तो कर देते हैं कि ए और बी दोनों जीरो है। उसके बाद दोबारा ध्यान दो, सी एक्स अपॉन दिस पार्ट, ये क्वाड्रेटिक लीनियर, तो इसमें भी लॉग आने वाला है, तो इसका भी डिफरेंशिएट किया, तो सी बीच क्या बन जाएगा, बोलो जीरो। केवल इसमें डी अपॉन बी, क्योंकि डी अपॉन दिस पार्ट में क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, टेन इनवर्स एक्स अपॉन है, तो ये अपना यूजफुल होगा। तो सीधी भाषा में इसमें होगा क्या, जब आप ए बी सी को जीरो रखोगे, तो कितना रह गए, डी अपॉन दिस पार्ट, फाइनली इससे आ गया जी एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल टू आ गया डी अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस फोर। एफ एक्स की वैल्यू पुट करोगे, एफ एक्स का मतलब क्या, ये दोनों फैक्टर, तो ये फैक्टर तो कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली इससे जो जी एक्स फंक्शन है वो कितना जाएगा अपने पास, ध्यान दो, सॉरी, डी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस सत्रह, ये आ गया। अब डी की वैल्यू के लिए कुछ नहीं, क्वेश्चन में बोला गया है जी ऑफ माइनस टू माइनस दस दे रखा है, जी ऑफ माइनस टू माइनस दस, तो चलो जब g माइनस टू की बात करो तो कितना आएगा, देखो माइनस टेन इक्वल टू डी इंटू माइनस टू का स्क्वायर फोर प्लस एट माइनस के 17, तो 12 माइनस 17 माइनस 5, तो d इक्वल टू क्या जाएगा, बोलो 2 आ गया। d 2 आने के बाद ये जी एक्स फंक्शन आ गया, वही सेम प्रोसीजर, इसकी मिनी वैल्यू के लिए काम करो ना, इसको बना दो परफेक्ट स्क्वायर, तो किसका होल स्क्वायर बन गया, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस के 21, ये लो, होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू जीरो लोगे तो क्या जाएगा, मिनिमम माइनस 42, तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट है, जी एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस 42, कब, जब एक्स आपका 2 है, तो एक इसका फर्स्ट ऑप्शन आ गया। फिर अगले ऑप्शन में क्या पूछेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स अपॉन एफ एक्स जीरो से पाई, तो एक काम करो, जी एक्स अपॉन एफ एक्स कौन होगा, डी अपॉन दिस, और डी कितना है, 2 अपॉन दिस पार्ट, इसका इंटीग्रेशन करना जीरो से पाई में, चलो कर देते हैं, इंटीग्रेशन जीरो से पाई 2 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 2 तो बाहर आ गया,
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए जीरो से, हाँ सॉरी ये लिमिट शायद फोर है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, चलो देख लेना फोर ही है। तो देखो फोर लेने पे क्या जाएगा, फोर माइनस टू ये तो कैंसिल आउट हो गया, टू बाई टू वन, टेन इनवर्स वन की वैल्यू क्या होती है फाइव बाई फोर, माइनस जीरो पे दोबारा लिमिट प्लस, क्योंकि तो जीरो लेने पे माइनस वन, टेन इनवर्स माइनस माइनस फाइव फोर, लेकिन जीरो पे लोअर लिमिट है तो माइनस माइनस प्लस, तो देन इसका आंसर क्या जाएगा बोलो पाई बाई टू। तो इसका फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस ये कॉन्सेप्ट मैंने इसका भाई, फर्स्ट क्वेश्चन तो एफ एक्स हो गया कि इसको फर्स्ट थर्ड को अलग मल्टीप्लाई करो, सेकंड फोर्थ को सेपरेट मल्टीप्लाई करो, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ऐसे सिंपल बन जाएगा। लेकिन जो सेकंड पार्ट है उसके लिए अपन को इस कंडीशन पे ध्यान देना कि जी एक्स अपॉन एफ एक्स डज नॉट कंटेन द एनी लॉगरिथमिक फंक्शन। तो सीधी सीधी बात है, लीनियर अपॉन क्वार्टिक, लीनियर अपॉन क्वार्टिक का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो वो हमेशा लॉगरिथमिक फंक्शन ही आएगा। तो उसमें ए बी जीरो, सी बी जीरो, बी जीरो क्यों हो गया, क्योंकि b अपॉन ये क्या है x square minus a square, तो constant upon x square minus a square log of x minus a upon x plus a, तो ये भी logarithmic, तो ये भी हट गया। और ये क्यों हटाया, क्योंकि cx upon linear ये भी log होगा, तो केवल d upon this, और ये tan inverse function है, ये trigonometric function है, उसके लिए मना नहीं किया, इसने तो बोला गया है कि does not contain the logarithmic function, तो इस तरीके से इसको करना है। तो a b c जीरो लेने पे क्या आ गया, gx upon x of x आ गया, d upon this एफ एक्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, तो एक फैक्टर कट गया बाद वाला, तो डी इंटू फर्स्ट फैक्टर आ गया, डी की वैल्यू के लिए यूज करो, क्वेश्चन फिनिश। ठीक है चलो उसके बाद बात करते हैं सेकंड। देखो पैराग्राफ टू क्या है, ये वेक्टर का पैराग्राफ है, इसमें वेक्टर भी यूज है और थोड़ा थ्री डी का भी यूज है। देखो पढ़ो, लेट ओ ए बी सी बी ए टेट्राहेड्रन विद एजेज लेंथ बी सी इक्वल टू रूट टू, सी ए रूट थ्री, ए बी रूट फोर, ओ ए ओ बी ओ सी रूट फाइव, रूट सिक्स, रूट सेवन गिवन है। देन मतलब ये टेट्राहेड्रन ओ ए बी सी है, इसमें सारी लेंथ गिवन है। देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछ गए एक बार समझ लो सब, विच ऑफ दी फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट, आपको ऑप्शंस को चेक करना है कौन से ऑप्शन करेक्ट है। इसमें देखो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में तो बोला गया कि जो टेट्राहेड्रन है ओ ए बी सी उसका एरिया क्या होगा, सॉरी उसका वॉल्यूम बताना है। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में मेंशन किया गया है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ओ एंड प्लेन ए बी सी, प्लेन ए बी सी पे आपने ओरिजिन से क्या ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, उसकी लेंथ बतानी है। ठीक है ये तो हो गया इसका फर्स्ट क्वेश्चन, एबीसी पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर लेंथ बतानी। अगले दो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज करेक्ट, ये भी एडजेक्टिव है, ओए और बीसी में एंगल, जो एज ओए और बीसी उसमें एंगल की बात की है सेकंड फर्स्ट ऑप्शन में, और थर्ड और फोर्थ में बोला गया है फेस ओएबी, जो ओएबी फेस है और बीसी एज है उसके बीच का एंगल। पहले में तो ओए, देखो चार क्वेश्चन है, एक तो ओ ए बी सी का वॉल्यूम चेक करना है, उसके सेकंड पार्ट में जो ए बी सी फेस है उस पर ओरिजिन से क्या करना है परपेंडिकुलर, उसकी लेंथ बतानी है। सेकंड पार्ट में जो ओ ए है और बी सी, ओ ए और बी सी में एंगल बताओ, दोनों एजेज में एंगल क्या होगा, और एक बार बोला गया है जो फेस ओ ए बी है उसका बी सी के साथ एंगल क्या होगा। चलो एक बार दोबारा रीड कर लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो देखो कैसे करना है क्वेश्चन को। सब कुछ इस क्वेश्चन का डायग्राम में ध्यान देना, कैलकुलेशन भी है समझे क्या करना है। देखो पहले अपन एक छोटा सा क्या बना लेते हैं टेट्राहेड्रन, ये लेट ए बी सी पॉइंट है बी, इसको बी मान लेते हैं, इसको ए और इसको सी लेट कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, और ये इसका ओरिजिन मान लिया ओ, सॉरी दोबारा बना लेते सी बी ए ओ, ठीक है ना, इसको लेट कर लो सी वेक्टर, वो सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको वी वेक्टर लेट करो और इसको ए वेक्टर, तो कितना ये पॉइंट आ गया ए वेक्टर ओरिजिन के अबाउट, इसको ओरिजिन मान लेते हैं। इसको जब भी वेक्टर का क्वेश्चन करें डायग्राम के हेल्प से तो आप वेक्टर लेट करो, बहुत सिंपल, एक वेक्टर को जीरो वेक्टर माना करो, फिक्स्ड है। अब देखो गिवन क्या है, ओ ए, ओ ए का मतलब मोड ए गिवन है, यही लिख देते इसमें,
मोड ए, मोड बी, मोड सी। बी सी का मतलब सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बने, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बने रूट टू। ऐसे ही सी ए का मतलब सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मोड आपको गिवन है। इस क्वेश्चन को समझे, बाकी कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग करोगे। ए बी का मतलब लिखोगे बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मोड इक्वल टू रूट। मैं सारा क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी कैलकुलेशन आपको ना थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले तो टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम चाहिए, तो देखो ध्यान दे सभी, टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़ते हैं, 1/6 बॉक्स ऑफ एबीसी। पैरेलल पाइप्ड का वॉल्यूम तो क्या होता है, बॉक्स ऑफ एबीसी, ए क्रॉस बी डॉट सी, और वॉल्यूम ऑफ दी टेट्राहेड्रन 1/6 बॉक्स ऑफ एबीसी। अब इस बॉक्स ऑफ एबीसी की वैल्यू कैसे करें, तो अगर आपको तीनों वेक्टर पता है फिर तो क्या करोगे आप, सीधा डिटरमिनेंट से वेक्टर एबीसी बॉक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर की वैल्यू गिवन है, और ऐसा क्वेश्चन आईआईटी में दो बार आ चुका है, एक बार तो तीनों वेक्टर गिवन थे तो उसने पूछा था कि, और उस तीनों वेक्टर में वेरिएबल आ रहा था कुछ भी अल्फा लेट, और बोला था कि पैरेलल पाइप दिया, टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम अगर मैक्सिमम है तो बताओ अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है एज। और एक बार क्वेश्चन ऐसा 2006 के अकॉर्डिंग कि तीन वेक्टर गिवन थे यूनिट वेक्टर, और उनके बीच में एंगल गिवन था, और पूछा था कि बताओ, या ए डॉट बी, ए डॉट सी, ऐसे कुछ गिवन था, और पूछा इसका वॉल्यूम क्या होगा टेट्राहेड्रन का या पैरेलल पाइप का, तो उसमें वेक्टर थे ही नहीं तो फिर कैसे करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उसको ध्यान दे सभी। वो रिजल्ट क्या है, जो बॉक्स ऑफ एबीसी का स्क्वायर, ये प्रूव भी करते हैं अपन, उसको याद रखें सब आप, बॉक्स ऑफ एबीसी के स्क्वायर की वैल्यू होती है डिटरमिनेंट ऑफ, पहले ए के साथ डॉट कर दो सबको, ए डॉट ए, ए डॉट बी, ए डॉट सी, फिर बी डॉट ए, बी डॉट बी, फिर कर दो बी डॉट सी, फिर सी डॉट ए, सी डॉट बी, और बाद में सी डॉट सी, ए डॉट ए, डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, सबके साथ डॉट। तो अब ध्यान दो, ये तो बन गया, चलो वैल्यू रख देते हैं, बाकी आप करना बाद में। ए डॉट ए का मतलब मोड ए स्क्वायर, तो मोड ए स्क्वायर की वैल्यू 5 होगी, मोड बी स्क्वायर की वैल्यू 6, और ये सभी तो फिल कर दोगे आप ऐसे। अब ए डॉट बी की वैल्यू चाहिए, एक काम करो इसके मोड का स्क्वायर कर दो, तो ए डॉट क्या आ जाएगा, मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी इक्वल टू 4। तो देखो कितना है, 5 और 6 11, 7/2 ये आ जाएगा बेटा 7/2। ऐसे ही आपको चाहिए ए डॉट सी, तो ए डॉट सी के लिए इसकी स्क्वायरिंग कर दो, तो मोड ए स्क्वायर मोड सी स्क्वायर कितना होगा, मोड ए मोड सी 7 और 5 12, 12 - 3 9/2 ये जाएगा 9/2, ये करके देख लेना आप, ठीक है। जब ए डॉट बी है तो बी डॉट ए भी 7/2 होगा, और सी डॉट ए भी कितना होगा 9/2, ये लो फिल हो गया। बस केवल आपको एक ए डॉट बी चाहिए, या सॉरी सी डॉट ए, सी डॉट बी डॉट सी की वैल्यू के लिए काम करो, इसकी स्क्वायरिंग करो, तो मोड बी स्क्वायर मोड सी स्क्वायर, मोड बी मोड सी 7 और 6 13, 13 - 2 11/2 आ जाएगा, ये लो ये भी 11/2 आ गया, और ये भी इसको सोल्व करना है तो बॉक्स ऑफ एबीसी का स्क्वायर आ गया, तो इसका रूट लोगे आप तो बॉक्स ऑफ एबीसी आ गया। तो अल्टीमेटली आपको टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम मिलेगा 1/6 बॉक्स ऑफ एबीसी। ये कैलकुलेशन आप करोगे तो ये कैलकुलेशन करने के बाद इसका वॉल्यूम आ जाता है बेटा, मैं सीधा देखता हूँ, √11/4 ये याद है मेरे को, कैलकुलेशन की हुई है इसकी। तो एक तो ऑप्शन आ गया इसका सेकंड, अब आगे क्या करना है उस पर ध्यान दो। वॉल्यूम आने के बाद उसने बोला कि जो फेस है आपका एबीसी, इस पर ओरिजिन से क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर। तो इस फेस एबीसी पर अगर आप ओरिजिन से क्या ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर, तो आप ये समझो कि ये इसके वर्टेक्स है एबीसी और ये पॉइंट ओ है। तो वॉल्यूम का मतलब क्या लगता है अपन, 1/6 वॉल्यूम क्या होगा टेट्राहेड्रन का, किसी भी जो 3D की स्ट्रक्चर है उसका वॉल्यूम पढ़ते हैं हाफ बेस इंटू हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ दी पैरेलल पाइप तो लिखते हैं बेस एरिया इंटू हाइट, और वॉल्यूम ऑफ दी टेट्राहेड्रन क्या पढ़ते हैं, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम। तो ध्यान दो, बेस एरिया के लिए क्या करना,
जब ये ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स पता है तो अपन इसका बेस एरिया निकाल सकते हैं। और बेस एरिया एक काम करना, जैसे लेट ये ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स के बने तो बेस एरिया कुछ भी मान लेना, ए क्रॉस बी या बी क्रॉस बी, ठीक है। या फिर एक काम करो, आपको देखो ए बी सी लेंथ कितनी के बने, रूट टू, और ए बी लेंथ कितनी है बोलो, टू, और ये लेंथ के बने आपको सी ए रूट थ्री। तो सबसे बेटर ऑप्शन यही है। इस ए बी सी का एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, ध्यान दो, बेस इसकी हाइट के लिए क्या करना है, ये बेस है और ये ओरिजिन है, तो सीधा एक काम करो, वॉल्यूम ऑफ दी टेटेड लिख सकते हैं बेस एरिया इनटू हाइट, बेस एरिया इनटू हाइट तो यूज करते हैं पैरेलल पाइपेट में, और टेटेड का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट। तो अगर एबीसी को बेस मानोगे तो ओरिजिन से क्या ड्रॉ करोगे, हाइट, तो 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट आ गया वॉल्यूम। अब देखो अगर बेस एरिया मिल गया तो हाइट मिल जाएगी आपको, बेस एरिया का मतलब ट्राइंगल एबीसी का एरिया चाहिए। काम करो ना, ये तीनों साइड पता है, अपन इस एंगल को बी मान लेते हैं। तो सबसे पहले काम करना, कोसाइन फॉर्मूला लगा देना, कॉस बी, ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपन ट्वाइस ऑफ ए बी, कॉस बी आ गया तो सीधा ट्राइंगल का एरिया हाफ ए बी साइन सी, ए बी दिस इन टू दिस साइन सी, टू रूट टू साइन बी आ जाएगा, कॉस बी आ गया तो साइन बी मिल जाएगा। तो उससे अपन को इस ट्राइंगल ए बी सी का क्या मिल जाएगा, एरिया, उस एरिया को इधर पुट करोगे तो आपको हाइट मिल जाएगी इसकी, और जो वो हाइट है वो क्या होगी, ओरिजिन से फेस ए बी सी पे परपेंडिकुलर, तो उसका सेकेंड और थर्ड ऑप्शन तो आ जाएगा इससे। बस एक कैलकुलेशन है वो बेटा आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। उसके बाद जो अगला पार्ट है उसमें क्या बोला गया है, आपको बोला गया है कि जो ओ ए आपकी एज है और ए बी एज, इसके बिटवीन एंगल, ये एज एज का मतलब ऐसे ध्यान देना, देखो समझो थोड़ा, ये ट्राइंगल है ये ओ ए, तो एक तो एज है ओ ए और एक है बोलो बी सी, तो दोनों एज क्या है, नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्ट, इसको लेंस बोल सकते हो, इनके बिटवीन आपको क्या बताना बोलो, एंगल बताना, क्या बताना बोलो, दो एज है ओ ए और बी सी, इनके बिटवीन एंगल की बात की आपसे। तो देखो इसको समझने का बेटर ऑप्शन क्या है, ध्यान दो, जैसे लेट, हाँ पर एक क्वेश्चन और एक बार उसको और देख लेते हैं, पर क्वेश्चन को देखोगे तो डायग्राम हट जाएगा। इसमें दो क्वेश्चन जो मेरे को पता थे वो ये थे, फेस ओएबी, ओएबी और बीसी के बीच का एंगल बताना है। देखो फेस ओएबी, ये फेस और ये बीसी के बीच में एंगल, तो देखो ये अगर ओएबी है, ओ ओ एबी ये मान लेते हैं, ये ओ ये बी और ये ए, ये ट्राइंगल बन गया ओएबी, ये ओ ए बी जो ट्राइंगल है ये तो फेस हो गया, और बी सी को अपन स्पेस में मान लेते हैं, तो आपको उनको बी सी ऐसे ध्यान दे, इस बी सी और फेस इसके बीच में एरिया बताना है, सॉरी इसके बीच में एंगल बताना है, तो बहुत बेटर ऑप्शन है, ये बी सी है और ये एंगल चाहिए, तो एक काम करो, ये जो ए वेक्टर बी वेक्टर है ये इस फेस के वेक्टर हैं दोनों, तो ए क्रॉस बी करोगे तो वो क्या होगा, ए क्रॉस बी फेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो अगर ए क्रॉस बी इस फेस के परपेंडिकुलर है और ये बी सी है, जिसको आगे बढ़ाओगे तो ये एंगल लेट थीटा है, तो 90 माइनस थीटा आ गया। तो सुनो क्या करना है, दोबारा ध्यान दे, ये बी सी है और ये ए और बी वेक्टर हैं, ओ ए और ओ बी, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर, तो अल्टीमेटली ए क्रॉस बी और इस बी सी के बीच का एंगल फाइंड आउट कर दो आप, और वो आ जाएगा, तो उसको कोस 90 माइनस थीटा कर देना आप। दोबारा ध्यान दे, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो सीधा जाएगा कोस 90 माइनस थीटा, क्या जाएगा बोलो, कोस 90 माइनस थीटा। तो अपन लिख देंगे सीधा कि जो कोस 90 माइनस थीटा है वो क्या होगा, इन दो वेक्टर के बीच के एंगल, एक वेक्टर बी सी और एक ए क्रॉस बी है, तो ऐसे लिखोगे सीधा कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर का मतलब बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर अपन दोनों का मोड, एक बार तो ए क्रॉस बी का मोड लगा देना और एक बार बी माइनस सी का मोड, इसको मल्टीप्लाई कर देना, ए क्रॉस बी डॉट बी जीरो, और बॉक्स ऑफ ए बी सी ऑलरेडी पढ़ चुके और इनकी वैल्यू अपन को ऑलरेडी पता है, तो उससे आपको फेस ओ ए बी और बी सी के बिटवीन एंगल पता चल जाएगा। और एक पार्ट हो रहा है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का, एट क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन है कि जो ओ ए एज है और बी सी एज है इनके बीच के एंगल बताओ, तो एक काम करो ना, ये एज दो वैक्टर हैं, ये बी सी वैक्टर है, ये ओ ए वैक्टर है, तो आपको करना क्या है, इन दो वेक्टर के बीच का एंगल बताना है, दो वेक्टर के बीच का, ये दो लाइंस मानो, सॉरी ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है,
इन टू लाइन के बिटवीन एंगल बताना है। तो एक काम करो, अब 3D में दो लाइन लेट कर लो, सिंपल सा फंडा है। लाइन क्या लेट करोगे, बीसी लाइन तो लेट कर लो, लेट आर वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, इस पॉइंट से पास होती है, ये इसके पैरेलल है। और एक ये लाइन लेट कर लो ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर या जीरो वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। तो करना क्या अपन को, इन दो पैरेलल वेक्टर, इन दो वेक्टर के बीच के एंगल, ये वेक्टर तो कौन है बी माइनस सी, और ये कौन है बोलो ए वेक्टर। तो आपको बी वेक्टर, बी माइनस सी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच, सिंपल सी बात है, ये एक एज है, ये भी एक एज है, तो इस पर भी दो वेक्टर पता है, इस पर भी दो वेक्टर। तो आपको इन दो वेक्टरों के बिटवीन क्या बताना एंगल, तो सीधा लगा देना कॉस थीटा का फॉर्मूला, तो उससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसकी भी दो ऑप्शन सही है, सेकंड थर्ड, और उसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसका फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। ठीक है, तो थोड़ी कैलकुलेशन बेटा आप अपने अकॉर्डिंग करोगे। चलो उसके बाद बात करते हैं सेक्शन डी की। तो देखो सेक्शन डी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट एफ एक्स बी ए नॉन कॉन्स्टेंट थ्राइस डिफरेंशियबल फंक्शन डिफाइंड ऑन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सिक्स माइनस एक्स। एक एफ एक्स फंक्शन है जो थ्राइस डिफरेंशियबल है, मतलब थ्री टाइम्स उसका क्या कर सकते हैं अपन डिफरेंशिएशन, और वो नॉन कॉन्स्टेंट है, मतलब उसको कॉन्स्टेंट नहीं मानना है, एज ए कर्व मानना है, और वो आर में डिफाइन है, और एक प्रॉपर्टी को फॉलो करता है एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सिक्स माइनस एक्स एंड एफ डैश जीरो एफ डैश टू और एफ डैश फाइव, ये तीनों जीरो के इक्वल गिवन है। इफ एन इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस पार्ट इन द इंटरवेल क्लोज जीरो से सिक्स, जीरो से सिक्स में दिस इक्वेशन के रूट्स, मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स बोले गए एन, देन द वैल्यू ऑफ एन बाई थ्री इक्वल टू। तो देखो क्या थी इस क्वेश्चन को करने की, ये जो इक्वेशन गिवन है इसको आप केयरफुली देखोगे तो ये टू फंक्शंस के मल्टीप्लाई का डिफरेंशिएशन है। इसको लिखते फिर समझ में जाएगा आपको ये क्या है, ध्यान दो, ये ध्यान, ये है डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स। देखो एक काम करो, इधर से पकड़ो एफ डैश एक्स, और ये किसका डिफरेंशिएशन है, डबल डैश का। अभी लिखने के बाद समझ में आएगा आपको, ऐसे नहीं पता चलेगा। लो इसको फर्स्ट, इसको सेकंड मानो, सेकंड फंक्शन एज इट इज एफ डैश एक्स का डबल डैश, तो स्क्वायर आ गया, फर्स्ट एज इट इज ट्रिपल डैश एक्स, इसलिए इसने बोला कि एफ एक्स थ्राइस डिफरेंशियबल फंक्शन है। इतना आने के बाद एक काम करते हैं, इसको अपन मानते हैं एच एक्स, इसको अगर आपने एच एक्स सेलेक्ट किया तो क्या गया, एच एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स। तो अपना क्वेश्चन बन जाएगा एच डैश एक्स इक्वल टू जीरो के नंबर ऑफ रूट्स बताने हैं आपको, अगर ये एच एक्स है तो अपना क्वेश्चन क्या है एच डैश एक्स। तो एक बात ध्यान दे, अगर एच एक्स के मिनिमम जीरो पता है तो एच डैश एक्स का एक रूट उससे कम बन जाता है। इसमें यूज करनी है अपन को रोल्स थ्योरम, क्या करनी है रोलेज थ्योरम। तो देखो उसकी क्या करेंगे, आप ये चेक करोगे कि पहले एफ डैश एक्स कितने पॉइंट्स पे जीरो है, तो डबल डैश उससे एक कम पॉइंट पे क्या जाएगा बोलो जीरो, तो सीधा साधा फंक्शन है, उस लाइन को यूज करना है। एफ एक्स गिवन है एफ ऑफ सिक्स माइनस एक्स, इसका डिफरेंशिएट करने पे जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस एफ डैश सिक्स माइनस एक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अब देखो एफ ऑफ जीरो एफ डैश जीरो जीरो है, तो एक्स को जीरो पुट करने पे आ गया एफ डैश जीरो इक्वल टू माइनस एफ डैश सिक्स, तो एफ डैश जीरो जीरो तो एफ डैश सिक्स भी क्या जाएगा जीरो। तो उसको लिखते चलते साथ के साथ, देखो उससे क्या क्या बात मिली, एक तो आ गया एफ डैश जीरो जीरो गिवन है, फिर एक एफ डैश सिक्स जीरो आने वाला लिख देंगे बाद में। सिमिलरली जब x को 1 लोगे तो एफ डैश 1 इक्वल टू माइनस एफ डैश 5, एफ डैश 5 जीरो तो एफ डैश 1 भी जीरो आ गया, तो एफ डैश 1 भी जीरो आ गया, 6 जीरो 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 1 जीरो 5 जीरो, 2 लोगे तो एफ डैश 2 इक्वल टू आ गया एफ डैश 4, एफ डैश 2 जीरो तो एफ डैश 4 भी जीरो आ गया, तो पहले लिख देते एफ डैश 2 जीरो आ गया, एफ डैश 2 जीरो आ गया, एफ डैश 4 जीरो दे रखा है अपन ने फाइंड आउट कर लिया, एफ डैश 5 जीरो आ गया और एफ डैश 6 जीरो आ गया। बच्चे क्या करते हैं, जो वैल्यूज गिवन है ना एफ डैश की उनको पुट कर देते हैं, जीरो पुट किया तो 6 जीरो आ गया एफ डैश, 2 पुट करने पे एफ डैश 4 जीरो आ गया और 5 पुट करने पे एफ डैश 1, मतलब ये 6 बार जीरो आ गया, ये 3 और 3 6। लेकिन ध्यान दो ये 3 पे दोनों सेम आएंगे, जब एक्स को 3 पुट करोगे तो उससे क्या होगा एफ डैश 3 इक्वल टू माइनस एफ डैश 3, तो 2 एफ डैश 3 जीरो, तो इससे अल्टीमेटली
एफ डैश थ्री भी क्या जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हुआ क्या, क्लोज इंटरवेल जीरो से सिक्स में ये टोटल सेवन रूट्स हैं, मतलब एफ डैश एक्स के एटलीस्ट सेवन रूट होंगे रॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग मिनिमम। जब डायग्राम बनाओगे आप रफली तो इस तरीके से मिनिमम क्या होंगे, सेवन रूट्स होंगे। तो यहाँ क्या होगा, डबल डैश जीरो आ जाएगा। तो एफ डैश एक्स के मिनिमम सेवन रूट हैं, इसके मिनिमम सिक्स होंगे, तो टोटल कितने रूट होंगे, थर्टीन। तो एच एक्स के मिनिमम थर्टीन रूट्स हैं, तो एच डैश एक्स के मिनिमम क्या होंगे, ट्वेल्व रूट्स विद दी हेल्प ऑफ रॉस थ्योरम। तो क्या आ गया आंसर, एन ट्वेल्व आ गया, तो ट्वेल्व अपॉन थ्री बताना है। तो ट्वेल्व अपॉन थ्री आपको आंसर फिल करना है इसका, फोर आंसर। ठीक है, क्या आंसर फिल करोगे बेटा, फोर। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, दी सेट ऑफ ऑल रियल पैरामीटर ए फॉर विच दी इक्वेशन ऑफ दिस पार्ट, ये वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हैज ऑल रियल सॉल्यूशन, इसके ऑल रूट्स क्या है, रियल है, इज गिवन बाय एम अपॉन एन से इन्फिनिटी, मतलब ए का इंटरवल गिवन है, एम एंड एन आर रिलेटिव प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स, देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ एम प्लस एन। अल्टीमेटली आपको बोला गया कि इस वाई क्वाड्रेटिक के ऑल फोर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, देन आपको ए का इंटरवल चेक करना है, उससे अपन एम प्लस एन की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट। तो देखो उसमें थीम क्या थी, इसमें वेरी वाला रहा है, इस वाई क्वाड्रेटिक को अपन जनरली सोल्व तो कर नहीं सकते, तो इसमें देखो ट्रिक थी बहुत अच्छी, वो ट्रिक क्या थी, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन, इसको दो क्वाड्रेटिक की फॉर्मेट में ब्रेक कर सकते हैं, बट अपन बाई क्वाड्रेटिक की हेल्प से नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि इसके फैक्टर करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें थीम क्या थी, इसको ए में क्वाड्रेटिक बना हुआ, ये ए में क्वाड्रेटिक, तो एक बार तो लिखते हैं ए स्क्वायर की टर्म, इन दोनों में जब आप माइनस ए कॉमन लोगे तो क्या जाएगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इन टू ए, ए में क्वाड्रेटिक बनाई, बचा कौन, प्लस एक्स की पावर फोर प्लस एक्स इक्वल जीरो। अब इसमें लगाओ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ए में क्वाड्रेटिक तो ए का फॉर्मूला लगाओ, तो ए इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी, तो टू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो ये आ गया टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर, ए तो वन है इसका और सी कितना है, एक्स की पावर फोर प्लस एक्स, और अपॉन में क्या जाएगा बोलो। अब इसको सोल्व कर देते, देखो इसको सोल्व करने पे क्या आने वाला है, इसको रफली अपन इधर ही लिख देते हैं, इसकी स्क्वायर आने वाली है फोर एक्स की पावर फोर प्लस वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर। जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, ये वाला टर्म कैंसिल आउट, तो अल्टीमेटली क्या आ गया, फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस फोर एक्स, ये फॉर्मूला बन गया टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, मतलब रूट के अंदर वाला पार्ट आ गया टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से रूट हटाओगे तो रूट स्क्वायर हट जाएगा। तो फाइनली इससे मिलेगा आपको ए इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस माइनस अगेन टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा डाउट से लग रहा है मेरे को, चलो देखते हैं जो भी है, एक बार लेंगे टेकिंग प्लस, जब आप टेकिंग प्लस की बात करोगे तो ये तो हट जाएगा, एक बार दोबारा देखो, कुछ मिस्टेक है इसमें शायद, क्योंकि इसके ऑल रियल सॉल्यूशन में तो डाउटफुल होगा, चलो एक बार देख लेते हैं, बाई चांस डाउट होगा तो दोबारा देख लेना। जब टेकिंग प्लस रुको तो क्या गया, ए इक्वल टू आ गया टू एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर, क्या आ गया बोलो, फोर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। नहीं, एक बार दोबारा चेक करो उसकी कैलकुलेशन में क्या डाउट है, मिस्टेक ये थी कि ये टू एक्स है, ठीक है ना, ये टू एक्स माइनस वन है, ठीक है। चलो तो देखो टेकिंग प्लस पे क्या जाएगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, वन से वन कैंसिल आउट, तो फाइनली आ गया टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स बाय टू, तो ये आ गया ऑटोमेटिकली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो, एक क्वाड्रेटिक टर्म मिलेगी। जब आप टेकिंग माइनस की बात करोगे तो क्या होगा, ये आ गया ए इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन प्लस वन प्लस टू, तो टू कैंसिल करने पर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, तो ए को राइट पार्ट में शिफ्ट किया तो देन दिस इज बिकम, ये आपको दो क्वाड्रेटिक में आपने क्या किया, इसको ब्रेक कर, अल्टीमेटली ये दोनों इसके फैक्टर हैं जे, लेकिन ये फैक्टर करना इसके थोड़े कॉम्प्लेक्स है, तो बेटर ऑप्शन था इसको ए में क्वाड्रेटिक से अपने इसके क्या कर दिया बोलो, फैक्टराइजेशन। अब इसको रिमूव कर देते हैं,
देखो ये दो क्वाड्रेटिक है, क्वेश्चन ने बोला गया ऑल फोर रूट्स आर रियल एंड डिस्टेंट, ऑल फोर रूट्स आर रियल, डिस्टेंट नहीं बोला, तो इसका भी डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड एंड का दोनों में कॉमन, तो फर्स्ट का डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करने पे क्या जाएगा, वन माइनस फोर माइनस ए ग्रेटर देन जीरो, देन दिस इज फोर ए प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल जीरो, देन ए ग्रेटर देन इक्वल टू वन बाई फोर, ए आपका क्या होगा वन बाई फोर से ग्रेटर। सेकेंड का भी डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर देते हैं, तो अगेन वन माइनस फोर ए सी इज वन माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो कितना आ गया वन माइनस फोर माइनस थ्री प्लस फोर ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो जाएगा फोर ए माइनस थ्री, सॉरी तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, थ्री को तो लेके जाओ, तो ए आ गया ए ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया फोर बाई थ्री, ये सॉरी थ्री बाई फोर, वन बाई फोर से बड़ा थ्री बाई फोर से बड़ा, तो दोनों का कॉमन क्या जाएगा ए ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया थ्री बाई फोर, तो क्या हो गया थ्री बाई फोर से इनफिनिटी, ये एम ये एन, तो दोनों का सम क्या होगा बोलो सेवन, तो इसका आपको सेवन आंसर बेटा फिल करना है। उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, ए डिफरेंशियबल फंक्शन एफ सेटिस्फाई द रिलेशन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस टू एक्स वाई एक्स माइनस वाई माइनस वन बाई थ्री कॉमा फोर ऑल एक्स बिलोंग टू आर एंड लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये दिख नहीं रहा ढंग से जीरो है ध्यान देना, एच टेंस टू जीरो इन्फिनिटी गलत बना दी ना, एच टेंस टू जीरो थ्री एफ एच माइनस वन अपॉन सिक्स एच इक्वल टू टू बाई थ्री, इस लिमिट की वैल्यू टू बाई थ्री की बिना है, देन दी वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टू का स्टेप, एफ ऑफ टू का जे बताना है, तो देखो इसमें फंक्शन आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए देखो क्या करना है, थोड़ा सा पार्ट लेंथी है बट समझाने की ट्राई करते हैं। देखो सबसे पहले तो इसको समझने की ट्राई करो कि हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम, इसमें एफ एक्स फंक्शन चाहिए, तो जब भी आपको फंक्शन की डेफिनेशन गिवन है तो पहले काम करते हैं एफ डेस एक्स का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, एफ डेस एक्स का मीनिंग क्या लिखते हैं अपन, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन सॉरी एफ एक्स अपॉन एच, ये आ गया, और बाद में एक काम करो एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब क्या आएगा एफ एक्स प्लस एफ एच प्लस टू एच एक्स एक्स प्लस एच माइनस के वन बाई थ्री, ये वैल्यू इसमें रिप्लेस कर देते हैं, तो देन वी विल गेट ध्यान दो एफ डेस एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच प्लस टू एच एक्स एक्स प्लस एच माइनस के वन बाई थ्री, और इधर तो क्या आएगा एच। अब इसमें थोड़ा सा एक काम और करना पड़ेगा आपको, साथ ही साथ एक काम करो इस एफ एक्स को लिख सकते अपन एफ ऑफ एक्स प्लस जीरो, तो ये प्रॉपर्टीज में भी अप्लाई कर देते हैं, तो ये प्रॉपर्टीज में अप्लाई करोगे तो क्या जाएगा ये एफ एक्स प्लस एफ ऑफ जीरो, ध्यान देना सब कुछ माइनस में आएगा, माइनस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो ये तो जीरो बन जाएगा, और माइनस वन बाई थ्री तो प्लस के क्या बन जाएगा वन बाई थ्री, क्योंकि इससे वन बाई थ्री भी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ये थोड़ा लिखना ही पड़ेगा दोनों में, तो सीधे को क्या क्या चीज कैंसिल आउट होगी ध्यान दें, एफ एक्स से एफ एक्स कैंसिल, वन बाई थ्री से वन बाई थ्री कैंसिल, तो इसका रिमेनिंग पार्ट आ गया, यही यूजफुल है अपना एफ डेस एक्स इक्वल टू, क्या लिखना है एफ डेस एक्स इक्वल टू लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एच प्लस टू एच एक्स स्क्वायर प्लस टू एच स्क्वायर माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच, तो ध्यान दे अब एफ ऑफ जीरो की वैल्यू चाहिए इसमें, तो केयरफुली सुनो, जब इसमें आप एक्स और वाई दोनों को जीरो रखोगे तो इससे आपको एफ ऑफ जीरो की वैल्यू मिलेगी जीरो 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 वन बाई थ्री, एफ ऑफ जीरो से कितना जाएगा बोलो वन बाई थ्री, तो ये जाएगा माइनस के वन बाई इतना आ गया, ठीक है। अब आगे देखो क्या करना है, हाँ तो एक बात सुनो, अगर इधर सीधा एफ एक्स रखते फिर भी सेम ही बात बनती, इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब सीधा आप इसको भी मत पुट करो, सीधा एफ एक्स लिख के कैंसिल आउट कर दो उसको, तो ये दोनों टर्म बच जाएंगे और माइनस के वन बाई थ्री, इससे भी कर सकते हैं,
ध्यान देना एफ ऑफ जीरो की वैल्यू माइनस के अनुमति अपन को बाद में भी यूज करनी पड़ सकती है। एफ ऑफ जीरो आ गया 1/3। अब सुनो इसमें थीम क्या है, इसमें एक काम कर सकते हैं अपन, इन दोनों को कर देते सेपरेट डिवाइड और इसको अलग से डिवाइड। इसको ले सकते हैं अपन, ध्यान दो एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, इन दोनों को तो रखा मैंने सेपरेट, एफ एच एफ ऑफ एच अपॉन एच ये तो कर दिया सेपरेट। जब 2h स्क्वायर अपॉन एच करो तो क्या आएगा h, और h टेंस टू जीरो पे जीरो बन जाएगा घटाओ, और इसको इससे डिवाइड करने पे सेपरेट आ जाएगा 2x स्क्वायर। अब इसके बारे में क्या विचार है, चाहो तो एक काम करो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा ये हट जाएगा इधर से, इधर 3 और इधर 3, तो ये जो अपन को रिलेशन के बने इसमें से एक काम करो एक 2 इधर ऊपर भेज दो, तो ये क्या आ गया लिमिट ऑफ, बस यही इसका यूज था, h टेंस टू जीरो 3fh-1/3h इक्वल टू क्या जाएगा बोलो 4/3, मतलब ये वैल्यू बन जाएगी 4/3, क्या बन जाएगी बोलो 4/3। तो अल्टीमेटली इससे आ गया एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x² + 4/3, ये एफ डैश एक्स आ गया। तो एफ एक्स लाने के लिए क्या करें, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स होगा, इसका क्या आ गया 2x³/3 प्लस 4x³ प्लस कॉन्स्टेंट। अब सी की वैल्यू के लिए काम करो ना, एफ ऑफ 0 1/3 की बने तो x को 0 लोगे तो 0 0 c, तो एफ ऑफ 0 c तो c 1/3 आ गया, तो c की वैल्यू क्या रिप्लेस कर दोगे इधर 1/3। बस इतना करने के बाद आपसे पूछा है एफ ऑफ 2, तो x को 2 पुट कर देते हैं, तो एफ ऑफ 2 आ गया 2³ = 8 16/3 प्लस 8/3 प्लस 1/3, तो जब 3 एलसीएम लोगे तो क्या गया 16 8 24 25/3 या गया 8.3 के आसपास। तो 8.3 का स्टेप कितना आएगा बोलो 8, तो उसका 8 आंसर आपको बेटा फिल करना है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, तो सिर्फ मेन थीम ये थी कि आपको डिफरेंशियलिटी का फॉर्मूला यूज करना था एफ डैश एक्स इक्वल टू, ठीक है चले। उसके बाद देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, लेट, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है बायनोमियल थ्योरम का, 1 + x² / ((1 + x)) / (n) = σ(σ)^2 a1 a2 a3 rn ap then sum of all possible values of n is, तो देखो इसको पहले ब्रेक करते हैं, पहले इसका स्क्वायर ओपन कर दो तो 1 + x² / (4 + 2x² आ गया। इसका क्या करना है, उसको लिखने से पहले एक काम करो, पहले राइट पार्ट की बात करते हैं, जब k की लिमिट पुट करोगे 0 तो क्या आएगा a0 a1x a2x² / (a3x³) ये आ गया ना, आपको चाहिए a1 a2 a3 ap में, तो क्या कंडीशन हो जाएगी 2a2 = a1 + a3, तो आपको a1 a2 a3 की वैल्यू चाहिए। तो a1 का मीनिंग क्या है, लेफ्ट और राइट में आप x के कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे, a2 के लिए x² को कंपेयर करना, a3 के लिए x³ को कंपेयर, तो काम करें मतलब x³ से मतलब है, तो आप 1 + x² / (n) का एक्सप्रेशन स्टार्टिंग की फोर्थ टर्म तक लिख दो, तो क्या लिखोगे nc01 nc1 nx + nc2x² + nc3x³, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो आपको करना क्या, बेसिकली इन दोनों के मल्टीप्लाई में क्या चाहिए, लेफ्ट और राइट में a1 का मीनिंग कोफिशिएंट ऑफ x, तो a1 क्या जाएगा x का कोफिशिएंट, तो 1 को क्या करोगे इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो एक तो n आ गया बाकी से मिलेगा नहीं, तो a1 तो आ गया 1। सिमिलरली a2 का मीनिंग क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² के लिए दो टर्म प्रेजेंट होंगी, इसको तो कर दो 1 से और 1 को कर दो x² से, तो क्या जाएगा 1 को करोगे x² से तो ये तो आ गया nc2 + 2x² को 1 से किया तो कोफिशिएंट 2 आ जाएगा, ये a2 आ गया। सिमिलरली a3 के लिए a3 का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x³, तो देखो 1 के लिए हाँ ये हो गया ना, 1 के लिए x³ से करना है, तो दिस इज nc3 प्लस x³ के लिए कुछ नहीं होगा, हाँ इसके लिए x से करो तो 2n x³, तो फाइनली कितना आ गया 2n। अब कुछ नहीं करना, आगे कैलकुलेशन करनी है आपको, a1 a2 a3 की वैल्यू पुट करके जब ncr का फॉर्मूला ओपन करोगे तो इट इज बिकम क्यूबिक इन n, ये n में बनेगी क्यूबिक, उस क्यूबिक में जब आप सॉल्व करोगे तो उससे n की 3 वैल्यू मिलेंगी 2 3 और 4।
तो इन तीनों का सम 4, 3, 7, 2, 9, तो इसका 9 आंसर आपको फिल करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या करना है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इफ ए प्लेन कंटेन द लाइन दिस पार्ट एंड इज पैरेलल टू द लाइन ऑफ दिस पार्ट, एक प्लेन के अंदर ये लाइन L1 कंटेन करती है और इस L2 लाइन के पैरेलल है। इफ डी वी द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन, डी का मीनिंग क्या है, प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस है, तो देन 7D² इज इक्वल टू, कुछ नहीं करना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्लेन की इक्वेशन को क्या करना, फाइंड आउट। देखो कैसे करना है, ये लेट पहले डायग्राम समझते हैं। ये एक प्लेन है, ये लाइन L1 इसके अंदर कंटेन करती है, कंटेन का मतलब लाइन वन पे, लाइन पे जो पॉइंट है। हाँ एक काम करो, इस लाइन को प्रॉपर सिमेट्रिक फॉर्म ले सकते हैं अपन, x -2/1 इक्वल टू y -1/0 इक्वल टू z+1/2। ये लाइन को अपन ने क्या लिखा, सिमेट्रिकल फॉर्मेट में। तो ये लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 1, -1। ये लाइन किस पॉइंट से पास होती है बोलो, 2, 1, -1, और इस लाइन के DCS कौन है, DRS 102। तो देखो प्लेन की क्वेश्चन के लिए क्या करें, अगर एक प्लेन 2, 1, -1, क्योंकि लाइन L1 अगर इस प्लेन के अंदर कंटेन है, तो लाइन प्लेन इज ऑल्सो पासिंग थ्रू द पॉइंट A, तो 1 पॉइंट फॉर्म के अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ प्लेन इज A x -2 + b y -1 + c z+1 = 0। ये मिली प्लेन की क्वेश्चन। इस प्लेन की क्वेश्चन में ABC कौन है, नॉर्मल के DRS। देखो ये प्लेन है, ये इसका नॉर्मल है, तो इसके DRS है ABC। तो ध्यान दे, इस नॉर्मल के DRS और इस लाइन L1 के DRS क्या परपेंडिकुलर, तो क्या लिखेंगे, AA1 + BB1 + CC1 = 0। तो क्या जाएगा, A+0B+2C = 0। एक रिलेशन ही आ गया सेकंड, और एक रिलेशन और चाहिए ABC की वैल्यू के लिए। तो क्या करें, ये जो प्लेन है P, ये लाइन L2 के पैरेलल है, ये L2 लाइन ऐसे है, तो इस ये L2 लाइन का मीनिंग क्या है, ये L2 लाइन इस पॉइंट से तो पास होती है और इसके पैरेलल है नॉर्मल वेक्टर के, मतलब इस लाइन के DRS है 1, 1, -1 लाइन के। तो एक बार बताओ, अगर ये लाइन ऐसे है P1 के पैरेलल, तो लाइन पैरेलल ऐसे और प्लेन का नॉर्मल ऐसे होगा, तो अगेन प्लेन के नॉर्मल के DRS ABC और इस लाइन के DRS क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो क्या लिखोगे, A+B - C = 0, A+B - C = 0। ये लो, अब आपको इन 3 इक्वेशन की हेल्प से ABC का एलिमिनेशन करना है। जैसे ही आप ABC का एलिमिनेशन करोगे, तो आपको क्या होगा, प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी बोलो, फाइंड आउट। तो देखो सिंपल सी थीम है, जब 3 इक्वेशन से 3 वेरिएबल का क्या करना है आपको, एलिमिनेशन। तो सबसे बेटर ऑप्शन है उनके कोफिशिएंट से बनने वाले डिटरमिनेंट को क्या कर दो, 0। तो क्या जाएगा बताओ, x-2 आ गया, y-1 आ जाएगा, अगले में z+1 आ गया, ABC कोफिशिएंट 1, 0, 2, 1, 1, -1। ये लो क्या जाएगा, x-2 सॉल्व कर देते डिटरमिनेंट को, 0 ये -2 आ गया, फिर -y-1 इस रो कॉलम को हटाओ, -1, -2 -3 आ गया, प्लस z+1 आ गया, 1 - 0 = 1 = 0। ये लो, तो फाइनली कितना जाएगा सुनो, ये आ गया -2x + 4 + 3y - 3 + z+1 = 0। तो अल्टीमेटली आपको प्लेन की क्वेश्चन क्या मिलेगी, ध्यान देना, -2x + 3y + z, -2x + 3y + z, और बाद में आ गया 4, 5 - 3 + 2। ये प्लेन आ गया P। अब इस प्लेन की क्या बतानी है, ओरिजिन से डिस्टेंस, उसको D बोला गया, तो D इक्वल टू क्या जाएगा, 0, 0 पुट करो, तो 2/√ कितना, 2 का स्क्वायर 4, 9, 4, 13 and 1, 40, √14 आ गया। लो डी आ गया 2/√14, तो 7D² की वैल्यू क्या होगी, 7D² का मतलब 4/14, 14 से 2 कैंसिल, 2 से 4, 2 कैंसिल। तो अल्टीमेटली इसका आपको क्या करना है बोलो, 2 आंसर फिल करना है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, और उसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन और देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ज्योमेट्री यूज करना है, पढ़ो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। क्या बोलेगा, इफ Z0 का मॉड इज
जेड नॉट माइनस ओमेगा का मोड इक्वल टू जेड नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर का मोड, ये थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस इक्वल गिवन है, वेयर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर नॉन रियल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, मतलब ये वन की पावर वन बाई थ्री के कॉम्प्लेक्स रूट है। चलो जेड नॉट का मतलब एक्स प्लस आईटा बाई आईटा का मीनिंग रूट माइनस में लेते हैं अपन, ये यूनिवर्सल है। एंड एक कंडीशन गिवन है, लिखते हैं इसको एक बार, जेड माइनस जेड नॉट का मोड लेस देन टू, इसका मीनिंग क्या है, जेड का लोकस एक सर्कलेज का सेंटर जेड नॉट है और रेडियस टू का सर्कमफ्रेंस का पार्ट या उसका इंटीर पार्ट लेना है, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोड जेड, मतलब ये जो सर्किल है जिसका लोकस जेड है इस पे मैक्सिमम कौन सा पॉइंट लें जिसका मॉडुलस, इस पे ऐसा कौन सा पॉइंट लोगे जिसका मॉडुलस मैक्सिमम आना चाहिए, तो उसकी बात की गई है। देखो कैसे करना है, ये जेड नॉट का खेल है, सबसे पहले ये जेड नॉट क्या करोगे कैलकुलेट, उसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं। तो देखो हाँ, इस जेड नॉट के लिए इसको ध्यान दो आप, ये जो कंडीशन है ना इसको ऐसे समझो आप, जेड नॉट माइनस जीरो का मोड इक्वल टू जेड नॉट माइनस ओमेगा का मोड इक्वल टू जेड नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर का मोड। इसका मतलब क्या है, एक जेड नॉट पॉइंट की थ्री पॉइंट है, एक जीरो जीरो है, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर, एक जेड नॉट पॉइंट की थ्री पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल है, तो अल्टीमेटली पॉइंट क्या होगा, एक सर्किल का सेंटर जिसकी रेडियस कुछ भी हो सकती है, ये वो तो देख लेंगे अपन, या फिर ऐसे बोल सकते हो एक पॉइंट की तीन पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल है, इसका मतलब वो एक सर्कम सर्किल का सेंटर हो गया जो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से पास होगा। अपन ऐसे समझ सकते हैं, जैसे लेट एक ट्राइंगल माना, ये जे नोट है, इसकी जीरो जीरो से डिस्टेंस, ओमेगा से डिस्टेंस और ओमेगा, इन तीनों पॉइंटों से डिस्टेंस क्या इक्वल है, तो क्या हो गया, ये तीनों पॉइंट एक सर्किल पे लाई करते हैं जिसका सेंटर क्या गया, जे नोट हो गया, ये इसका मतलब है, ठीक है। और तो देखो इसकी ज्योमेट्री से डायग्राम बना देते हैं एक बार, मतलब सीधी बात है सुनो, जेड नोट क्या है, एक पॉइंट का लोकस है, और वो जेड नोट क्या होगा, एक सर्कमफ्रेंस एक सर्किल का सेंटर जेड नोट है, और वो सर्किल तीन पॉइंट के पास होगा, तीन पॉइंट कौन कौन से, एक जीरो जीरो है, ओमेगा का मतलब क्या मानोगे, माइनस हाफ प्लस रूट थ्री बाई टू आयोटा, और इसमें दोनों में माइनस लगा दो, तो एक काम करो माइनस हाफ रूट थ्री बाई टू इधर होगा, उसके बाद इसके नीचे एक पॉइंट होगा माइनस हाफ माइनस रूट थ्री और जीरो जीरो, इन तीनों पॉइंटों से आपको क्या करना है, एक सर्किल को पास कराना है, इन तीनों पॉइंटों से आपने क्या किया, एक सर्किल को पास कराया, ठीक है। इतना बनाने के बाद देखो ये पॉइंट कितना आ गया, माइनस हाफ कॉमा रूट थ्री बाई टू, माइनस हाफ कॉमा माइनस रूट थ्री बाई टू और ये जीरो जीरो। अब देखो जेड नोट की वैल्यू कैसे मिलेगी, तीनों पॉइंट को ज्वाइन करने से जो ट्रायंगल बनेगा, ध्यान देना इस ट्रायंगल की तीनों साइड लेंथ सेम है, ये तीनों लेंथ सेम है, तो ये ट्रायंगल कैसे होगा, इक्विलेटरल, और अगर ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो इसका जो सेंट्रोइड है वो इसका क्या होगा, सर्कम सेंटर, और ट्रायंगल के सेंट्रोइड का फॉर्मूला तीनों का समेशन बाई थ्री। तो देखो माइनस हाफ जीरो का सम माइनस वन बाई थ्री, तो क्या जाएगा माइनस के वन बाई थ्री, और इधर क्या जाएगा जीरो, मतलब फाइनली जो जेड नोट है क्या आएगा, बोलो एक बार दोबारा देखो कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर दी, जीरो जीरो से जब ये डिस्टेंस की, ना अलग आएगी, गलत बोल दिया, जीरो जीरो से डिस्टेंस क्या मिलेगी, वन, ये वन और ये कितनी होगी देखना, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का मोड, मोड ओमेगा वन माइनस ओमेगा का मोड, ठीक है। तो तीनों डिस्टेंस आपको मिल जाएंगी। इतना आने के बाद अब देखो जेड नोट के लिए क्या करें, जेड नोट की क्या होगी, इन तीनों पॉइंटों से डिस्टेंस सेम है, जीरो जीरो से डिस्टेंस, अल्टीमेटली आप कुछ नहीं करना, इस सर्किल का निकालना क्या है, सेंटर निकालना है, इस सर्किल का क्या निकालना है, बोलो सेंटर, सर्कम सॉरी सेंटर, इस सर्किल का जो सेंटर होगा वही क्या होगा, जेड नोट होगा, क्या होगा बोलो, वही जेड नोट, और वो जेड नोट आ गया तो उसके बाद अपन क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं एक बार, तो देखो करते हैं, तो ध्यान दो, जब आप इन तीनों वर्टेक्स को ज्वाइन करोगे तो देखो उससे ट्राइंगल बन गया, तो देखो ये डिस्टेंस तो कितनी आएगी, वन बाई टू का स्क्वायर वन बाई फोर तीन वोट एक, और ये भी एक है, बट ये डिस्टेंस ध्यान देना ये रूट थ्री है, तो ये ट्राइंगल कौन सा होगा, आइसोसेलस ट्राइंगल है, तो इसका सेंट्रोइड
सरकम सेंटर थोड़े अलग होंगे, ठीक है, वो गलत बोल दिए पहले। तो एक काम करो, अभी तो फिक्स्ड है, सरकम सेंटर का मतलब क्या होगा, साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यही है ना, अल्टीमेटली सेंटर्ड आपका इस एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, तो इसको मान लेते हैं लैम्डा कॉमा जीरो, ये लो, और बाद में लैम्डा कॉमा जीरो माना, तो मानने के बाद क्या होगा, इस पॉइंट की इन तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस क्या होगी, सेम। ये अगर वर्टेक्स आपने माना लैम्डा कॉमा जीरो, तो क्या करें, लैम्डा कॉमा जीरो की जीरो जीरो डिस्टेंस क्या होगी, लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू, इससे डिस्टेंस होगी लैम्डा प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4। इसको सोल्व कर लेना तो लैम्डा की वैल्यू मिलेगी आपको माइनस के वन, तो अल्टीमेटली जो जेड नोट है वो कितना जाएगा बताओ, माइनस के वन। ये इसका यूज था जो कंडीशन के बने। इतना आने के बाद अब अपने इसको यूज करते हैं अपने क्वेश्चन में। देखो क्या करना है उसमें, तो क्वेश्चन आ गया अपना जेड प्लस वन का मोड लेस देन इक्वल टू टू। तो देखो जेड नोट, जेड का मोड मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो एक काम करो, ये एक सर्कल का सेंटर कितना, माइनस वन कॉमा जीरो, और रेडियस कितनी बोलो टू, तो वन और वन टू इधर होगी, अगर ये टू है तो फिर सर्कल को बनाओगे आप कैसे, ये लो सर्कल बना दिया, ये सेंटर, ये रेडियस टू है, तो ये टू लेने पे ये जाएगा माइनस के थ्री कॉमा जीरो, ये वन कॉमा जीरो। तो आप खुद देखो जेड नोट पॉइंट सबसे मैक्सिमम कहाँ होगा, इधर ही होगा ना, सबसे मैक्सिमम आर्गुमेंट ये मिलेगा। आर्गुमेंट का मतलब क्या है, ओरिजिन से डिस्टेंस। मोड जेड का मैक्स का मतलब क्या है, एक जेड कॉम्प्लेक्स नंबर की जीरो जीरो से डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस सबसे क्या होगी, ज्यादा होगी, उसके बाद डिस्टेंस थोड़ी कम होती जाएगी, क्योंकि सेंटर ये है ना। तो फाइनली क्या जाएगा आंसर, मोड जेड की मैक्सिमम वैल्यू क्या लेनी है, बोलो थ्री, तो देन इसका थ्री आंसर आपको बेटा फिल करना, ठीक है। चलो थैंक यू, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।